हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर है उसका पूरा वन शॉट देखने वाले हैं योद्धा बैच के अंदर हमने फंडामेंटल्स को कई पार्ट में देखा यह उसका समय यानी क्लास हर एक पार्ट हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ इस पूरे के पूरे चैप्टर को वन शॉट में अच्छे से रिवाइज करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका पीडीएफ डी का क्लास आपको लिंक मिल जाएगा जो टेलीग्राम पे है और जो एस ऐप पे है साथ में क्लास एक बात और बताऊंगा अगर आप किसी टॉपिक पर डायरेक्टली जंप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प टाइम देखा डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच सकते हो एंड ये बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है क्योंकि इन डेप्थ में डिटेल में वन शॉट है तो अच्छे से क्लास इसको आपने देखना है दो दिन तीन दिन एक दिन जैसे भी देखना है देखो लेकिन हाँ इस बात को इंश्योर कर लो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आपका बहुत अच्छे से हो जाए विद ऑल कॉन्सेप्ट ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वन शॉट फंडामेंटल यानी कि पार्टनरशिप की बेसिक बातें क्लास इलेवेंथ में आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस को स्टडी किया होगा जैसे एक बिजनेस होता है जिसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको प्रोप्राइटरी या फॉर्म बोलते हैं जहां पे अकेला इंसान ओनर होता है अकेला इंसान बिजनेस को चला रहा होता है पैसा भी खुद लगाता है रिस्क भी खुद ही बियर करता है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा लोग हो गए और वो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं पार्टनरशिप यानी कि पार्टनर plus ship. पार्टनरशिप यानी कि एक से ज्यादा लोग साझेदारी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं साझेदारी तो पार्टनरशिप है क्या पार्टनरशिप की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है पार्टनरशिप के बेसिक्स क्या है आपका पहला जो पूरा का पूरा बुक है, वो इसी पे है और आज हम इसी का पहला चैप्टर करने वाले हैं अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो लगभग दस नंबर का इसका बोर्ड एग्जामिनेशन में वेटेज रहने वाला है सीवीटी में भी क्लास ये तीन से दो से तीन चार क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं डिपेंडिंग सिचुएशन, राइट सबसे पहले बात करेंगे पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है तो सबसे पहले है क्या पार्टनरशिप इज द रिलेशन सबसे पहली चीज पार्टनरशिप एक संबंध है रिलेशन है कुछ लोगों के बीच यही लोग बाद में चल के पार्टनर्स कहलाएंगे जैसे सोल प्रोपर्टरशिप में अकेला इंसान मालिक होता है इसी तरीके से पार्टनरशिप में जितने भी लोग साझेदारी कर रहे हैं जितने भी लोग पार्टनर हैं क्लास उनको मालिक बोलते हैं यानी कि पार्टनर्स सोल प्रोप्रेटरशिप में क्लास जो ओनर है होता है ओनर यहाँ पे क्या होता है मालिक पार्टनर्स एक से ज्यादा लोग राइट तो पार्टनरशिप एक संबंध है कुछ लोगों के बीच जिन लोगों ने अग्री किया है पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन the person who have agreed क्या अग्री agree किया है टू शेयर क्या शेयर करेंगे प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस ध्यान रखना प्रॉफिट और वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा बिजनेस से प्रॉफिट का मतलब पता है आपको बिजनेस का मतलब क्या है जो काम आप डे टू डे में कर आप किसी से कहते नहीं हो अरे भाई धंधा बना रखा है क्या ये बिजनेस बना रखा है क्या मतलब तुम यही काम करते हो क्या बार-बार दिस इज कॉल्ड बिजनेस तो यानी कि ये लोग इसी काम को बार बार करते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इस काम को करते हैं वहां से मुनाफा कमाते हैं चाहे वो बिजनेस सब चला रहे हो या कोई एक चला रहा हो सब चला रहे हो का मतलब क्या है चाहे पाँच के पाँच लोग दस के दस लोग मिल चला रहे हो या फिर पांच लोग बाहर हैं और एक ही इंसान चला रहा है उन सबके के में तो भी क्लास वो पार्टनरशिप है पार्टनरशिप के अंदर बच्चों म्यूचुअल एजेंसी होती है म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है तीन पार्टनर ए बी सी अगर बी और सी बाहर है अके ए अकेला बिजनेस में बैठा हुआ है तब भी क्लास ए जो भी कुछ काम कर रहा है हम ऐसा मानेंगे बी और सी ने उसको उस काम को करने के लिए बोला है यानी कि बी और सी भी क्या है रेस्पॉन्सिबल है बी और सी भी क्या है क्लास लाइबल है ए की सारी की सारी एक्टिविटीज़ के लिए बी और सी भी लाइबल है और बी और सी की एक्टिविटी के लिए ए भी लाइबल है।, है इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी भैया दुकान के अंदर बैठा नहीं है पर कोई भी कस्टमर गलत सामान बेचेगा तो कस्टमर बी और सी के ऊपर भी मुकदमा दायर कर सकता है इस चीज को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी सो डेफिनेशन क्लियर होगी रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच जो कल को चल के क्लास पार्टनर बनेंगे अभी तो पार्टनरशिप की शुरुआत हो रही है इसलिए अभी वो लोग हैं कल को हम उन्हें क्या बुलाएंगे पार्टनर सो डेफिनेशन क्या है मैं रिपीट कर रहा हूं पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच जो अग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे किसी बिजनेस को करते हुए चाहे वो बिजनेस सब चला रहे हो या फिर कोई एक चला रहा हो सबके बिहाफ में ये डेफिनेशन क्लास सेक्शन के अंदर है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप के लिए जो रूल्स आते हैं वो कहां से आते हैं क्लास पार्टनरशिप के जो रूल्स है वो नाइनटीन का एक एक्ट है जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट उसके अंदर ही रूल्स लिखे गए ओके चलो सर कम से कम कितने पार्टनर हो सकते हैं सीधी सी बात है मिनिमम दो पार्टनर हो सकते हैं ठीक है यहां पे ए बी सी ये तीन क्या है क्लास पार्टनर हैं और इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं फॉर्म कलेक्टिवली सारे पार्टनर को मिला क्या बोलते हैं फर्म जैसे मेरी क्लास है मान लो पचास बच्चे बैठे हुए एक का नाम है राम श्याम मोहन रवि ठीक है अगर मैं पूरी क्लास को इकट्ठा बुलाऊंगा तो क्या बोलूंगा बच्चों क्लास स्टूडेंट्स तो मैं सबको इकट्ठा बुला रहा हूं है कि नहीं बच्चों साथ हो जाओ तो मैं किसी को एक को नहीं कह रहा मैं सबको कह रहा हूं उसी तरीके से ए बी सी तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं फर्म कलेक्टिवली ऑल पार्टनर आर कॉल्ड फर्म राइट सो मिनिमम पार्टनर दो होते हैं मैक्सिमम पार्टनर पचास होते हैं चाहे कैसा भी बिजनेस हो ज्यादा से ज्यादा पार्टनर कितने हैं पचास पहले कभी बीस हुआ करते थे आज कितने हैं पचास और ये पचास कहाँ से आया रूल नंबर टेन ये सी में या कभी एमसीक्यू में पूछ ले आपसे इसीलिए बता रहा हूँ रूल नंबर टेन ऑफ द कंपनीज एक्ट रूल कंपनीज एक्ट ने कुछ रूल्स बनाए थे हालांकि कंपनीज एक्ट दो का है थर्टीन का लेकिन रूल कब बनाए थे टू में जिसमें लिखा गया है कि मैक्सिमम पार्टनर फिलहाल कितने हैं क्लास पचास कल को कंपनीज चाहे तो इसको बढ़ाकर सौ भी कर सकती है बट दोस्त रास्ते में जा रहे थे ठीके? हमें कोई एक मोबाइल फोन मिल गया पड़ा हुआ खराब था ठीक है हमने उसको रिपेयर कराया क्लास ठीक है सौ रुपए हमारे खर्च हुए और हमने उसे पांच रुपए का बेच दिया चार रुपए का मुनाफा हुआ हम दोनों ने दो दो रुपए बांट लिए क्या यह पार्टनरशिप कहलाया जाएगा नौ no. क्यों क्योंकि क्लास ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन है ही नहीं हम लोग यही काम थोड़ी करते हैं इसीलिए ये पार्टनरशिप नहीं है दूसरा एग्जांपल 20 लोग मिलकर एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं क्या ये पार्टनरशिप है नहीं चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है तो जब प्रॉफिट कमाना इनका मेन मोटो ही नहीं है तो ये पार्टनरशिप भी नहीं है यानी पार्टनरशिप के अंदर क्या होना चाहिए एक बिजनेस होना चाहिए Profits होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए मतलब हर कोई एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल है अब हम तीन पार्टनर है ना ए बी सी तीन पार्टनर है ए ने कुछ गलत सामान बेच दिया ग्राहक को ग्राहक का नुकसान होगा तो बी थोड़ी बी थोड़ी बोलेगा अरे ए ने बेचा है मैंने थोड़ी बेचा है अरे भैया तुम पार्टनर हो तो तुम भी लायबल हो तुम भी इसके एक्टिविटीज के लिए लायबल हो समझ रहे हो बात को इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी पार्टनर्स में और फॉर्म में क्लास एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है अगर कोई पार्टनर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो मतलब पक्की बात है बाकी पार्टनरों की सहमति से ही कर रहा है आई क्लास बेसिक चीजें समझ में क्लास पार्टनरशिप की नाउ अब आते हैं क्लास फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं ठीक है देखो ये चैप्टर थ्योरी कम न्यूमेरिकल है मैं थ्योरी अच्छे से करा दूंगा आपको बेस स्ट्रॉन्ग करा दूंगा तो धीरे धीरे सम पे भी चलेंगे मैं गारंटी लेता हूँ तुम एक चैप्टर मेरा देख लेना क्लास पूरा का पूरा तुम्हें तो समझ ना आए तब क्लास ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हें तो समझ ना आए पूरा समझ आएगा और बहुत अच्छे से मतलब बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ क्लास क्योंकि मैं कोई पेड बैच लॉन्च नहीं कर रहा इस साल मेरा एक ही बैच है यूट्यूब पर योद्धा बैच और मैं तन मन धन से आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ इस पूरे साल ठीक है क्या क्या कंडीशन है क्लास यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए तो सबसे पहला टू और मोर पर्सन सीधी सी बात है कम से कम दो लोग तो चाहिए क्लास दो से ज्यादा बट मैक्सिमम पचास अगला है एक अग्रीमेंट पार्टनरशिप के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए चाहे वो ओरल अग्रीमेंट हो चाहे रिटर्न अग्रीमेंट हो बहुत सारे एक अग्रीमेंट समझ तो लिखित कल वो लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए पहले से सारी चीज लिख के रख लो लेकिन अगर आप दो दोस्त पक्के हैं तो लिख के नहीं रखते तो कहते हैं चल यार आपस में बराबर बराबर आधा आधा बांट लेंगे प्रॉफिट या जो भी दोनों आपस में ओरली बात कर लेते हैं कुछ लिख के नहीं रखते सारी चीजें क्लास ओरली बात कर लेते हैं और पार्टनरशिप चल जाती है तो पार्टनरशिप में अग्रीमेंट का होना तो जरूरी है बट वो अग्रीमेंट कैसे भी हो सकता है ओरल भी हो सकता है बातों से और रिटर्न भी हो सकता है ओरल अगर आप बनाते हो तो कल को सबूत नहीं दिखा पाओगे रिटर्न में आपके पास प्रूफ रहता है तीसरा लॉफुल बिजनेस ऑब्वियसली क्लास कोई जो बिजनेस तुम कर रहे हो वो इलीगल तो होना नहीं चाहिए स्मैक ड्रग या चरस गांजा सिगरेट है ना ऐसा कोई चीज जो इलीगल है चलो सिगरेट मान लो इंडिया में फिर भी बेचते हैं लोग रजिस्ट्रेशन लेके इलीगल है बट कोई ऐसी चीज जो इलीगल है तो वो काम नहीं करना है क्लास आपको है ना तो अगला है क्लास एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट हाँ बिजनेस का एग्जिटेंस होना चाहिए प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए अगला है क्लास शेयरिंग प्रॉफिट आपस में प्रॉफिट को शेयर करेंगे जो प्रॉफिट लिखा है तो जाहिर सी बात है लॉस भी शेयर करेंगे बट लिखते क्या है क्लास ओनली प्रॉफिट अच्छा हर पार्टनर में कैसा रिलेशनशिप होता है एक बार सवाल आया भी था पेपर में पार्टनर्स में रिलेशनशिप कैसा होता है प्रिंसिपल और एजेंट का प्रिंसिपल समझते हो जो काम करवा रहा है एजेंट मतलब जो काम कर रहा है अगर ए कोई काम कर रहा है तो समझ लो क्लास उसको बी सी डी ने भी बोल रखा है बाकी सारे पार्टनर्स ने बोल रखा है तो पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप होता वो कैसा रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप अगला है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ध्यान रखना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास पार्टनर सेम है फॉर्म सेम है मैंने क्या बोला ए बी सी सबको मिलाकर क्या बोला जाता है फॉर्म बोला जाता है ठीक है तो पार्टनर और फॉर्म दोनों क्या है क्लास सेम है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि अगर मैं किसी बिजनेस का पार्टनर हूँ और मैंने कोई गलत काम किया तो भाई सीधे मेरे नाम पे मुकदमा चलेगा आप सीधे मेरे वो केस कर सकते हो सुनील वर्सेस सीधा सीधा मुकदमा या फिर डैश वर्सेस सुनील सीधा सीधा मुकदमा मेरे नाम पे चलेगा लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है कंपनी अलग है कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अगर तुम्हें रिलायंस कंपनी ने कुछ धोखाधड़ी की है तुम रिलायंस पे केस करोगे रिलायंस को पे मुकदमा करोगे ना कि मुकेश अंबानी पे मुकदमा करोगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर अलग है और कंपनी अलग है पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर सेम है और क्लास फॉर्म जो है वो भी सेम है आप सीधा सीधा क्लास uh, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ठीक है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल चाहे सब चला सकते हैं या कोई एक चला सकता है सबके बिहाफ में चार लोग छुट्टी पे हैं मैं अकेला चला रहा हूँ बिजनेस को चार लोग विदेश में मैं अकेला चला रहा हूँ हाँ पैसा उन्होंने भी दिया है, है तो हमारी पूरी पार्टनरशिप लेकिन वो है नहीं मैं अकेला चला रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है तो ये सारे के सारे क्या है क्लास फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है एक बात मैंने आपसे कहा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान समझना बहुत डीपली जाकर बता रहा हूं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास नो सेपरेट एक्सिस्टेंस यानी कि पार्टनर और फर्म लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें दोनों सेम है है ना लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग जब हम करते हैं उस पॉइंट से क्लास पार्टनर अलग है फर्म अलग है समझ रहे हो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है अगर कोई बिजनेस से पैसे निकाल रहा है तो उसे लौटाना पड़ेगा बिकॉज बिजनेस अलग है और पार्टनर अलग है इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जब बंदा अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा ना तो पार्टनर अलग है फॉर्म अलग है बट कानून की नजरों में क्लास पार्टनर फॉर्म दोनों सेम है इसको बोलते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी अच्छा हर एक पार्टनर के पास कुछ ना कुछ राइट्स है एवरी पार्टनर हैज सम राइट तो हर एक पार्टनर के पास कुछ कुछ अधिकार हैं तो वो क्या क्या अधिकार हैं सबसे पहला राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट पार्टनर्स के पास अधिकार है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यानी कि जब मैनेजमेंट चलेगी मीटिंग चलेगी तो पार्टनर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट बुक्स ऑफ अकाउंट खाते पी एल ट्रेडिंग बैलेंस शीट अकाउंट्स है ना अलग अलग अकाउंट्स उन सबको क्लास क्या कर सकते हैं एक्सेस ले सकते हैं उनकी कॉपी भी ले सकते हैं पार्टनर्स के पास राइट होता है प्रॉफिट्स लॉस को शेयर करेंगे पार्टनर्स के पास अधिकार है कि जो भी मुनाफा कमाया है जो घाटा हुआ है क्लास उसमें वो शेयर करेंगे राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज और हर लोन टू फॉर्म एट द रेट सिक्स परसेंट पर एम बहुत ध्यान समझना क्वेश्चन पक्का आता है इससे अगर मुसीबत के टाइम पे किसी पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दिया है लाइक like मैं और मेरा दोस्त हम दोनों पार्टनर हैं बिजनेस को पैसों की जरूरत है मैं अपने घर से अपनी गाड़ी बेच के अपने जो है सोने वोने का सामान घर बार बेच के मैं बिजनेस को कुछ पैसे उधार दे रहा हूँ तो बिजनेस मुझे उस पर ब्याज देगा बिल्कुल देगा राइट और मुझे कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा छः परसेंट का ब्याज मुझे मिलेगा और क्लास ये चार्ज है भले ही कल को बिजनेस को घाटा हो जाए कल को आग लग जाए बिजनेस में बिजनेस डूब जाए मेरा ब्याज मुझे बिजनेस जरूर देगा ये मेरा अधिकार है कि जो लोन मैंने तुम्हें मुसीबत के समय दिया है तुम तो मुझे उस पर छः का इंटरेस्ट दो ठीक है Right अ पार्टनर है तो किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने से रोक सकता है अगर मान लो बिजनेस में 40 पार्टनर हैं किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है 39 कहते हैं हाँ एडमिट कर लो एक मना करता है तो क्या ये नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो पाएगा अगर एक पार्टनर कह देगा नहीं तो क्या तुम नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर एडमिट कर पाओगे सो आंसर इज नो यानी कि आप किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट तब तक नहीं कर पाओगे जब तक सारे पार्टनर हाँ ना कर दें सब लोग हाँ बोलेंगे तो आप बिजनेस में एडमिट नहीं कर पाओगे अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ तुम मुझे इसका आंसर बताना अगर बिजनेस में पचास पार्टनर है ठीक है और एक पार्टनर को एडमिट करना है फोर्टी नाइन पार्टनर सॉरी पूरे पचास के पचास पार्टनर कहते हैं हाँ पचास पार्टनर पूरे हाँ कहते हैं हाँ, एडमिट कर लो तो क्या नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो पाएगा आप कमेंट सेक्शन में class, इसका मुझे आंसर बताना ठीक so no. हाँ तो कर, so no. कर सकते क्योंकि क्लास मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट खत्म हो चुकी है पचास ही रख सकते हो इससे ज्यादा नहीं रख सकते so आप 50 अगर हो गए फिर तो आप एडमिट कर ही नहीं पाओगे ठीक है अगला है क्लास आ, ये तो हो गया आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस एक नोटिस देने के बाद क्लास कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा सकता उसका right है उसका राइट है भाई मेरा काम करने का मन नहीं है मुझे रिटायरमेंट लेना है या मेरी कोई मजबूरी है भाई मैं तुम्हें नोटिस दूंगा लिखित में और कल को छोड़ के चला जाऊंगा बिजनेस से तो ये नोटिस देना होता है जनरली क्लास एक लंबे समय पहले नोटिस देते हैं यानी कि मैं अभी जा रहा हूँ तुरंत तो नोटिस प्रॉपर दिया जाता है हाँ बट उनका राइट है कि वो नोटिस दे जा सकते हैं आई होप आपको समझ आ गया वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर करना अपने सारे क्लासमेट में अगर तुम्हें वाकई समझ आ रहा है और तुम्हें पूरा का पूरा समझ आएगा इसकी मैं लेता हूँ गारंटी अब आते हैं पार्टनरशिप डेट थोड़ी देर मैंने पहले कहा था कि पार्टनरशिप में अग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप में एक अग्रीमेंट होगा चाहे वो ओरल अग्रीमेंट हो चाहे वो रिटर्न अग्रीमेंट हो बट तो अग्रीमेंट का होना जरूरी है ये जो रिटर्न अग्रीमेंट है इसी रिटर्न अग्रीमेंट को क्या कहते हैं पार्टनरशिप डेड कोई नया नाम नहीं है आपके लिए आपने क्लास इलेवेंथ में भी पढ़ रखा होगा एक रिटर्न अग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच बन जाता है जिसके अंदर वो अपने होने वाली सारी कंडीशन सारी की सारी शर्तें पहले से लिख देते हैं ताकि कल को कोई लड़ाई झगड़ा उनके बीच ना हो अ पार्टनरशिप डीड इज एन कौन सा बिटवीन द द द पार्टनर ऑफ ऑफ फर्म दैट कंटेन टर्म एंड कंडीशन पार्टनरशिप पार्टनरशिप की सारी कॉपी बना लो नई नोटबुक अच्छे से सारे नोट्स को लिखते चलो जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं बिफोर एग्जाम में तुम्हें ये बहुत हेल्प करेगा रिवाइज करने में तब तब आप पूरी वीडियो को रिवाइज नहीं करोगे अपनी कॉपी में देख देख के रिवाइज करोगे ठीक है सो पार्टनरशिप डीट क्या एक रिटर्न अग्रीमेंट है जिसके अंदर सारी शर्तें लिखी रहती हैं जैसे हमारा बिजनेस कहां पे है कौन कौन पार्टनर्स है किसने कितना कितना पैसा मिलाया किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा किसको कितनी सैलरी मिलेगी किसको कितना कमीशन मिलेगा कोई जाएगा तो छोड़ के क्या क्या लेकर जाएगा कोई नया पार्टनर आएगा तो बिजनेस में क्या क्या लेके आएगा सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे क्लास रिटर्न रहेगा सब कुछ यहां पे लिखा रहेगा इसीलिए क्लास इसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं पार्टनरशिप डीड बनाना क्या जरूरी है नहीं तुम ओरल बना लो, अग्रीमेंट बनाना जरूरी है ओरल भी हो सकता है, अग्रीमेंट क्लास जो है उसकी वैल्यू नहीं होती और रिटर्न अग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, वो कोई जरूरी नहीं कि आप रिटर्न ही बनाओ आप ओरल भी बना सकते हो ठीक है और पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप अच्छा अब पार्टनरशिप जीड में क्या क्या लिखा होता है मैंने सब बताई दिया आपको नाम एड्रेस पार्टनर्स के बारे में सारे डिटेल तुम्हारा बिजनेस का नेचर कैसा है किसने कितना पैसा लगाया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा आपस में कैसे बंटवारा करोगे प्रॉफिट का अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक चलेगा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप कब से कब तक चलेगा छः महीने साल भर दस साल या फिर आप अपनी मर्जी से चला रहे हो एट विल अपनी इच्छा से ही चला रहे हो डिस्प्यूट कोई विवाद हो गया तो वो कैसे सेटलमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिलेगा पार्टनर को सैलरी कितनी दोगे कमीशन कितना चार्ज करोगे या दोगे कमीशन कितना दोगे पार्टनर्स के राइट क्या-क्या हैं पार्टनर्स की रिस्पांसिबिलिटी या ड्यूटीज क्या-क्या हैं हर चीज कल को ऐसा हुआ तो कल को वैसा हुआ तो लिख के रख लो क्योंकि कल को अगर वैसा होगा फिर पार्टनर बोलेगा भाई मैंने तो नहीं बोला था मैं तो वो नहीं बोला था मैंने वो नहीं बोला था मुझे नहीं पता था मुझे समझ नहीं आया मैं नहीं करूंगा लड़ाइयां होंगी आपने अक्सर घर वालों को कहते हैं हो, सुना होगा भाई काम करो धंधा करो अपना करो किसी साथ मिलके मत करो कल कल को लड़ाई हो जाती है पंगा हो जाता है बहुत ज़्यादा क्यों क्योंकि आपने डीड नहीं बनाया अगर आप सब कुछ पहले से लिख के रखोगे लॉ द्वारा उसको अटेस्ट कराओगे उस पर मोहर लगा रहेगा तो सब कुछ लिखा रहे कल को कोई अपनी बात से मुकर नहीं सकता ठीक है तो ये हो गया पार्टनरशिप डीड के बारे में अब फाइनली कुछ की पॉइंट्स जो तुम्हें याद रखने हैं सबसे पहली बात इन पार्टनरशिप पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है बेटा पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सब की लाइबिलिटी यानी कर्जा जो जिम्मेदारी है फर्म के टूवर्ड्स वो क्या होती है अनलिमिटेड अनलिमिटेड का मतलब अगर बिजनेस का कर्जा ज्यादा हुआ तो उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेच के बिजनेस की लाइबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी

लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कानूनी कार्रवाई होगी क्लास तो पार्टनर फॉर्म दोनों ही क्या है क्लास सेम है ओके okay? <coughs> चलो अब देखो होता क्या है कंपनी में कंपनी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है तो एक सॉल्यूशन सरकार ने निकाला एलएलपी एक्ट 2008 का एक्ट है एलएलपी का मतलब क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है यानी कि क्लास एक सीमा तक है लाइबिलिटी मुझे अपना घर बार अपने पर्सनल एसेट्स को बेचना नहीं पड़ेगा Here, Labid, 2008. यकीन मानो, काम करने है. कभी भी एल से क्वेश्चन नहीं आया बट तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे पता है तुम्हें प्लस ट्वेल्थ दोनों अच्छे से करना है तुम्हारे नॉलेज के लिए यहाँ पे सारी चीजें इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा मैक्सिमम वी कवर एवरीथिंग जो बच रहा है उसे धीरे धीरे आगे कवर करते रहेंगे अब फाइनली कहानी चालू होती है यहां से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिकल पोर्शन की दिस इज़ कॉल्ड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आओ इसकी कहानी अच्छे से समझते हैं ध्यान से सुनना सारी की सारी बातें आप लोगों ने इलेवेंथ क्लास में तो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ रखा होगा ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आता था ग्रॉस प्रॉफिट याद है फिर आपने इसके बाद पी एंड एल अकाउंट बनाया था यही ग्रॉस प्रॉफिट पी एन एल का ओपनिंग बैलेंस बनता है और फिर लास्ट में आता है टू नेट प्रॉफिट ठीक है इस नेट प्रॉफिट को मालिक लेके चला जाता है यानी कि आप इसे कैपिटल में ऐड कर देते हो क्योंकि ये कैपिटल को इंक्रीज करता है मालिक के ठीक है सर ये तो हमें पता है कुछ नया बताओ तो नया ये है क्लास यहाँ पे अब एक छोटी सी कहानी सुनो बहुत प्यारी सी कहानी मजा आ जाएगा सुन के ठीक है तीन दोस्त थे बचपन के बहुत खास दोस्त दोस्त जिसका नाम था ए बी सी बचपन से पढ़ाई करी बिल्कुल प्री से नर्सरी से एल के जी यू के जी अब इन्होंने बारहवीं पास कर ली फिर ग्रेजुएट हो गए उसके बाद इन्होंने सोचा चलो यार एक बिजनेस करते हैं यार हम किसी के यहाँ गुलामी नहीं करेंगे हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे अपना पर्सनल बिजनेस डालेंगे ए थोड़ा रिच फैमिली से बिलोंग करता है ए अमीर है कुल मिला के समझ रहे हो ना अमीरी है ब्रो अमीरी ठीक है तो ये अमीर है चलो ठीक है भाई अमीर है तो ए ने बोला बी और सी से कि भाई ये काम करते हैं यार धंधा करते हैं अपन लोग बिजनेस करेंगे आप बढ़िया एकदम बिजनेस होगा हमारा आ जाओ हमारे साथ बिजनेस करने के लिए बी और सी बोले भाई देख यार तू तो मालिक आदमी है तेरे पापा तो बड़े बिजनेस मैन हैं तू तो कर सकता है धंधा तेरे पास पैसा हम लोग गरीब आदमी हमारे पास पैसा कहाँ है यार तो ये क्या था भाई तुम्हारा दोस्त तू ना मैं बस तुमने दोस्त बुलाया है ना मुझे बस इतना ही बहुत है यह कहानी क्लास अगली वीडियो में भी कंटिन्यू रहेगा तो ध्यान समझना पार्ट टू में भी रहेगा ए और बी ए बोला आ जाओ यार मैं दस लाख रुपये लगा देता हूँ बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है तुम अपने घर से ले आओ बस पाँच पाँच लाख रुपये बहुत है और प्रॉफिट का कैसे बंटवारा करेंगे अरे भाई तीनों दोस्त अगर बराबर बराबर हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बराबर होगा बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इलेवेंथ में तुम्हारी कंडीशन क्या थी मुझसे मुझे कोई लेना देना नहीं है मुझसे अगर आप यहाँ से सीरियसली पढ़ोगे ना तो तुम सब बराबर हो कोई भी अलग नहीं है तीनों पार्टनर बराबर बराबर का प्रॉफिट शेयर करेंगे बराबर बराबर मतलब वन 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 यानी कि क्लास वन प्लस वन प्लस वन थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई तीनों दोस्त हैं तीनों ने बोला भाई पैसा भले ही मैं ज्यादा लगा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है तुम मेरे दोस्तों हो भाई हो प्रॉफिट हम बिल्कुल बराबर बराबर बांटेंगे चलो ठीक है प्रॉफिट बराबर बराबर बांटा जाएगा ओके सब कुछ अच्छा चल रहा था जो ये प्रॉफिट था तीनों पार्टनर पिंड अकाउंट बनाकर नेट प्रॉफिट तीनों पार्टनर आपस में बराबर बराबर बांट लेके अपना घर चले जा रहे थे सब कुछ अच्छे से चल रहा था एक साल हो गया दो साल हो गया तीन साल हो गया बहुत अच्छा मुनाफा आने लगा पचास पचास साठ साठ लाख रुपए कमाने लगे और अपने अपने घर बराबर बराबर ले जाने लगे चलो ठीक है अब हुआ क्या ए थोड़ा बिजनेस से बाहर रहने लगा ए चला गया मॉरेशियस जा रहा है दुबई जा रहा है ठीक है थाईलैंड जा रहा है घूमने के लिए ठीक है अमेरिका जा रहा है लंडन अलग अलग जगह जा रहा है घूमने के लिए बिजनेस में आता ही नहीं है बस बाहर रहता है भैया वो अमीर आदमी बड़े शौक बाहर जा रहा है घूम रहा है मस्ती कर रहा है फाइव स्टार में रुक रहा है ठीक है बी जो है बी एज अ मैनेजर काम कर रहा है एज अ मैनेजर पूरे के पूरे बिजनेस को क्लास मैनेज करता है सब चीज़ देखता है निगरानी रखता है सुबह टाइम पे आता है रात को लेट जाता है अच्छे से काम कर रहा है भी ठीक है सी जो है एक सेल्समैन की तरह काम कर रहा है सेल्समैन सेल्समैन क्या होता है माल लेके जाता है अलग अलग लोगों को कंपनी वालों को दिखाता है कंपनी वालों को पसंद आता है लोग माल खरीदते हैं बहुत मेहनत कर रहा है सी एक दिन बी और सी आपस में मिल गए छुट्टी का दिन था मिल गए बोले यार ए जो है वो दो महीने से गायब गए यार कहाँ है वो वगैरह वो तो यार अभी लंडन है लंडन में मजे ले रहा है वो तो यार अभी आ ही नहीं रहा बात ही नहीं हो पाती उससे वहीं पे अपना जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है एंजॉय कर रहा है वहीं पे ठीक है ये कहता है यार मैं गधे की तरह काम करता हूँ सुबह से शाम इतनी मेहनत करता हूँ भी वहाँ मजे ले रहा है तो यार मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए अगर मैं एक मैनेजर की तरह काम ना करूँ मैं भी बाहर घूमने लगूँ तो भैया तुम किसी मैनेजर को तो रखोगे कंपनी के अंदर उसको तनख्वाह दोगे तो मुझे क्यों तनख्वाह नहीं दे रहे भाई मुझे एज अ मैनेजर सैलरी चाहिए ये कहता ठीक है एक मैनेजर की तरह मुझे सैलरी चाहिए सी कहता है बात तो तेरी सही है यार बात तो सही कह रहा है मेहनत ज़्यादा कर रहा है तो ठीक है और दोस्ती थी इनके बीच कोई डीड नहीं बनाया सब दोस्त थे कोई डीड बनाया नहीं सी कहता यार देख मैं भी सुबह निकलता हूँ रात को आता हूँ काम करता हूँ किसी और सेल्समैन को रखोगे तो उसे कमीशन दोगे तो यार मैं भी तो सेल्समैन की तरह काम कर रहा हूँ कम से कम मुझे कुछ कमीशन दे दो इन दोनों की बात आपको क्या लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताना इन दोनों की बात बिल्कुल सही है मैं खुद मानता हूँ इनकी बात बिल्कुल सही है ठीक है तो ये कहते हैं चलो यार हम ए से बात करेंगे ये तो अपना दोस्त है ए से बात करेंगे एक दिन ए आया लंदन से घूमते फिरते और दोस्त क्या हाल है कैसा चल रहा है बिजनेस सब कुछ अच्छा चल रहा है चल तेरे से कुछ बात करनी है ए से बोला भाई देख यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ थोड़ी सी मुझे सैलरी चाहिए मैं ज्यादा काम करता हूँ और ये बंदा जो है वो सेल्स की तरह काम कर थोड़ा कमीशन चाहिए उसको ए भड़क गया बोला अच्छा यही दोस्ती यही प्यार बीच में पैसों की दीवार तो ये कहता है कि नहीं यार ये क्या बात हो गई यार तुम लोग बस थोड़ा सा मैंने तुम्हें मौका क्या दिया बिजनेस में आने का शुरू में दस लाख रुपए लगाए थे मैंने तुम लोगों ने कितना लगाया था पांच पांच लाख रुपए जब मैं शुरू में दस लाख रुपए लगाया था तो मैंने तो नहीं बोला था कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट हम तीनों के तीनों बराबर बराबर बांट रहे हैं मैं बिजनेस में पांच लाख रुपए लगा के बाकी पांच लाख की एफ कराता तो मुझे हर साल उसमें से ब्याज मिलता बात ए भी सही कह रहा है तो ए ने बोला भैया मुझे अपनी कैपिटल पे चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक ट्रेडिंग बन रहा था ट्रेडिंग से जीपी आ रहा था पी में पी से नेट प्रॉफिट आ रहा था और नेट प्रॉफिट तीनों पार्टनर आपस में बराबर बराबर बांट रहे थे लेकिन अब हो गई तीनों पार्टनर में क्लास गुत्थम गुत्थम लड़ाई झगड़ा हो गया मतलब हाथों से नहीं हुआ बस ओरली हो गया मनमुटाव आ गया डिस्क्रिप आ गई क्लास यानी कि मतलब एक तरीके से आप समझो कि तीनों के मतभेद अलग अलग होने लगे एक

प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल का ओपनिंग बनता था उसी तरीके से पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट आता है वो पी एन एल एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बनेगा ये जो नेट प्रॉफिट आता था आप यहाँ लिख दोगे ट्रेडिंग का जीपी याद है PNL के साइड लिखते थे अब PNL का जो नेट प्रॉफिट आएगा आप यहां लिख दोगे अब इसमें से पार्टनर को सारे खर्चे दे दोगे जिसका जो जो बनता है ले लो भाई अब लड़ाई झगड़ा खत्म अब जो ज्यादा काम करेगा उसको सैलरी मिलेगी जो नहीं करेगा नहीं मिलेगी जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा जो कम पैसा लगाएगा उसको कम इंटरेस्ट मिलेगा इस तरीके से सारी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना हर चीज फिर जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे यानी कि पार्टनर्स में सब कुछ सही चल रहा था तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन लड़ाई झगड़ा होने के बाद से मैंने अपने आप एक कहानी क्रिएट किया आप लोगों के लिए और अब फाइनली क्लास हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है प्रॉफिट को बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये एक लेजर अकाउंट है इधर साइड आया क्लास डेबिट और यह आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट साल के एंड में बनता है ठीक है ईयर एंडेड साल के एंड में बनता है और ये क्रेडिट बैलेंस है और यह है particulars, अब इसका फॉर्मेट तुम सारे बच्चे देखो मैं तुम्हें बहुत दिल से बहुत मन से पढ़ा रहा हूं तुम्हें दिख भी रहा होगा तुम अच्छे से इसके फॉर्मेट को याद करके आओगे ना क्लास तो बहुत अच्छे से चैप्टर चलेगा अगली क्लास में तुम्हें पूरा समझ आएगा अच्छे से ठीक है तो सबसे पहले क्लास यहाँ पे यह लिखते हैं क्लास बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये नेट प्रॉफिट है ये वही नेट प्रॉफिट है जो पहले तुम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे ये वही नेट प्रॉफिट है अकाउंट ये वही नेट प्रॉफिट है अब इस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर को देंगे यानी कि ये तो हो गया नेट प्रॉफिट अब इसमें से पार्टनर को देते चले जाएंगे सबसे पहली चीज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी A का जितना बनेगा बी का जितना बनेगा सी का जितना बनेगा जोड़ लो और क्लास उसमें आप टोटल करके टू सैलरीज क्योंकि अकाउंट साल का साल में एक बार बनता है तो जिस पार्टनर की जो भी सैलरी है किसी की नहीं है तो नील हो जाएगी अपना अपना सैलरी ले जाओ ठीक है सर ओके टू कमीशन जिस पार्टनर का जितना कमीशन बनता है उतना कमीशन निकालकर क्लास पार्टनर को दे दो अच्छा एक पार्टनर में वर्ड आपने सुना होगा ड्रॉइंग्स क्या होता है बेटा ड्रॉइंग्स प्रॉफिट से आपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया सामान निकाल लिया फॉर प्राइवेट यूज इस कॉल्ड ड्राइंग अपने पर्सनल यूज के लिए प्राइवेट यूज के लिए अगर आपने बिजनेस से कुछ पैसा कुछ सामान निकाल लिया उसे क्या बोलते हैं क्लास ड्राइंग्स राइट तो अगर आप बिजनेस से सामान या पैसा निकाल रहे हो तो आपको बिजनेस को ब्याज भरना पड़ेगा भाई अगर मैं किसी और से पैसा उधार लेता मुझे उसे ब्याज देना पड़ता मैं बैंक से उधार लेता तो मुझे बैंक को ब्याज देना पड़ेगा तो अगर मैं अपने बिजनेस से पैसे उधार ले रहा हूँ तो मुझे अपने बिजनेस को भी ब्याज देना पड़ेगा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ठीक है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पता होगा क्या कोई पार्टनर कुछ ले जा रहा है बिजनेस से आज कोई दस लाख रुपए लेके जा रहा है पार्टनर बिज़नेस से कल कोई पचास लाख रुपए लेके जा रहा है लड़ाई झगड़ा हो जाएगा बचेगा ही नहीं कुछ सब अपने अपने घर के काम के लिए लेके निकल जाएंगे पैसे बिजनेस से तो इसीलिए पार्टनरशिप फॉर्म में से कोई भी पार्टनर अगर ड्राइंग्स करता है तो उसे क्लास उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो बिजनेस की कमाई है लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स सब चीज़ धीरे धीरे आगे आगे समझ आएगा डोंट वरी हर एक चीज़ जिसका जितना इंटरेस्ट ड्राइंग से साल भर का वो हम यहाँ लिख देंगे बस इतनी चीज़ ध्यान रखो अब हम इसको जोड़ेंगे क्रेडिट साइड को इसको हम लोग जोड़ेंगे इसमें से डेबिट साइड का सारा कुछ माइनस करेंगे और जो माइनस करने के बाद बचेगा उसमें से कुछ पैसे हम साइड में रख देंगे जनरल रिजर्व के नाम से क्या होता है ना हम सारा प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते सारा का सारा प्रॉफिट आपस में बंटवारा नहीं करेंगे क्योंकि सारा प्रॉफिट बांट लेंगे तो कल को मुसीबत आ गई तो क्या होगा इसीलिए क्या करते हैं क्लास प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा निकाल के सेफ रख लेते हैं ताकि कल को मुसीबत आए कोई क्लास अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए है ना कोई दिक्कत हो जाए तो हम लोग क्लास क्या करते हैं इस पैसे बचा कर रखते हैं फिर अब जो प्रॉफिट बचेगा क्रेडिट साइड में सब कुछ घटाने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ठीक है टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट मैं कल को बताऊंगा अगली क्लास में कि करंट कब लिखते हैं कैपिटल करंट कब लिखते हैं अकाउंट ऑफ ए बी सी

ट्रांसफर टू चैप्टर क्लियर हो जाएगा कैपिटल या करंट कब लिखते हैं कैपिटल कब लिखते हैं करंट ये बात की बात है फिलहाल लिख लो बस कैपिटल अकाउंट ऑफ ए या करंट अकाउंट ऑफ ए बी सी ये आ गया क्लास आपका पूरा का पूरा, पूरा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ए टू जेड सब कुछ इसके अंदर कवर कर लिया और प्रॉमिस करो मुझे कमेंट में कि आप ये अच्छे से पूरा लर्न करके आओगे और इन डेप्थ में और डिटेल में मैं अगली क्लास में बात करूंगा इसके अंदर और डिटेल में और बहुत सारी चीजें ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे आईओसी कैसे आएगा आईओ डी इट्स ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे कमीशन कैसे निकालेंगे सैलरी कैसे निकालेंगे ये सब चीज की कैलकुलेशन वगैरह नेट प्रॉफिट में से कुछ चीजें घटाते हैं वो क्या है हर एक चीज हम लोग क्लास सीखेंगे पार्टनरशिप डीड वर्सेस पार्टनरशिप एक्ट सुनो मेरी बात पार्टनरशिप एक्ट 1932 का बेयर एक्टेल लॉ है इसके अंदर सारे प्रोविजंस लिखे रहते हैं पार्टनरशिप के आपने कभी देखा होगा किसी मूवी में टीवी सीरियल में या किसी यूट्यूब में जो जज होता है ना जज के पास बहुत सारी मोटी मोटी किताबें होती है, वो होती है वो और जज को एक्चुअली उस लॉ को अच्छे से पढ़ना आता है इसीलिए कोर्ट की मीटिंग बार बार एडजर्न की जाती है की अगली तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख क्योंकि जज को प्रॉपर टाइम चाहिए और जज आपको प्रॉपर टाइम देता भी है एविडेंस जुटाने के लिए और खुद भी क्लास उसको पूरा करेगा और उस बेसिस पे क्लास आपको क्या दिया जाएगा जजमेंट न्याय दिया जाएगा ठीक है उसी बुक को बोलते हैं पार्टनरशिप पार्टनरशिप रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजन है सब उसमें लिख रखा है पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू में हर एक चीज क्लास ए टू जेड लिखा हुआ है राइट अब पार्टनरशिप डीड क्या है क्लास पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न अग्रीमेंट है ठीक है पार्टनर्स के बीच और ये जो अग्रीमेंट है ये पार्टनर ने खुद बनाया हुआ है तो पार्टनर को जो कुछ भी करना है सब इसमें लिख डालो हर एक चीज क्लास आपने क्या करना है डीड में लिख देना है किसको कितनी सैलरी मिलेगी किसको कितना इंटरेस्ट क्या मिलेगा किसको कितना कमीशन मिलेगा कोई डेथ होगा किसी की तो उसके वारिस को क्या क्या मिलेगा कौन एडमिट किया जा सकता है कौन नहीं और हर एक छोटी से छोटी कौन क्या काम करेगा सब कुछ इसके अंदर लिख देते हैं ताकि कल को किसी पार्टनर के बीच कोई डिस्प्यूट हुआ कुछ विवाद हुआ तो इसी डीड को पढ़ के क्लास हम लोग डिसीजन लेंगे एक्ट से कोई लेना देना नहीं है भाई लॉ कहता है कि अगर सारे पार्टनर मिलकर कोई चीज तैयार कर रहे हैं तो बस सब लोग मिलकर तैयार कर रहे हैं सबकी सहमति है तो वही वैलिड है वही सब कुछ है एक्ट बीच में नहीं आएगा लेकिन अगर क्लास आपने डीड नहीं बनाया है यानी कि पार्टनरशिप का डीड जो है वो साइलेंट है ठीक है आपने डीड बनाया ही नहीं है या फिर आपने डीड तो बनाया है लेकिन क्लास कोई चीज लिखना भूल गए आपने डीड बनाया है लेकिन डीड में इंटरेस्ट कैपिटल कितना मिलेगा लिखना भूल गए डीड में किसी को सैलरी कितनी मिलेगी लिखना भूल गए डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर किस रेशियो में मुनाफे को बांटेंगे ये लिखना भूल गए तो अगर आप डीड में या तो आपने डीड बनाया नहीं या आप डीड को लिखना भूल गए तब क्लास नियम कानून अप्लाई होंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के यानी कि डीड की प्रायोरिटी ज्यादा है आपने डीड में जो जो लिख दिया वो सारी चीजें वैलिड है उन सबको माना जाएगा लेकिन अगर डीड साइलेंट है आपने डीड बनाया ही नहीं आपने बोला दोस्त यार हम हमें क्या जरूरत है लिखा पढ़ी करने की कागज में जो मेरे दोस्त ने कह दिया वही होगा बस सब कुछ वही होगा जो मेरे दोस्त ने कह दिया बस हम दोनों लड़ेंगे नहीं हम बचपन के दोस्त हैं ठीक है पर आपको पता है बड़ी रकम इन्वॉल्व होती है तो लड़ाई झगड़ा दोस्त क्या घर परिवार में भी हो जाता है ठीक है तो इसीलिए क्लास पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए बट अगर आपने नहीं बनाया पार्टनरशिप डीड तो क्लास पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन अप्लाई होगा ध्यान से समझना पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी चार बातें करता है और ये चार बातें अगर आप आज कॉमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो यकीन मानना क्लास तुम दोबारा टिल एग्जामिनेशन तक कभी इसको भूलोगे नहीं वो चार बातें कौन कौन सी हैं जो एक्ट में लिखा गया है सबसे पहली बात एक्ट में लिखा क्या गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल यानी कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है अगर आपने पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा क्लास इक्वल होगा पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो बराबर बराबर होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा पहली चीज़ जो आपने ध्यान रखना है ठीक है दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखना है नो no सैलरी किसी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी चाहे दिन भर गधे की तरह काम करते रहो अगर डीड बनाया है तो सैलरी दो लिख के डीड नहीं बनाया तो एक्ट कहता है जी कोई सैलरी नहीं मिलेगी चाहे किसी ने ज्यादा पैसे लगाए हो किसी ने कम पैसे लगाए हो एक्ट कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा ए ये नहीं बोलेगा मैंने ज्यादा पैसा लगाया तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट दो ए ये नहीं कह सकता तो पार्टनरशिट नाइनटीन थर्टी टू क्या कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है तुम्हें ज्यादा लेना है तो लिखो ना डीड में क्या दिक्कत है तुम्हें ज्यादा चाहिए तो डीड में लिखो लेकिन अगर डीड साइलेंट है अगर आपने डीड में नहीं लिखा है तो पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू अपलाई होगा वो कहता है कि, कि किसी को सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा ना इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा ना इंटरेस्ट नाइन लिया जाएगा कुछ भी नहीं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा क्लास इक्वली होगा चाहे किसी ने कम पैसे लगाए किसी ने लगाया ही ना हो किसी ने ज्यादा लगाया हो कोई मतलब नहीं है नो सैलरी नो कमीशन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कोई सैलरी कोई कमीशन कुछ भी नहीं मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है क्लास ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर और कुछ नहीं तो आप बेहतर है डेड में लिख दो अगर आप डेड में नहीं लिखते कल को लड़ाई झगड़ा होता है आप कोर्ट के पास जाते हो तो कोर्ट सीधा सीधा कह देगा भैया कि भैया एक्ट में लिखा है कोई सैलरी नहीं तो तुमने चाहे महीने काम किया हो छह महीने काम किया कोई सैलरी नहीं मिलेगी ठीक है तीसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप ध्यान रखना तीसरा है मैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन शायद हमने पिछली क्लास में बात की थी इसकी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट सिक्स परसेंट पर एन एम लेकिन ये वो लोन है में को लोन दिया है तो बिजनेस कहता है भैया लोन दिया हुआ है तो इसको तुम्हें छह परसेंट का इंटरेस्ट देना ही देना है ये वो लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया ध्यान समझना पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है मैं एक पार्टनर हूं मैंने फर्म को लोन दिया है फर्म मतलब अपने बिजनेस को लोन दिया है तो सिक्स परसेंट इंटरेस्ट पर एनम क्लास मुझे मिलेगा ही मिलेगा ये चार्ज होता है क्या होता है क्लास चार्ज यानी कि भले ही बिजनेस को लॉस क्यों ना हो जाए भैया मुझे ये मिलना ही मिलना है जैसे बिल्डिंग का रेंट सैलरी एम्प्लॉइज की बैंक के लोन पर इंटरेस्ट देना ही देना होता है चाहे कमाओ मत कमाओ ज्यादा कमाओ कम कमाओ उसी तरीके से क्लास पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया तो उसके लोन पे सिक्स परसेंट का इंटरेस्ट तुम्हें देना ही देना है अच्छा अब एक केस स्टडी यहां से बन गई ABC तीन पार्टनर है। इन्होंने कोई डीड नहीं बनाई, बी ने लोन दे दिया पचास लाख का बी डिमांड करता है कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए बारह परसेंट पर एन तो क्या इसको बारह परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा ए और सी मना कर देते हैं, नहीं भैया तेरे को बारह परसेंट नहीं देंगे बी गुस्सा हो जाता बी कहता तुमने बोला तो था मुझे दोगे पर इन्होंने डेढ़ नहीं बनाया उसने ओरली बोल दिया ठीक है तेरे को दे देंगे तू हमें दे दे पैसे अब भी चला गया कोर्ट में जज साहब के पास जज साहब मुझसे इन्होंने बोला था कि मुझे बारह परसेंट देंगे बट मुझे नहीं दे रहे मैंने इनको लोन दिया मेरे बैंक स्टेटमेंट देख लो जज साहब बोलेंगे ठीक है जाकर अपने ले आओ फंस गया अभी भी कहता भैया डीड तो है ही नहीं सर मेरे पास डीड तो नहीं है हमने डीड नहीं बनाया था हम तो दोस्त थे भरोसे पे कर लिया था तो जज साहब बोलेंगे ठीक है आप बैठो मैं एक्ट को देखता हूं और एक्ट में क्या लिखा है कि किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा सिक्स परसेंट पर है तो जज साहब बोलेंगे कि भाई तुम्हें छह परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा चाहे तुमने बात कुछ भी की हो अगर तुम्हें बारह चाहिए था तो डीड में लिखते तो तुमको बारह मिलता डीड में लिखते तुमको छह मिलता चार मिलता पांच मिलता दस मिलता बीस मिलता पचास मिलता जो तुम्हें चाहिए था तुम डीड में लिखो लेकिन अगर तुम डीड में नहीं लिखते

इसमें क्या नो सैलरी पहले ही लिखा है बोलेंगे भाई माफ करना आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी लॉ कहता है, है क्लास कि अगर आपने डीड नहीं बनाया, तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी तो आपको डीड पहले से बनाना चाहिए नो सैलरी नो कमीशन नो इंटरेस्ट कैपिटल नो इंटरेस्ट इन ड्राइंग लेकिन पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है तो पार्टनर को भाई मिलेगा सिक्स परसेंट पर एन एम ठीक है नो इंटरेस्ट ऑन लोन नो इंटरेस्ट ऑन लोन वेन लोन टेकन बाई पार्टनर फ्रॉम फॉर्म लोन टेकन बाई पार्टनर फ्रॉम फॉर्म अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म से लोन लिया है और डीड साइलेंट है तो उसे कोई ब्याज देने की टेंशन नहीं पार्टनर कितने प्रिविलेज है कितने एडवांटेज है पार्टनर के पास पार्टनर कहता है देख मैं फॉर्म से लोन लूंगा मुझे कोई ब्याज नहीं देना लेकिन अगर मैं तुम्हें लोन दूंगा तो एक्ट कहता है भैया छह तो मुझे पक्का मिलेगा डीड में लिखो चाहे मत लिखो छह तो मुझे मिलना ही मिलना है हाँ अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं डीड में लिख दूंगा मुझे कम चाहिए मैं डीड में लिख दूंगा लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा आपने तो क्लास पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा वो कहता है छह अच्छा अगर डीड में आपने चार लिख दिया डीड आपने बनाया डीड में आपने चार परसेंट लिख दिया तो चार परसेंट या छह परसेंट चार परसेंट डीड में लिखा है चौदह परसेंट चौदह परसेंट या छह परसेंट फोर्टीन यान परसेंट तो बट इफ डीड साइलेंट है तो छह परसेंट और पार्टनर ने ये लोन दिया है पार्टनर बिजनेस से लेगा लेकिन अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो भैया पार्टनर ने लोन अगर लिया है लोन टेकन बाई पार्टनर लोन टेकन बाई पार्टनर फॉर्म फॉर्म तो क्लास उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पार्टनर मतलब पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट लिया नहीं जाएगा

एक फोर्थ पॉइंट क्लास जो और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान रखना है ये तीन पॉइंट क्लास लिख लिया मैं इसे मिटा रहा हूं पॉइंट नंबर फोर क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरीज एंड कमीशन प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ ये थोड़ा आगे समझ आएगा धीरे धीरे आगे, आगे क्लासेस में जाके बट आप इसे लिख लो आज मैं एक दो क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा परफेक्ट बना दूं बट नहीं अगर आता डोंट वरी आगे धीरे धीरे समझ आ जाएगा बिकॉज इसका यूज आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट इफ गिवन इन डीड इफ गिवन इन डीड मेरी बात ध्यान सुनना क्या है ठीक है अगर तुमने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे सैलरी देंगे या कमीशन देंगे या इनमें से कोई भी एक देंगे या दो देंगे या तीनों देंगे अगर तुमने डीड में लिखा है तो देना पड़ेगा है कि नहीं अगर आपने डीड में लिखा है कि पार्टनर को कैपिटल दस परसेंट देना है सैलरी पांच पांच लाख दोनों को देना है कमीशन किसी एक को देना है तो अगर तुमने डीड में लिखा है तो तुम दो बिल्कुल दो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पार्टनरशिप एक्ट कहता है इसे सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट दो ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट के अंदर से दो उससे बाहर मत दो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट कैपिटल पचास हजार है सैलरी दो लाख है और कमीशन भी पचास हजार है तो टोटल खर्चा तीन लाख है तो प्रॉफिट प्रॉफिट मान लो हमारे पास चार लाख का है प्रॉफिट ठीक है प्रॉफिट कितने का है चार लाख का तो चार लाख में से इसे दे दो लेकिन प्रॉफिट कुल हमारे पास मान लो डेढ़ लाख का है तो उस डेढ़ लाख में से क्लास आप ये तीन लाख नहीं दे सकते मैक्सिमम ये डेढ़ लाख का ही होना चाहिए मैं रिपीट कर रहा हूं हमारे पास जितना भी प्रॉफिट है हम उसी प्रॉफिट में से और देंगे। ये तीनों चीजें प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता ऐसा कौन कहता है तो दो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए कमाया दो लाख तुम्हें अपनी कैपिटल पे ब्याज चाहिए पांच लाख कैसे चलेगा तो ऐसा क्लास पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू कहता है इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक क्लास क्वेश्चन बनाते और उस क्वेश्चन क्वेश्चन को क्लास अच्छे से समझते हैं ठीक है थीके? चलो यहां पे आ जाओ क्लास क्वेश्चन फर्स्ट हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन है पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से समझना ठीक है क्या लिखा है क्वेश्चन रीड करो लिखा है कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वह टू बाई फाइव

दस परसेंट कितना बन गया पचास हजार इसका कितना बन गया तीस हजार इसका कितना बन गया बीस हजार टोटल इंटरेस्ट कैपिटल कितना आ गया सर एक लाख ,00 नेट प्रॉफिट कितना कमाया हो पचास हजार भाई डीड में लिखा है इंटरेस्ट कैपिटल देना है तो लिखो दो कोई दिक्कत नहीं लेकिन प्रॉफिट के अंदर से होना चाहिए ये प्रॉफिट से बाहर नहीं होना चाहिए आप मुझे बताओ आपके पास नेट प्रॉफिट कितने का है आपके पास नेट प्रॉफिट कितने का है पचास हजार का इस पचास हजार में से आप ये एक लाख का इंटरेस्ट कैपिटल दे ही नहीं सकते तो सर आप क्या करें तो अब हमें अब तुम्हें एक एक्सपेंस रेशियो निकालना पड़ेगा कैसे ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है पचास हजार बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है तीस हजार सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बीस हजार मेरी बात ध्यान सुनना ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है पचास हजार बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है तीस हजार सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बीस हजार इन तीनों का रेशियो बना दो मतलब तीनों पार्टनर को जो जो मिल रहा है इसका रेशियो रेशियो बना दो तो इसे 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 काटो इसे काटो काटो क्या बन गई रेशियो, रेशियो, इस, इस प्रॉफिट को बांट दो तो ए को कितना मिलेगा पचास हजार का फाइव बाई टेन पांच तीन आठ दो दस फाइव थ्री एट प्लस टू टेन तो फाइव बाई टेन कितना बनेगा पच्चीस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बी को कितना मिलेगा हमारा नेट प्रॉफिट कितने का है पचास हजार उसका थ्री बाई टेन ये बन गया फिफ्टीन थाउजेंड सी को कितना मिलेगा नेट प्रॉफिट कितने का है क्लास पचास हजार सी का हिस्सा कितना है 2 बाय 10 ये बन गया क्लास 10,000. तो अगर आप देखो तो इन तीनों को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 25, 15 और 10 मिलेगा ना कि 50, 30 और 20 मिलेगा. मेरी बात समझ रहे हो? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलेगा वो मिलेगा क्लास 25, 15 और नकी 50 30 और 20 यही बात बस आपको ध्यान से अच्छे समझनी थी तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नेट प्रॉफिट से ज्यादा है तो क्लास भैया आपको उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही देना है प्रॉफिट के अंदर से उससे ज्यादा नहीं करना है मेजर बच्चे इस क्वेश्चन में जब पिनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ध्यान समझना मेजर बच्चे इस क्वेश्चन में जब पिनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो पिंड लपरोपरेशन में सबसे पहले क्लास बाई पी एंड एल अकाउंट यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितने का है पचास हजार फिर यहाँ लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना है फिफ्टी थाउजेंड बी का कितना है थर्टी थाउजेंड सी का कितना है ट्वेंटी थाउजेंड टोटल कितना बन गया क्लास यहाँ पे एक लाख मेजर बच्चे ये गलती करते हैं ध्यान समझना एक लाख पचास हजार चला गया तो जो बैलेंस बचेगा वो भी कितना बचेगा पचास हजार फिफ्टी थाउजेंड तो ये जो बैलेंस बच रहा है क्लास यहाँ पे वो कितना बच रहा है क्लास फिफ्टी थाउजेंड ठीक है और यहां किस नाम से आएगा बाई डिविजिबल लॉस ये है गलत काम जो आप करते हो इस लॉस को फिर वो क्या करते हैं इनकी जो रेशियो है टू बाई फाइव टू बाई फाइव वन बाई फाइव टू प्लस टू प्लस वन टू बाई फाइव टू बाई फाइव वन बाई फाइव इसमें बांट देते हैं जो कि बनेगा क्लास कितना ए का बनेगा ट्वेंटी थाउजेंड बी का बनेगा ट्वेंटी थाउजेंड सी का बनेगा टेन थाउजेंड के 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 मेरी बात समझ रहे हो ये गलत है यह बिल्कुल सरासर गलत है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेन परसेंट है लेकिन यह ज्यादा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया प्रॉफिट के अंदर से होना चाहिए यही कहता है क्लास पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि तुमने डीड में अगर लिखा भी है तो डीड में लिखा भी तो ओवर रूल तुम्हारे डीड की बात अप्लाई नहीं होगी एक्ट की बात अप्लाई होगी एक्ट सबसे ऊपर है तो एक्ट वैसे तो अगर पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड सबसे ऊपर है लेकिन सिर्फ इस एक क्लॉज के लिए इस एक पॉइंट के लिए कहता है डीड में लिखा है तो आपको भाई देना ही देना है लेकिन हाँ प्रॉफिट के अंदर से देना है तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगी फिर ये पचास को आपने क्या करोगे इन तीनों काउजेंड या फिफ्टीन थाउजेंडस और कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होगा दोनों बराबर बराबर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्या पिलाएगा टेन थाउजेंड अब आपके मन में एक सवाल सर फिर पूरा कब मिलेगा क्वेश्चन में एक छोटा सा वर्ड अगर लिखा रहेगा ना तो आपको पूरा देना है उसमें क्या अगले क्वेश्चन देखो सेम वही क्वेश्चन है एबीसी पार्टनर्स है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है टू टू वन एडमिट हो गया है क्लास सॉरी एडमिट कोई नहीं हुआ इनकी कैपिटल पर पर मतलब अब एक लाइन इन्होंने कह दी जिसकी वजह से क्लास क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा वो क्या कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा कि देना ही देना है भले ही तुम्हें लॉस क्यों ना हो जाए चार्ज है। देना ही देना है मैंने बैंक से पांच लाख रुपए उधार लिए हैं भले ही मैं उस पैसे से डूब जाऊं आग लग जाए उस पैसे से बर्बाद हो जाऊं बैंक को कुछ मतलब नहीं है बैंक को उसका इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए बैंक अपना ब्याज लेगा ही लेगा चाहे आप उस पैसे से करोड़पति बन जाओ चाहे रोडपति बन जाओ बैंक को ब्याज चाहिए ही चाहिए तो यही है क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज क्वेश्चन ने साफ कह दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको देना ही देना है भले ही लॉस क्यों ना हो जाए तो जब क्वेश्चन ने साफ ऐसा कह दिया है तो तो भैया हम लोग क्या करेंगे पी एंड एल अप्रोपरेशन अकाउंट में पूरा लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी इसका बनेगा फिफ्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड इसका बनेगा ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है ये बन गया एक लाख नेट प्रॉफिट हमारे पास कुल पचास हजार का है तो पेनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट हमारे पास जो है वो पचास हजार का है तो लॉस आ जाएगा पचास हज़ार का बाई डिविजिबल लॉस अभी हमने किया था ना वही पचास हजार का आ जाएगा टोटल तो एक लाख है और इस लॉस को हम लोग बांटेंगे ए अकाउंट 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 सी तो टू टू वन रेशियो है तो इसका आएगा ट्वेंटी थाउजेंड इसका आएगा ट्वेंटी थाउजेंड इसका आएगा टेन थाउजेंड मेरी बात समझ रहे हो यानी कि पार्टनरशिप एक्ट में चार बातें लिखी है सबसे पहली चीज कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा

तो पूरा कब देना जब लिखा रहेगा चार्ज ठीक है तो ये चीज थी ये बातें ध्यान रखना बाकी कुछ और बातें जो क्लास हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे सबसे पहली चीज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या होता है हम पढ़ चुके हैं पार्टनर्स को क्लास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है नो इंटरेस्ट कैपिटल नो सैलरी नो इंटरेस्ट ड्राइंग कुछ भी नहीं

हर चीज़ की कोई अगर लोन लेगा तो क्या होगा कोई लोन देगा तो क्या होगा क्वेश्चन में लिखा रहता है बट अगर नहीं लिखा तो क्लास अगर पार्टनर ने बिजनेस से कोई लोन ले रखा है तो क्लास उस पर कोई भी इंटरेस्ट उसको पे नहीं करना है हाँ लेकिन पार्टनर ने अगर बिजनेस को कोई लोन दिया है तो एक्ट कहता है भैया छः इंटरेस्ट जो है उनको मिलेगा अच्छा ये जो छह परसेंट का इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रोवाइड इवन इन केस ऑफ लॉस मैंने बता दिया क्लास चार्ज है लॉस भी हो जाए तो ये ब्याज तो देना ही देना है इसकी कोई लिमिट नहीं है क्लास है कुछ भी हो जाए आप चाहे घाटे में डूब जाओ मर जाओ भैया पार्टनर को छह का ब्याज दे दो पार्टनर ने अगर तुमको लोन दिया है ब्याज का मतलब इंटरेस्ट राइट

चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसे कहते हैं और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स किसे कहते हैं सबसे पहला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दूसरा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ठीक है इसके डिफरेंस की बात करते हैं तुम्हें जो प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए मैं वो दे रहा हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है जो भी चीज पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड आता ही आता है उसको बोलते हैं चार्ज उसको देना ही देना है इवन केस ऑफ लॉस भले ही तुमको लॉस हो जाए तुम्हारे पास प्रॉफिट नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है ये प्रॉफिट के खिलाफ चार्ज होता है ये प्रॉफिट को कम करता है आपने पी एंडल अकाउंट बनाया होगा उसमें सैलरी लिखते हो कमीशन लिखते हो इंटरसन लोन इंटरसन लोन लिखते हो उसके अंदर क्लास आप टेलीफोन बिल लिखते हो आपने इलेवंथ क्लास में बनाया है पीएनएल अकाउंट आपने उसमें हजारों चीजें लिख रखी हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर कितनी सारी चीजें आपने उस...

जो जो चीजें तुम क्लास पी पीएन अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड देखते हो उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं ऑफ प्रॉफिट और जो जो तुम पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड देखते हो उसको बोलते हैं बोलतेशन ऑफ प्रॉफिट ये प्रॉफिट में से दिया जाता है जो मुनाफा कमा लिया अब अप्रोप्रियशन में प्रॉफिट में से ही सैलरी दी जाएगी दिया जाएगा, दिया जाएगा, है तो नहीं दिया जाएगा मैंने अभी कहा था, आप होगा, तो ही तो, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो इसको बोलते हैं हाँ, अगर चार्ज लिखा है तो दिया जाएगा चार्ज तो देना ही देना है इसको बोलते हैं अप्रोपरेशन ऑफ प्रॉफिट राइट तो ये बेसिक बातें थी आपने ध्यान रखना है ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में से एम्प्लॉय की सैलरी कहां जाएगी पी एल अकाउंट में पार्टनर्स की सैलरी कहां जाएगी पी एंडल अकाउंट में एम्प्लॉय का कमीशन मैनेजर का कमीशन कहां जाएगा पी एल अप्रोपरेशन अकाउंट में लेकिन पार्टनर का कमीशन कहां जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल सॉरी पी एंडल अकाउंट में तो अप्रोपरिएशन ऑफ प्रॉफिट अप्रोपरेशन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पी एल में और पिन हमको क्लास इस पूरे अपने ट्वेल्थ में बनाना नहीं है हमको पेड लैपर ऑपरेशन ही बनाना है पेन अकाउंट तो आपने बना लिया इलेवंथ के अंदर अब हम बनाएंगे पेंड लैपर ऑपरेशन अकाउंट आइए क्लास बात समझ अच्छा सुनो कुछ चीज़ें क्लास ऐसी होती हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं उसको बोलते हैं माइनर डिसीजन छोटे मोटे डिसीजन जैसे हमें रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है हमें जयपुर से खरीदना है या इंदौर से खरीदना है रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है तो ऐसे छोटे मोटे डिसीजन के लिए क्लास माइनर डिसीजन के लिए हम मेजोरिटी लोगों को देखते हैं कि ज़्यादा लोग क्या बोल रहे हैं अगर चार लोग बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल जयपुर से खरीदना है दो लोग बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल पंजाब से खरीदना है इंदौर से खरीदना है तो भैया रॉ मटेरियल जयपुर से ही आएगा क्योंकि ज़्यादा लोग बोल रहे हैं ज़्यादा लोगों ने हाथ खड़े किए हैं तो जो वो लोग बोलेंगे वही माना जाएगा लेकिन ये छोटे मोटे डिसीजन के लिए लेकिन जो मेजर डिसीजन होते हैं बड़े बड़े डिसीजन उसके लिए क्लास आपको हंड्रेड परसेंट कंसेंट की जरूरत जरूरत होती है जैसे अगर क्लास पार्टनर बीस है एक पार्टनर को एडमिट करने के लिए उन्नीस लोग तैयार हैं एक मना कर रहा है तो नया पार्टनर अमला अठारह लोग तैयार है या 19 लोग तैयार तो और एक या दो मना कर रहे हैं तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा यह बड़ा डिसीजन है बिजनेस में किसको रखना है अगर इसके लिए एक इंसान भी मना कर देगा तो नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आ सकता ये मैंने पिछली क्लास में राइट ऑफ ए पार्टनर के अंदर भी सिखाया था आपको तो ये बड़े डिसीजन है बड़े डिसीजन के अंदर सारी सहमति सब लोग बोलेंगे तभी होगा छोटा मोटा डिसीजन अगर तीन में से दो लोग बोल देंगे तो हो जाएगा ठीक है चलो अब हमारे सामने क्लास एक क्वेश्चन है और हम सब क्लास जरा इस क्वेश्चन को बनाते हैं अच्छे से समझते हैं क्या है ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन भी छह नंबर का एग्जामिनेशन में पहले भी आ चुका है तो इसमें लिखा है अमर ललित और चारू तीन पार्टनर है दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड डीड इनके पास partnership deed नहीं है यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि उनके पास डीड नहीं है और जैसे ही उनके पास डीड नहीं है मेरा दिमाग बजने लगा क्या कह रहा है कि भैया नहीं देना सैलरी नहीं देना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है पार्टनर लोन दिया उसको छह का इंटरेस्ट देना है फटाफट मेरे दिमाग में चलने लगा यह बात क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में भी चलना चाहिए मैंने कहा था अगर तुमने डीड नहीं बनाया तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कोई सैलरी नहीं कोई कमीशन नहीं कोई आईओसी नहीं कोई आईओडी नहीं सिर्फ

अमर कहता भी मैंने ज्यादा पैसे लगाए दस परसेंट का इंटरेस्ट देंगे तो आप क्या कहोगे भाई रुक कोई भी इंटरेस्ट किसी को भी नहीं मिलेगा डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट इन कैपिटल शुड बी क्लास शुड बी पेड कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल शुड नॉट बी प्रोवाइडेड कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल क्लास आपको यहाँ पे अमर को नहीं देना ओके छे दस छोड़ो देना ही नहीं है एक परसेंट भी नहीं देना अगला ललित मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस ललित बिजनेस में ज्यादा काम कर रहा है दिन भर मेहनत कर रहा है ललित बिजनेस के अंदर सुबह से लेकर रात तक कहता भैया बस पांच हजार तनख्वाह दे दो ज्यादा नहीं मांग रहे भैया बस पांच हजार तनख्वाह दे दो अमर और चारू कितने कठोर है निर्दयी है वो कहते हैं भैया नहीं देंगे तो क्या आप उनको सैलरी दोगे आंसर इज़ नो अगर रेड साइलेंट है तो कोई सैलरी किसी को नहीं देनी चारू कहता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन पे बारह परसेंट पर नाम चाहिए चारू ने बेटा लोन दे रखा है पचास हज़ार रुपये का चारू कहती है मुझे बारह परसेंट का ब्याज दे दो बैंक भी बारह परसेंट दे देता है तो हम क्या बोलेंगे भैया जब तो बैंक में ही कर ले इन्वेस्ट यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा बारह का ओनली दिया जाएगा तो सिक्स परसेंट पर एन एम बारह परसेंट डीड मैंने लिखा नहीं है तो एक्ट अपलीकेबल है डीड आपने बनाया नहीं तो एक्ट कहता है छह परसेंट तो छह ही देना पड़ेगा बारह नहीं अगला अमर विड्रो रुपीज टेन थाउजेंड फ्रॉम द फॉर्म फॉर पर्सनल यूज तो और चारो डिड करते हैं भैया की ले in तो जा रहा है तो हम तेरे से दस परसेंट का ब्याज मांगेंगे तो क्लास यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट ड्रॉइंग शुड भी चार्ज कोई भी in चार्ज नहीं किया जाएगा बिकॉज साइलेंट मेरी बात समझ गए अगला प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अव क्लेम पचास हज़ार प्रॉफिट पचास हजार का है अमर डिमांड करता है कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटना चाहिए कैपिटल रेशियो में अमर कहता है देखो जिन्होंने जितना जितना पैसा लगाया है उसी बेसिस पे प्रॉफिट बटना चाहिए किसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व जरा मैं समझाता हूँ लाइक ए ने कैपिटल लगाया पचास बी ने कैपिटल लगाया तीस सी ने कैपिटल लगाया बीस हजार ये इन तीनों की क्या है क्लास कैपिटल तो जब हम इस कैपिटल का एक रेशियो बना लेते हैं लाइक कट 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 गया 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 तो ये आ गई फाइव रेशियो थ्री रेशियो टू इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल रेशियो फाइव रेशियो थ्री रेशियो टू ये जो रेशियो आई है इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रेशियो क्योंकि इसने ज्यादा पैसा लगाए थे तो दस हिस्से होंगे प्रॉफिट के इसको ज्यादा मिलेगा इसको कम मिलेगा इसको कम मिलेगा तो कैपिटल रेशियो में बांटो ऐसा वो कहता है पर आप क्या करोगे क्लास नो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इफ डीड डीड साइलेंट साइलेंट अगर होता है तो प्रॉफिट बराबर बराबर बढ़ता है तुम्हें कैपिटल में चाहिए था तो लिखते ना डीड में क्यों नहीं लिखा समझ रहे हो अगर डीड नहीं है फिर तो हम एक्ट को फॉलो करेंगे बस ललित वॉन्ट टू तो इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर ललित कहता है मेरे बेटे को पार्टनर बना लो ठीक है उसके पास बहुत स्किल्स है वो पढ़ा लिखा है चारू ऑब्जेक्ट टू हर टू हिज प्रपोजल प्रपोजल चारू मना कर देती है तो नो हिज सन कैन नॉट बी एडमिटेड हिज सन कैन नॉट बी एडमिटेड उसका बेटा कभी भी बिजनेस में एडमिट नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि इस केस में एक मेजर डिसीजन है और हंड्रेड परसेंट सहमति चाहिए तो चारू तो भैया एडमिट नहीं कर सॉरी मतलब जो ललित है अपने बेटे को एडमिट नहीं कर सकता ठीक है क्वेश्चन एक और बनाएंगे लेकिन आज मैं तुम्हें तीन चीज याद करवाऊंगा और तुम मुझे प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में लिख के भी दिखाओगे तुम इसे याद कर क्या आओगे अगर मैं तन मन धन से पढ़ाने को तैयार हूं तुम्हें अकाउंट सी को भी हिस्ट्री का पूरा ए टू जेड सिलेबस कंसिस्टेंटली जी जान लगाते हुए तो मुझे तुम लोगों से क्लास सपोर्ट की जरूरत है तुम डेफिनेटली इसे याद करो बस तुम पढ़ लिख के अच्छे बन जाओ तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए एंड तक देखना क्लास तुम्हें दिखेगा भी लास्ट ईयर के बच्चों ने आपको क्लास बताया ये किस तरीके से काम चल रहा है तो आप भी आगे सलाह दोगे इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ अगर तुम मेरे साथ साथ चलोगे ना बहुत मजा आएगा और टफ़ चैप्टर है मतलब इजी चैप्टर में काउंट नहीं होता फंडामेंटल बहुत बड़ा चैप्टर है हंड्रेड के अराउंड क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे आराम से करेंगे ऐसा सीखेंगे कि तुम्हें बार बार टेंशन नहीं देगा ये चैप्टर ठीक है ये पूरा फॉर्मेट तुम्हें याद है जी सर हमें सारा फॉर्मेट याद है ठीक है तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनका नाम तुम्हें ध्यान रखना है तीन चीज़ें क्या क्या सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ये चीज क्लास नेट प्रॉफिट से आप माइनस करते हो क्यों इंटरेस्ट ऑन लोन मेरी बात ध्यान समझना ए बी सी तीन पार्टनर ने तीन पार्टनर है ए ने कुछ लोन दे दिया बिजनेस को और जो उससे वो ब्याज लेगा ये ब्याज तो तीनों के सर पे आएगा ना तीनों मिलकर इस ब्याज की भरपाई करेंगे इसीलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये चीज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पी एंडल अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है पी एंड एल का पार्ट है अगर आपने देखा हो पी एंड एल फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है ये हो गया क्रेडिट ये हो गया डेबिट तो तीन चीजें क्लास पी एंड एल के डेबिट साइड जाती हैं और जो चीज पी एंडल के डेबिट साइड जाएगा वो चीज नेट प्रॉफिट को कम करेगा नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा और हमें इस चैप्टर में पीएनएल अकाउंट तो बनाना है नहीं तो हम इसीलिए क्लास इसको क्या करते हैं नहीं दिखा सकते। क्योंकि ये पी एंडल का पार्ट नहीं है ये आप इनर कॉलम में नेट प्रॉफिट से माइनस कर दोगे तीन चीजें सबसे पहली चीज क्या माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन फिर क्या माइनस करेंगे मैनेजर कमीशन कई बार दे देता है क्वेश्चन में आगे मैनेजर कमीशन का मतलब क्या है जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉय होता है वो मालिक नहीं होता उसका कमीशन पी एंडल अकाउंट में जाना चाहिए तुमने लिखा नहीं तो अब तुम अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट को कम कर दो ठीक है मैनेजर कमीशन माइनस कर दिया अगला है रेंट पेड टू अ पार्टनर अगर किसी पार्टनर ने अपनी कोई बिल्डिंग वगैरह दे दी आपको तो उसका रेंट जो है क्लास वो यहाँ से माइनस होगा रेंट पेड टू पार्टनर जो भी आपने रेंट पेड किया है ये बात बस आप ध्यान रखना ये तीन चीजें क्योंकि ये तीनों चीजें जो है ना क्लास ये ऐसे खर्चे जो कॉमन एक्सपेंस है सभी पार्टनर की टेंशन है और ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट से माइनस कर दो या इन तीनों चीजों को पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड दिखा दो उसमें भी बात बराबर है यहाँ नेट प्रॉफिट लिखोगे ये सारी चीज माइनस करोगे और फिर इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लेके आओगे तो इतनी मेहनत क्यों करो अलग से अकाउंट क्यों बनाओ सीधे यहीं से ये तीनों चीजें

हजार का रेंट रेंट बी को को मिलने वाला है इस हजार के रेंट को कौन जुटाएगा कॉमन सेंस वाले बच्चे समझ जाएंगे ये जो साठ हजार रुपए का बिल्डिंग का रेंट है वो बी को देना है या बी के पापा को देना है तो ये साठ हजार कौन जुटाएगा तीनों जुटाएंगे ना ए बी इस साठ का भट्टा तीनों के सर पर बैठेगा हजार तीनों जुटाएंगे और फिर ये पैसा किसको दे देंगे? ही मिला उसको। तो इस में जो साठ हजार है ये किसका खर्चा है क्लास तीनों का तो ये पी एल अकाउंट में जाएगा कॉमन एक्सपेंस पी एल अकाउंट में जाता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसीलिए क्लास आप अप्रोपरेशन बनाते वक्त नेट प्रॉफिट से रेंट पेड टू अ पार्टनर माइनस कर दोगे बस आप ये बात ध्यान रखना तो रेंट पेड टू पार्टनर हो गया मैनेजर कमीशन हो गया पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट है, है, है तो ये हो गया क्लास आज तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लो पी एल अप्रोपरेशन का पूरा फॉर्मेट जो बहुत अच्छे से याद करके आओगे अगर आप इनको याद नहीं करोगे चैप्टर आगे चलाओगे तो मजा नहीं आएगा अटकने लगोगे ठीक है चलो एक और क्वेश्चन क्लास देखते हैं हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन हर्षद धीमन दो पार्टनर्स हैं एक अप्रैल 2022 को इनकी पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है लो साफ साफ हम हमारे काम की चीज हमको मिल गई कि इन्होंने कोई भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं बनाया कुछ भी हो जाए कोई सैलरी कोई इंटरेस्ट कैपिटल in कोई नहीं देगा है कि नहीं पढ़ते हैं। आगे लिखा है क्लास दे कॉन्ट्रीब्यूट चार लाख और एक लाख हर्षद और धीमन ने चार लाख एक लाख लगाया रेस्पेक्टिवली इन एडिशन ठीक है इन आपके टी क्वेश्चन है इन एडिशन हर्षद हैड गिवन अ लोन ऑफ एक लाख टू फर्म हर्षद ने एक लाख का लोन दे रखा है फॉर्म को एक अक्टूबर दो को ड्यू टू लॉन्ग इलनेस बहुत लंबे समय से बीमार था तो हर्षद बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया एक अगस्त से लेकर तीस सितंबर तक प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड इकतीस मार्च तेईस एक लाख अस्सी हजार डिस्प्यूट मतलब विवाद क्रिएट हो गया हर्षद और धीमन में हर्षद और धिमन में क्लास लड़ाई हो गया विवाद हो गया लड़ाई झगड़ा हो गया तो हर्षद का दावा क्या है हर्षद क्या कहता है हर्षद कहता है उसको दस पर एन मिलना चाहिए कैपिटल पे इंटरेस्ट और लोन पे इंटरेस्ट

डीड बनाया नहीं हम लोगों ने तो एक्ट होगा सुनील सर ने पढ़ा रखा है क्या एक्ट में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल तो बोलोगे भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बटेगा प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग शेयरिंग इसका आंसर होगा रेशियो शुड बी इक्वल सो हर्षद क्लेम रिजेक्टेड हर्षद के दोनों क्लेम रिजेक्ट हो गए फर्स्ट क्लेम में नो इंटरेस्ट कैपिटल इट्स इट्स लोन सिक्स परसेंट पर एन एम सेकेंड केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल बटेगा चलो धीमन क्या कहता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करेक्ट धीमन क्लेम इज ट्रू करेक्ट ही शुड बी अलाउड 2000 पर एनम धीमन ने यहाँ पे क्या बोला कि भैया मुझे 2000 पर मंथ चाहिए साल का 24000 एज़ अ रेमुनरेशन रेमुनरेशन का मतलब होता है मेहनताना सैलरी मैंने मेहनत की पूरे महीने भर तो मुझे 2000 चाहिए किसकी मेहनत फॉर द पीरियड ही मैनेज्ड द बिजनेस द साल भर का नहीं मांग रहा कह रहा देखो यार हर्षद जब बीमार था तो पूरा काम मैं कर रहा था दिन रात मैंने बहुत मेहनत करी तो जब तक हर्षद बीमार था तब तक का तो मुझे सैलरी दे दो तब तक मैं अकेले संभाला हूँ पर मंथ तो क्या हुआ क्लास no. भैया चाहे कुछ भी हो जाए कोई सैलरी नहीं मिलेगा तो हिस क्लेम इज रिजेक्टेड नो सैलरी टू पार्टनर इफ देर इज एबेंस ऑफ डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड भी छह परसेंट तो ये कहता है ये अच्छा, अच्छी बात करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन छह परसेंट दे दो तो क्या बोलोगे भाई दिमन सुन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा हाँ ऑन लोन जो है अगर तुमने दिया है बिजनेस को तो तुम्हें छह परसेंट का इंटरेस्ट लोन मिलेगा बट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है और प्रोविजन कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि भैया किसी को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी ना ही इंटरेस्ट ऑन

डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट ठीक है यहां लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट रुपीस क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीस डेबिट पर्टिकुलर्स ठीक है तो सबसे पहले क्लास आप यहाँ पे लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखोगे कितना नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लास प्रॉफिट दे रखा है एक लाख अस्सी हज़ार ध्यान समझना प्रॉफिट कितना है क्लास इसमें से एक चीज हम लोग माइनस करते हैं प्रॉफिट में से क्या इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है हर्षिद और धीमन का तो देखते हैं लोन क्या क्या है इन एडिशन हर्षिद गिवन लोन एक लाख ऑन एक अक्टूबर और

जनवरी फेबरवरी मार्च चार दो छ महीने का इसको इंटरेस्ट मिलेगा ये बात ध्यान रखना छह परसेंट पर एन है साल का 6 है तो एक लाख का आप यहाँ पे निकालोगे इंटरेस्ट हर्षधिमन का तो कोई लोन था ही नहीं तो हर्षित का जो लोन है वो एक लाख है एक लाख का छः परसेंट कितने महीने का छः महीने का तो एक लाख रुपए का बनता है छः हजार छः महीने का बनेगा तीन हजार रुपए तो यहाँ से तीन घटा दोगे तो जो प्रॉफिट तुम्हारे पास अब दिखेगा ये दिखेगा वन लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड तो एक लाख अस्सी हजार का प्रॉफिट है है ना एक लाख अस्सी हजार का प्रॉफिट है जिसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो दे दिया एक लाख का छः परसेंट छः हजार और छः महीने का तीन हजार बस और कोई सैलरी नहीं कोई इंटरेस्ट कैपिटल नहीं कुछ नहीं और प्रॉफिट भी कैसे बटेगा बराबर बराबर तो ये वन लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड है प्रॉफिट टू डिविजिबल प्रॉफिट शॉर्ट में लिखा है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ हर्षित शिद है हर्षद सॉरी हर्षद और धीमन ठीक है हर्षद और धीमन हर्षद और धीमन इक्वली बटेगा हर्षद एच ए डी हर्षद और धीमन तो ये कितना है क्लास वन लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड कितना बजेगा अस्सी पिचासी एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बनेगा देख लेते हैं क्लास कैलकुलेशन थोड़ी वीक है मेरी वन लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड डिवाइड बाई टू और कैलकुलशन वीक सॉरी एटी एट थाउजेंड अच्छा कैलकुलेशन मेरी वीक इसलिए क्योंकि मैं कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं आप सबसे रेकमेंड करूँगा सलाह दूंगा मतलब कि प्लीज़ क्लास ट्वेल्थ तक तो कैलकुलेटर यूज मत करो नहीं तो तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी मेरी तरह फिर तुम्हें छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा तो ट्राई करो अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉग करने के लिए ट्वेल्थ के बाद भले ही तुम्हें कैलकुलेटर अलाउ किया जाएगा बी में बट यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेटर क्ला यूज़ बिल्कुल नहीं करना है आप आराम से अपनी कैलकुलेशन करोगे अच्छे से तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट क्वेश्चन था आप देख लो क्लास यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने डील कर लिया राइट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले सीखते हैं पूरा का पूरा टॉपिक अलग अलग केसेस के जितने भी केसेस हैं देन हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे ठीक है तो सबसे पहले क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सीखेंगे हम लोग और हर एक टाइप केसेस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ड्रॉइंग्स होता क्या है पार्टनर ने बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लिए हैं पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए उसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं क्योंकि पार्टनर ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो पार्टनर को बिजनेस को वो पैसा लौटाना पड़ेगा साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं ये सिंपल इंटरेस्ट जैसा आप लोग हमेशा इंटरेस्ट निकालते हो वैसे ही निकालोगे नया कुछ नहीं है इसके अंदर तो अगर तुम्हें डेट ऑफ विड्रॉन दे रखा है कि पार्टनर ने किस तारीख को पैसे विड्रॉ किए हैं देन कैलकुलेट इंटरेस्ट अकॉर्डिंगलीन कैलकुलेट इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली नोटबुक निकाल लो एक करके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखते चलो अगर तुमको डेट ऑफ विड्रॉन दे रखा है कि पार्टनर ने वो पैसा कब विद्रॉ किया तुमको अगर वो दे रखा है तो आपको क्लास इंटरेस्ट उसी हिसाब से निकालना है तुमको डेट गिवन है तुम इंटरेस्ट क्लास उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लो तो वेन डेट ऑफ विद्रॉन इज गिवन देन कैलकुलेट इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल एक्स एक से पार्टनर है जो विड्रॉ करता है क्लास रुपीज फिफ्टी थाउजेंड ऑन फर्स्ट ऑफ अक्टूबर फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आपका जो ईयर एंड होता है वो होता है क्लास थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो एट द रेट सिक्स परसेंट पर एनम है तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर ने जो पैसा निकाला है उसकी डेट गिवन है के पार्टनर ने वो कब निकाला है अक्टूबर को निकाला है तो पूरा अक्टूबर एक अक्टूबर को निकाला है पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर मार्च छह महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा सो so, फॉर्मूला क्या है क्लास टोटल ड्रॉइंग्स कितना है पचास हजार रेट कितना है क्लास सिक्स और अगर पार्टनर एक अक्टूबर को निकाल रहा है तो छ महीने कब होंगे क्लास यहाँ पे सॉरी इंटरेस्ट टाइम फैक्टर कितना लगेगा छः महीने का तो पचास हजार का छः परसेंट कितना बनता है क्लास तीन हजार छ महीने का कितना बनेगा क्लास पंद्रह सौ तो ये हो गया क्लास आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पचास का हजार का छः परसेंट तीन हज़ार है लेकिन आपको सिर्फ छः महीने का इंटरेस्ट देना है क्योंकि पार्टनर ने विद्रॉ फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को किया है तो छः महीने के हिसाब से बनेगा कितना क्लास फिफ्टीन राइट केस नंबर टू व्हेन डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन अगर तुम्हें डेट ऑफ विड्रॉन नहीं दे रखा है व्हेन डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन मतलब अगर मैं सेम यही क्वेश्चन रिपीट कर दूं क्लास सेम यही क्वेश्चन बस डेट हटा दूं जैसे यहां पे मैं क्लास डेट हटा दूं पार्टनर्स uh, विद्रॉ with, uh, कर रहा है पचास हजार इन ईयर एंडेड हाँ लिखा तो है क्लास ठीक है इन ईयर एंडेड ट्वेंटी बस खत्म इसमें डेट नहीं गिवन है तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी डेट गिवन है अगर तुमको डेट दे रखा है तो तुम उस हिसाब से नौ महीने छह महीने साल भर का निकाल लोगे अगर कोई डेट को, को विद्रॉ किया पंद्रह चौदह बारह अठारह, उन्नीस तेईस चौबीस को तो डेज हिसाब लगा लो डेज अपॉन थ्री सिक्सटी फाइव डेज आप ये कैलकुलेट कर लो बट अगर आपको डेट ही नहीं दिया कुछ भी बस पार्टनर ने इस साल इतना पैसा विड्रॉ किया मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा क्वेश्चन आता है क्लास सेकंड केस मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है जहां पे बस बोलेगा पार्टनर ने इस ईयर इतना विदड्रॉ किया इस ईयर इतना किया बस डेट नहीं गिवन है कब विड्रॉ किया नहीं गिवन है क्लास देन कैलकुलेट इंटरेस्ट सारे केसेस कराऊंगा क्लास और बहुत बेहतरीन समझ आएगा बस टिक के एंड तक देखना स्किप मत करना बीच में देन कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर सिक्स मंथ तो अगर क्लास तुमको डेट ऑफ विड्रॉन गिवन है तो तुम इंटरेस्ट उस हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे लेकिन अगर तुम्हें डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है तो तुम क्लास क्या करोगे छः महीने का क्लास तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे सिक्स मंथ का जैसे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पार्टनर पचास हज़ार विदड्रॉ कर रहा है आपको डेट नहीं दिया हुआ है आपको पता है इस साल विदड्रॉ कर रहा है बस पचास हज़ार तो टोटल अमाउंट कितना है पचास हज़ार रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिक्स परसेंट और छः महीने का तुम निकाल लोगे को इंसिडेंसली क्लास ये हमारा पंद्रह सौ ही आ रहा है पहले ही पंद्रह सौ ही आ रहा था फिफ्टीन हंड्रेड ही आ रहा था पहले बट हाँ आपने टाइम फैक्टर को

एक पार्टनर यहाँ पे सॉरी पर एन यानी कि जो पी ए है वो गिवन नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट में ध्यान समझना ये बहुत कम आता है बहुत ही कम आता है क्लास ये लेकिन हाँ अगर ये आ गया तो ये बहुत ही कम बच्चे सही भी कर पाएंगे कोई बात नहीं करता इस केस की बट मैं करा रहा हूं तो सारे केस कराऊंगा बिकॉज तुम्हें सीवी की भी प्रिपरेशन करनी है आगे चल के तो वहां भी हेल्पफुल रहेगा एक्स विदड्रॉ फोर्टी ऑन फर्स्ट ऑफ जून जैसे मैं बोलता हूँ जून बच्चों के दिमाग में फिगर आता है नाइन मंथ सर जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर नहीं नहीं जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबररी मार्च कितने अप्रैल मई दो महीना गया ना दस महीने नौ नहीं दस ठीक है एक जुलाई होता है ना दस महीने का इंटरेस्ट लगेगा सर जी एक जून को विड्रॉ किया है फर्स्ट ऑफ जून को दस महीने का जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च छह महीने का लगेगा सर जी लेकिन आगे लिखा है ईयर एंड इकतीस मार्च ठीक है सर छह महीना लगेगा इकतीस मार्च तक और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट टेन पर एन नहीं लिखा है अभी मैंने क्वेश्चन जो कराए थे उसमें सब में पर एन लिखा हुआ था मैंने आप देख लो क्लास मैंने ऑलरेडी पर एन एम यहाँ पे लिख रखा है सिक्स परसेंट पर एन एम लेकिन यहाँ पे पर एन एम नहीं लिखा हुआ है खाली टेन परसेंट है तो इस पर्टिकुलर केस में जब भी ऐसा आ जाए सिर्फ इंटरेस्ट इन ड्राॅइंग नहीं ये पूरे के पूरे क्लास लाइफ में जब भी क्लास पर एन एम हटा दिया जाए कुछ नहीं लिखा पर एन एम तो आप टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देना सीधा निकलेगा क्लास फोर्टी थाउजेंड का कितना परसेंट है क्लास टेन परसेंट और टाइम फैक्टर को इग्नोर करके सीधा चार हज़ार तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा तुम्हें क्लास यहाँ पे मंथ टेन बाई ट्वेल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो ये सीधा क्लास आपका आ गया फोर थाउजेंड आंसर क्लियर कट खत्म तो ये आगे कितना? 4000 आपका आ जाएगा, राइट चलो तो सबसे पहला तो छह महीने, महीने वाला केस। अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ रेट ऑफ फैक्टर कभी भी विद्रॉ किया पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा केस फोर मैंने इसको एवं बना दिया केस क्योंकि यहां पे गलती करते हो आप तो मैंने कहा केस बना कराऊंगा साल भर में कभी गलती नहीं करोगे क्या वन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन अगर कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स दे रखी हैं। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है तो तुम्हें क्लास कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट नहीं करना है बच्चे अक्सर गलती से इसका छह परसेंट इंटरेस्ट निकाल देते हैं बेटा अगर रेट ऑफ अगर तुम्हें रेट ही नहीं गिवन छह परसेंट आठ परसेंट ही गिवन नहीं है तो तुम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते तो अगर रेट गिवन नहीं है तो क्लास आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज नहीं कर सकते ध्यान रखना नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी कैलकुलेटेड और नो इंटरेस्ट ऑन इज टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स क्योंकि इसमें रेट गिवन नहीं है कई बच्चे अपने आप छह परसेंट मान लेते हैं इसलिए अलग से केस बनवा के बता रहा हूं मैं अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस और यहां समझने की चीजें हैं मैं तुम्हें समझाऊंगा भी तुम्हारे दिमाग में सेट भी करूंगा बस कमेंट सेक्शन में वो लिखना जो मैं तुमसे बोलूंगा ताकि तुम कभी भी इसको ना भूलवा आगे चल के ठीक है वेन अ पार्टनर विदड्रॉ एन इक्वल अमाउंट सबसे पहली चीज की पार्टनर विदड्रॉ कर रहा है बराबर बराबर अमाउंट इन एवरी मंथ हर महीने जनवरी में भी फरवरी में भी मार्च में भी अप्रैल में भी मई में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर हर महीने बराबर बराबर अमाउंट किसी में अलग अमाउंट नहीं निकाल रहा कोई गैप नहीं छोड़ रहा ध्यान रखना हर महीने निकालेगा हर महीने बराबर बराबर अमाउंट निकालेगा अमाउंट भी बदलेगा नहीं महीने का गैप भी नहीं होगा राइट और ये ऐसा बारह महीने तक करेगा मतलब बारह बार विदड्रॉ करेगा छह बार नहीं आठ बार नहीं सर छः बार किया तो तो फिर ये केस नहीं लगेगा उसके लिए आगे एक और केस आएगा सर नौ महीने तक निकाला तो आगे एक और केस आएगा लेकिन यहाँ पे अगर कोई पार्टनर हर महीने बराबर बराबर अमाउंट निकालता है तो उसके पास तीन ऑप्शन है बुक में तीन ही ऑप्शन देगा या तो हर महीने की बिगनिंग कई बार बिगनिंग को फर्स्ट डे बोल देता है मिडिल का मतलब क्या है फिफ्टीथ डे है ना मिडिल का मतलब क्या है फिफ्टींथ डे ऑफ एवरी मंथ मिडिल या हर महीने के एंड में हर महीने की एक एक तारीख को निकालेगा हर महीने की पंद्रह पंद्रह तारीख को निकालेगा हर महीने की तीस इकतीस तारीख को निकालेगा तो महीने की शुरू में निकाल सकता है मिड में निकाल सकता है एंड में और ये पेज सिर्फ और सिर्फ टाइम फैक्टर की कैलकुलेशन करने के लिए है टोटल ड्राइंग पता है तुम्हें अगर हर महीने निकालेगा हजार रुपए तो बारह महीने में बारह हजार, हर महीने निकालेगा चार हजार तो महीने में फोर्टी एंड लाख ट्वेंटी थाउजेंड वो टोटल ड्राइंग हो गया रेट तुमको क्वेश्चन में दिया ही होगा रेट अपन छह परसेंट आठ परसेंट रेट नहीं दिया तो निकाल ही नहीं सकते रेट तुमको क्वेश्चन में दिया होगा राइट टाइम फैक्टर तुम्हें याद रखना है तुम भूल गए तो उसका इलाज बता दूंगा बट तुम अभी दिमाग में ध्यान रखो कि भाई मुझे याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में कंप्यूट डिराइव नहीं करेंगे हमें याद रहना चाहिए हर महीने की बिगनिंग में निकालता है टाइम फैक्टर सिक्स पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व हर महीने की मिडिल में सिक्स बाई ट्वेल्व और हर महीने की एंड में फाइव पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व 6.5 आधा कम करो 6 आधा कम करो 5.5 0.5 का गैप है हर महीने की बिगिन में निकालता टाइम फैक्टर 6.5 हर महीने की मिडिल में निकालेगा टाइम फैक्टर 6 बाई ट्व हर महीने के एंड में निकालेगा टाइम फैक्टर 5.5 पॉइंट फाइव बाई ट्व आपने ध्यान रखना है 6.5 पॉइंट फाइव सिक्स एंड फाइव टाइम फैक्टर है ठीक है सर अब क्वेश्चन कैसा आएगा क्वेश्चन मान लो क्लास ऐसा आता है मान लो क्वेश्चन आ गया एक्स विड्रॉ कर रहा है एक्स विड्रॉ कर रहा है मैं इसको मिटा देता हूं आप लिख लेना वीडियो पॉज करके ना इसको अच्छे से लिख लेना या फिर मैं चलो यहां बना देता हूं ठेके? यहां पर टेन थाउजेंड एवरी मंथ ऑन दंथ एंड डेट ऑफ एवरी मंथ ठीक है हर महीने की एंड डेट पे क्लास विद्रॉ कर रहा है दस दस हजार रुपए इंटरेस्ट एट द रेट परसेंट पर सुनो मेरी बात अब इसमें इंटरेस्ट ड्रॉइंग कैसे निकालोगे हर महीने विद्रॉ कर रहा है दस हजार साल में महीने होते हैं बारह तो टोटल ड्रॉइंगी थाउजेंड टोटल ड्रॉइंग कितनी है एक लाख बीस हजार इन रेट कितना है क्लास? अब हर महीने की एंड में निकालता है टाइम फैक्टर है 5.5 पॉइंट फाइव तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन हो जाएगी और जब आप यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को सीख लोगे जब आप यहां पे इंटरेस्ट ऑन को सीख लोगे तो पी एंड एल अप्रोपरिएशन जब मैं तुम्हें अगली क्लास में बनवाऊंगा तो तुमसे अप्रोपरिएशन बन जाएगा एक लाख बीस हजार है इसका छह परसेंट सात हजार दो सौ इंटू फाइव पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टर्टी थ्री हंड्रेड तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल के क्लास आया है वो आ गया तीन हजार तीन सौ रुपए थर्टी थ्री हंड्रेड राइट इस तरीके से इंटरेस्ट अगर ये एंड बोलता बिगिनिंग बोलता तो सिक्स पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व मिडिल बोलता 6 सिक्स बाई ट्वेल्व अच्छा कुछ भी नहीं बोला है बस हर महीने में निकाले जा रहा है मान लो तो सिक्स बाय ट्वेल्व बताया था मैंने आपको जब भी आपको डेट ना हो तो सिक्स बाय ट्वेल्व ठीक है तब आप सिक्स बाय ट्वेल्व लगाओगे बात समझ आ गई क्लास यहां पे अच्छा अब मान लो बाई चांस आप भूल गए हम तो हमारे पास को निकालने एक स्पेशल तरीका है ध्यान से सुनना पूरा अच्छे समझाऊंगा टाइम फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग जब तुमने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पहली बार पैसे निकाले तो उसके बाद कितना समय बचा टाइम लेफ्ट ईयर एंड तक जब भी साल आपका एंड हो रहा है कितना महीना बचा प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग तो जब आपने आखिरी बार पैसा निकाला उसके बाद ये रेंट तक कितना समय बचा डिवाइड बाई टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई टू ठीक है तो हम लगाते हैं अगर मान लो पार्टनर हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ करता है मैं प्रूफ कर रहा हूं हर महीने की बिगनिंग में तो पहली बार यहाँ निकालेगा दूसरी बार यहाँ तीसरी बार यहाँ चौथी बार पांचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं बार भी भी तो पहली बार एक अप्रैल को निकालेगा हर महीने की बिगनिंग में आखिरी बार एक मार्च को निकालेगा ईयर एंड होता है इकतीस मार्च को ध्यान सुनना पहली बार जब उसने यहां पे निकाला यहां से लेकर यहां तक कितने महीने बचे एक महीना दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तो ग्यारह बारह पूरे के पूरे बारह महीने बचे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पहली बार उसने एक अप्रैल को पैसा निकाला उसके बाद इकतीस मार्च तक एक अप्रैल से इकतीस मार्च पूरे बारह महीने बचे प्लस

अगला हर महीने की मिडिल में अगर विड्रॉ करता है तो हर महीने की मिडिल में ध्यान समझना पहली बार यहां निकालेगा दूसरी बार यहां तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं बार, बार। आखिरी बार क्लास वो यहां निकालेगा ठीक है तो पहली बार उसने जब यहां पैसे निकाला तो यहां से लेकर इकतीस मार्च ईयर एंड तक कितने महीने बच्चे आधा महीना खत्म हो गया पर बाकी सारा तो बचा है ना साढ़े महीने प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग आखिरी बार उसने यहां पैसे निकाला तो यहां से यहाँ तक कितने महीने बचे सर आधा महीना बचा हर महीने की मिडिल में विद्रॉ कर रहा है ना तो यहाँ भी मिडिल में करेगा पंद्रह मार्च को करेगा तो आधा महीना साढ़े ग्यारह प्लस आधा बारह बारह बट्टा दो सिक्स बाय ट्वेल्व आपको याद होगा बिगनिंग का सिक्स पॉइंट फाइव मिडिल का सिक्स याद रख लो सबसे बेहतर है बट भूल गए तो तुम्हारे पास ये तरीका भी है अच्छा अब हर महीने की एंड में विड्रॉ कर रहा है तो पहली बार यहाँ दूसरी बार यहाँ तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं आखिरी बार यहाँ तो पहली बार उसने यहां विद्रॉ किया तो ये महीना खत्म हो चुका है तो पूरे ग्यारह महीने बचे आखिरी बार उसने यहां विदड्रॉ किया इकतीस मार्च कुछ बचा ही नहीं उसके बाद समय ग्यारह प्लस जीरो ग्यारह दो तो कितना आएगा ग्लास फाइव पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व तो ये हो गया क्लास आपका कितना 5.5 पॉइंट फाइव बाई ये टाइम फैक्टर है 12 तो नीचे आ ही जाएगा बस आपको ऊपर ध्यान रखना है 5.5 पॉइंट बेहतर है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के याद करो हर महीने की बिगनिंग में निकाल रहा है 12 महीने तक निकाल रहा है इक्वल अमाउंट निकाल रहा है बिगनिंग का 6.5 पॉइंट मिडिल का सिक्स एंड का फाइव तुमको मैंने फॉर्मला बता दिया तुमको कंप्यूटेशन करके प्रूफ भी कर दिया कि हाँ हमने जो दिखा है लिखा है बिल्कुल सही लिखा है ओके चलो यहाँ तक क्लास समझ आ गया अच्छे से अब इसी भी इसी देखते हैं क्लास अगर कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं यहाँ पर अच्छा ये रहा क्लास यहाँ पे ध्यान समझना ठीक है, 1000 15th month, हर अच्छा, हर है 15th मतलब क्या क्वेश्चन है डे तो साल में महीने होते हैं बारह हर महीने की मिडिल में निकाल रहा है बारह in परसेंट और हर महीने की मिडिल में टाइम फैक्टर in बता दो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा एक क्वेश्चन है क्लास ये अब अपनी बुक के आप बना सकते हो क्वेश्चन इसके बाद सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अच्छे से ठीक है एक लाख बीस हजार इसका बनेगा बारह परसेंट और सिक्स बाय ट्वेल्व सिक्स बाई ट्वेल्व का मतलब होता है आधा तो सात हजार दो सौ रुपए क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया सात हजार दो सौ सेवेंटी टू हंड्रेड का क्लास आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो फिफ्टीन डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब मिडिल ऑफ एवरी मंथ हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है तो इस तरीके से क्लास टाइम फैक्टर का यूज करके सिक्स बाई ट्वेल्व आपने इंटरेस्ट ड्रॉइंग सिंपल एक स्टेप में निकल आएगा एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है ठीक है नाउ अब क्लास एक और है यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझना कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मुन्ना मंथली ड्रॉइंग क्लास मुन्ना की मंथली ड्रॉइंग पूछ रहा है कि अब देखो अभी तक इंटरेस्ट पूछ रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब तुमको ड्राइंग पूछ रहा है कल को तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है तुम्हें कुछ भी पूछा जा सकता है तुम्हारे सामने फॉर्मूला क्लास एक ही लगने वाला है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन हंड्रेड इनटू मंथ बाय ट्वेल्व यानी कि टाइम फैक्टर और ये फॉर्मूला है इससे निकले है क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो तुम्हारे पास है एक दो तीन चार चार चीजें तुम्हारे पास है। अब इन चार में से तुम्हें कोई भी तीन चीज दिया रहेगा तुम्हें चौथी चीज को कैलकुलेट करना है दैट्स इट और कुछ नहीं ठीक है तो मेरी बात ध्यान सुनना इसमें लिखा है कैलकुलेट द मुन्ना मंथली ड्राइंग हर महीने कितने निकाल रहा है पूरा नहीं पूछ रहा हर महीने कितने रुपए निकाल रहा है 2023 में इंटरेस्ट इन ड्राइंग 1950 तो यहाँ लिख दो 1950 1950 ही ड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ मान लो एक्स अमाउंट निकाल रहा है हर महीने की बिगनिंग में तो बारह बार पैसे निकालेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट है दस और हर महीने की बिगनिंग में टाइम फैक्टर लगता है सिक्स पॉइंट देखो मैंने सारी चीजें लिख दी हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है तो सिक्स पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व मिडिल में करता सिक्स बाई ट्वेल्व एंड में करता फाइव पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व करो क्लास आ जाएगा ये बारह से बारह कैंसिल हो जाएगा क्लास यहाँ पे ठीक है और ये इससे कट गया क्लास यहाँ दस आ गया तो नाइनटीन फिफ्टी इंटू कर दो टेन इज इक्वल टू एक्स इंटू सिक्स पॉइंट फाइव ठीक है अभी सिक्स पॉइंट फाइव इधर भेज दो अब एक्स की वैल्यू निकल आएगी नाइनटीन फिफ्टी में टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो नाइनटीन फिफ्टी और डिवाइड बाई सिक्स पॉइंट फाइव इट्स थ्री थाउजेंड तो हर महीने जो विड्रॉ कर रहा है क्लास वो कितना कर रहा है तीन हज़ार रुपये वो हर महीने विद्रॉ कर रहा है अब मैं इस चीज़ को प्रूफ करके देखता हूँ क्या सही में तीन हज़ार विड्रॉ कर रहा है हर महीने तीन हज़ार अगर विद्रॉ करेगा तो साल भर में करेगा थर्टी सिक्स थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दस परसेंट और अगर हर महीने की बिगनिंग में करता है क्लास है ना बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ सिक्स पॉइंट फाइव डिवाइड बाई ट्वेल्व तो क्लास 1950 मेरा इंटरेस्ट आ रहा है जो कि इन्होंने दे रखा है इट क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है तीन हजार रुपए आपका आंसर आ गया इसे लिख लो तो कई बार तुमको रेट दे रखा होगा है ना लेकिन तुमको टोटल ड्राइंग निकालना होगा कई बार मंथली ड्रॉइंग निकालना होगा कई बार आपको आपको रेट ही निकालने को बोल दे है ना तो कुछ भी पूछा जा सकता है इसी तरीके से क्लास क्वेश्चन आपको बनाना है आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए नाउ मूव टू क्लास नेक्स्ट केस केस नंबर सिक्स अच्छा सेम टू सेम केस नंबर फाइव जैसा है पार्टनर हर महीने एक फिक्स अमाउंट विद्रॉ करता था पहले लेकिन अब हर तो पार्टनर हर क्वार्टर में फिक्स अमाउंट विद्रॉ करेगा पार्टनर विद्रॉ इक्वल अमाउंट इन एवरी क्वार्टर टिल ईयर एंड चार बार मतलब क्वार्टर तो का मतलब क्या होता है वन फोर्थ है ना आधा पौआ सुना होगा आप लोगों ने क्लास ठीक है तो ये वही है क्लास यहाँ पे क्वार्टर का मतलब क्या होता है क्लास वन फोर्थ क्वार्टर पढ़ा होगा खैर आप लोगों ने एक बार निकाल रहा है फिर हर तीन महीने अरे जैसे तुम्हारी स्कूल की फीस जाती है ना मोस्टली बच्चों की क्वार्टरली जाती है तीन तीन महीने वह वा स्कूल वाले ले, ले लेते हैं भैया तीन तीन महीने का इकट्ठा दो है ना तो अगर हर क्वार्टर की बिगनिंग में निकालेगा टाइम फैक्टर 7.5 पॉइंट फाइव वहां पर से शुरू था फिर आधा आधा कम हो रहा था यहां सेवन पॉइंट फाइव से शुरू कम हो रहा है 1 .5, 1 .5 कम हो रहा है इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हर क्वार्टर के बिगनिंग में सेवन पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व हर क्वार्टर के मिडिल में पैसा विद्रॉ करेगा तो सिक्स बाई ट्वेल्व इसका सेम है हर क्वार्टर के एंड में पैसा विदड्रॉ करेगा तो फोर पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व अगर कोई पार्टनर क्लास इक्वल अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है एवरी क्वार्टर तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में सिक्स पॉइंट फाइव सॉरी सेवन पॉइंट फाइव बाई टर के मिडिल में सिक्स बाई ट्वेल्व क्वार्टर के एंड में फोर पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व कितना है क्लास फोर पॉइंट फाइव कम हो रहा है बीच में तो सिक्स ही है ये दिमाग में ध्यान रखना चलो आप भूल भी गए तो क्या दिक्कत है तो मैं हूं करा दूंगा आपको टेंशन ना लो अगर आप भूल जाते हो सर कैसे आया बिगनिंग का सेवन पॉइंट फाइव मुझे बताओ तो देखो प्रूफ कर रहा हूं पहली बार यहाँ निकाला होगा दूसरी बार यहां निकाला तीसरी बार यहाँ चौथी बार यहाँ ईयर एंड हो गया ये एक एक क्वार्टर तीन तीन महीने का है एक अप्रैल से शुरू होगा अप्रैल मई जून तीस जून को एंड होगा एक जुलाई से शुरू होगा तीस सितंबर को एंड होगा एक अक्टूबर से शुरू इकतीस एंड फिर एक जनवरी से शुरू इकतीस मार्च को एंड इसे बोलते हैं क्वार्टर अब वो हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाल रहा है तो टाइम फैक्टर कैसे निकलेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार यहां पे विड्रॉ किया है उसके बाद कितना समय बचा तो यहां से लेकर यहां तक पूरे 12 महीने बचे प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार यहां पे पैसे निकाला उसने टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और क्लास यहाँ पे पैसे निकाला तो तीन महीना बचा ये हर एक क्वार्टर जो है तीन तीन महीने का है जनवरी से मार्च तो बारह प्लस तीन पंद्रह पंद्रह अपॉन दो सेवन पॉइंट फाइव यही था ना टाइम फैक्टर मुझे बताओ सेवन पॉइंट फाइव था कि नहीं हाँ था तो ये आ गया सेवन पॉइंट फाइव हर क्वार्टर के मिडिल में पैसे निकालता है तो क्या होगा

तीसरी बार यहां, बार पहली बार चौथी पहली निकाला निकाला तो ये तीन महीने गुजर चुके हैं तीन, तीन, तीन नौ नौ महीने बचे आखिरी बार उसने यहां पे निकाला कुछ बचा ही नहीं समय नाइन प्लस जीरो बाई टू यानी कि फोर पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व टाइम फैक्टर आपको याद होगा फोर पॉइंट फाइव ही था अगर हर क्वार्टर के एंड में पार्टनर पैसे विड्रॉ करता है तो ओके आई होप आप लोग समझ चुके हो अच्छे से हर हाफ ईयर के मिडिल में हर हर क्वार्टर के बिगनिंग में हर क्वार्टर के मिडिल में हर क्वार्टर के एंड में अगर कोई टाइम फैक्टर निकाल क्लास पैसे विद्रॉ करता है तो आप इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग कैसे निकालोगे टाइम फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करोगे नेक्स्ट है तो बिगनिंग सॉरी ये जो मंथली है उसमें 12 से मल्टीप्लाई करते हैं क्वार्टर में चार से बिकॉज साल में चार क्वार्टर होते हैं तो चार बार विड्रॉ करेगा राइट तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं क्लास मंथली की जगह क्वार्टरली बस मल्टीप्लाई किससे करना फोर से मल्टीप्लाई किससे करना है क्लास फोर से चलो एक एग्जाम्पल देखो क्लास कैसे करना है यहां द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर हर क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है इंटरेस्ट है सिक्स परसेंट इंटरेस्ट एट द रेट सिक्स परसेंट परे तो कैसे निकालोगे वो पांच हजार रुपए विद्रॉ करता है हर क्वार्टर की बिगनिंग में साल में होते हैं चार क्वार्टर है क्वार्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम फैक्टर हर की बिगनिंग का क्या लगता है तो अगर आप देखो इसका कैलकुलेशन छह बारह दो चार दो पचास इंटू दो सौ ठीक तो तो है तो ये तो ये कितना क्लास आएगा तो आपका आंसर हो गया इंटरेस्ट यहां से जगह बाई ट होता तो यहाँ पे क्लास सेवन पॉइंट फाइव की जगह सॉरी हाफ ईयर कह रहा हूं अगर एंड होता तो फोर पॉइंट फाइव कर देते यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट केस क्लास केस नंबर सेवन वेन अ पार्टनर विदड्रॉ इक्वल अमाउंट इन एवरी हाफ ईयर पहले साल में बारह बार विदड्रॉ करता था तो बारह से मल्टीप्लाई करते थे फिर क्वार्टरली में साल में चार बार विदड्रॉ करेगा हाफ ईयरली में छ माही यानी कि दो बार साल में क्लास दो बार विड्रॉ करेगा बस दो बार ठीक है तो हर हाफ ईयर के बिगनिंग में विड्रॉ कर सकता है मिडिल में और एंड में बिगनिंग का टाइम फैक्टर नाइन बाई ट्वेल्व मिडिल का सिक्स बाई ट्वेल्व एंड का थ्री बाय ट्वेल्व भूल गए जिनका कुछ नहीं है क्लास मैं तुम्हें तो बता दूँ कैसे करना है बट अगर तुम याद रख लोगे मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली लिख लो कमेंट सेक्शन में यकीन मानो कभी नहीं भूलोगे तुम्हारा मेन परपज इस टाइम पे क्या है तुम्हारे स्कूल के यूटी में प्री बोर्ड में बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए लाइन बैलेंस शुरू से ही होगा एकदम एंड में नहीं होता है अब टाइम फैक्टर कैसे निकालोगे so, सो टाइम फैक्टर का फॉमुला क्या है सुनो हर हाफ ईयर की बिगनिंग में तो पहली बार यहाँ निकालेगा दूसरी बार यहाँ बस दो ही बार निकाल सकता है तो पहली बार यहाँ निकाला तो पूरे बारह महीने बचे उसके पास यहाँ निकालने के बाद छः महीने छः महीने आखिरी बार यहाँ निकाला तो सिर्फ छः महीने बचे बारह छः अट्ठारह बट्टे दो नाइन बाई ट्वेल्व नीचे ट्वेल्व तो अपने आप ही लिख देना चेक करो हाँ ना नाइन बाई ट्वेल्व यहाँ चेक करो आगे गया नाइन बाई ट्वेल्व इट मीन्स करेक्ट हर हाफ ईयरली के मिडिल में पैसे विड्रॉ करेगा तो पहली बार यहां पे विड्रॉ करेगा दूसरी बार यहां, यहां विड्रॉ किया दो आप नोटिस कर रहे हो ना हाफ जो मिडिल होता है ना उसमें हमेशा चाहे हर महीने विड्रॉ करो क्वार्टरली विद्रॉ करो और हाफ ईयरली विद्रॉ करो अब आखिरी केस जहां पे हर हाफ ईयरली के एंड में आप पैसे विड्रॉ करते हो तो पहली बार आपने यहाँ विड्रॉ किया तो पूरा छह महीने बचे आपके पास आखिरी बार आपने यहाँ विड्रॉ किया इसके बाद कुछ समय नहीं बचा तो ये तो है, तो है क्लास सारे के सारे टाइम फैक्टर के केसेस मैं सच कहूँ तो आप ऐसे याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है इतनी सारी चीजों को क्लास आप हर बार थोड़ी आप ये लगाओगे कि आप टाइम फैक्टर देख रहे हो तो याद करो अगर मंथली निकालता है तो 6.5 पॉइंट फाइव सिक्स आधा आधा डिफरेंस और क्लास अगर क्वार्टरली निकालता है तो 7.5 पॉइंट फाइव सिक्स फोर पॉइंट फाइव का डिफरेंस हर हाफ ईयरली पैसे विदड्रॉ करता है तो नौ छह तीन तो इस तरीके से क्लास आप अपना इंटरेस्ट जो टाइम फैक्टर है वो आराम से याद रख सकते हो में लिख के अच्छे से या कॉपी पे लिख लो कहीं भी लिख लो याद रख लेना बस क्योंकि पूछा जा सकता है ठीक है केस नंबर एट थोड़ा अलग केस है

साल भर का तो पता ही है साल भर तक निकाला पर छह महीने तीन महीने नौ महीने हो सकता है तब क्या होगा ध्यान समझना फिलहाल हम छह महीने की बात करते हैं बाकी मैं टाइम फैक्टर तुम्हें समझा तो, तो चुका ही हूं यहां भी समझा दूंगा तुम घर पर आराम से निकाल सकते हो ठीक है तो पार्टनर हर महीने विड्रॉ करता है क्लास तो हर महीने की बिगनिंग में कर सकता है मिडिल में कर सकता है और एंड में कर सकता है देखो ये रहा मैं छह महीने ले रहा हूँ अप्रैल से लेकर तीस अप्रैल एक महीना मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर बस ये हो गया छह महीना तो हर महीने की बिगनिंग में अगर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो पहली बार यहां विड्रॉ किया दूसरी बार यहां विड्रॉ किया तीसरी बार यहां चौथी बार यहां पांचवी बार छठी बार यहां और यहां पे ईयर एंडेड क्वेश्चन तुमसे खुद ही कह देगा कि जो ईयर एंड हो रहा है वो तीस सितंबर को ही अपना ईयर एंड हो रहा है ठीक है तो सुनो मेरी बात है टाइम फैक्टर का फॉर्मुला क्या होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाई टू तो पहली बार उसने अप्रैल में पैसा निकाला पहली बार उसने एक अप्रैल को पैसा निकाला तो अप्रैल से लेकर तीस सितंबर तक तीस सितंबर ईयर एंड हो रहा है पूरे कितने महीने बचे छह महीने बचे प्लस दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी आखिरी बार उसने एक सितंबर को पैसा निकाला एक सितंबर से तीस सितंबर एक महीना बचा छह प्लस एक सेवन बाई टू तो टाइम फैक्टर कितना आएगा थ्री पॉइंट फाइव बाई ट यही मैंने क्लास यहां लिख रखा है थ्री पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व लेकिन ये कब है बच्चे से कंफ्यूज होते हैं सर हाफ ईयरली वाले में नाइन भैया वो था छह महीने में एक बार निकाला ये कह रहा है हर महीने निकाला छह महीने तक निकाला तो दोनों केस अलग है भाई दोनों केस अलग है ट्रीटमेंट भी अलग हो वहां क्या छह महीने में एक बार निकाला फिर छह महीने में एक बार निकाला समझ रहे हो बात को लेकिन यहां पे हर महीने निकाल रहे हो एवरी मंथ आप कैलकुलेट कर रहे हो ठीक है मतलब एवरी मंथ कर रहे हो ठीक है अच्छा अब हर हर महीने की मिडिल में अगर आप करते हो पहली बार यहां विद्रॉ किया तो आधा महीना ये और पांच महीने साढ़े पांच महीने प्लस आखिरी बार यहां विद्रॉ किया आधा महीना जीरो पॉइंट फाइव साढ़े पांच प्लस आधा छह बट्टा दो तो ये कितना आएगा थ्री बाई ट्वेल्व अगला है टाइम फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हर महीने की क्लास एंड में विड्रॉ कर रहे हो आप तो पहली बार आपने यहां विड्रॉ किया हर महीने की एंड में तो पहली बार आपने यहां विड्रॉ किया दूसरी बार यहां तीसरी बार यहां चौथी बार यहां पांचवी छठी बार यहां तो यहां विड्रॉ कर रहे हैं तो तुम्हारे पांच महीने बचे तुम्हारे पास है ना अप्रैल तो चला गया अप्रैल खत्म हो गया पाँच महीने आखिरी बार उसने यहाँ विद्रॉ किया पार्टनर ने इसके बाद कुछ समय नहीं बचा तो ये आएगा टाइम फैक्टर 2.5 पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व यही चेक करो अगर सिर्फ छः महीने तक निकाल के छोड़ देता है तो 3.5, पॉइंट और 2.5। सच कहूँ तो ये केसेस उसी फॉर्मुले से आए हुए हैं बस आपको बता दिया कि आप ध्यान रखो तो बार बार आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा अगर मैं बोलता हूँ कि पार्टनर नौ महीने तक निकाल के छोड़ दे रहा है नौ महीने तक निकाल रहा है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ आपने नौ महीने की पहली बार यहाँ निकालेगा और यहाँ तक एंड हो रहा है तो नौ महीने आखिरी बार यहाँ एक महीने तो ये क्लास आएगा फ़ाइव तो अगर नौ महीने की बिगनिंग में निकालता है तो फाइव बाई इसी तरीके से कुछ भी निकाल सकते हो तो बेहतरीन है जितना मैंने तुम्हें बता दिया लिख के उससे बाहर तो देखो आएगा ही नहीं उससे बाहर नहीं आएगा लेकिन फिर भी एक परसेंट की हमारी भविष्यवाणी गलत हो गई टाइम फैक्टर आपको पता है टाइम टाइम लेफ्ट लेफ्ट आफ्टर आफ्टर फर्स्ट प्लस लास्ट दैट्स इट खत्म तो ये था क्लास केस नंबर एट अब चलते हैं क्लास कुछ और क्वेश्चन के ऊपर और उनको बनाते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड आओ देखते हैं जरा थर्ड क्वेश्चन ए बी आर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली अब स्कूल में तुम आंसर देना ताकि और बच्चे देखे की हाँ तुम कहां से पढ़ रहे हो लगना चाहिए उनको राइट right? कि तुम योद्धा बैच के बच्चे हो ए बी दो पार्टनर्स हैं क्लास क्लास रेशियो क्या है इक्वली ए रेगुलरली विड्रॉ पार्टनर्सली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर सिक्स मंथ हर महीने की क्लास बिगनिंग में पैसे विड्रॉ कर रहा है छह महीने तक विड्रॉ कर रहा है ठीक है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर सिक्स मंथ ए बी पार्टनर्स हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है ए ड्रॉ रेगुलरली फोर थाउजेंड हर महीने चार्ज पर निकाल रहा है बिगनिंग फॉर फॉर मंथ 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 ओनली सितंबर कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्राइंग तो अगर क्लास हर छह महीने की बिगनिंग में निकालता है टाइम फैक्टर थ्री पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी पढ़ाया है मैंने आपको नहीं तो तुम निकाल लो जैसे मैंने बताया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई टू तो ये क्लास कितना आएगा दो जीरो से क्लास ये कैंसिल हो जाएगा दो जीरो चार सो इंटू छ चौबीस सो इंटू पाँच इंटू थ्री पॉइंट फाइव बाई ठीक है तो आप सॉल्व करो क्लास आई थिंक थ्री हंड्रेड फिफ्टी आना चाहिए तो चौबीस सौ इंटू पाँच तो आ जाएगा बारह हज़ार ठीक है और डिवाइड बाई बारह इंटू थ्री पॉइंट फाइव तीन हज़ार पाँच सौ चार हज़ार है ना तो तीन हज़ार पाँच सौ तो देखो नहीं हो तो कुछ गलत हो रहा है चार हज़ार इंटू छः या अच्छा ये चौबीस हज़ार है चार हज़ार रुपये निकाल रहा है रेगुलरली बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ट्वेंटी फोर थाउजेंड हो गया उसका पाँच परसेंट ठीक है उसका पाँच परसेंट अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चालीस ये चालीस इंटू दो सौ चालीस होगा गलती से चौबीस सौ ले लिया बारह सौ इंटू थ्री पॉइंट फाइव डिवाइड बाई तो तो तीन सौ पचास ठीक है थ्री हंड्रेड फिफ्टी क्लास आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया तीन सौ पचास रुपये इसी तरीके से क्लास क्वेश्चन आपसे बन सकता है और या फिर बड़े क्वेश्चन का हिस्सा भी बन सकता है ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन फोर आओ जरा क्लास बनाते हैं अब इस क्वेश्चन में पूछा गया डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग अब तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है तो तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन होगा टोटल ड्राइंग गिवन होगा रेट अपॉन हंड्रेड इन मंथ भी गिवन होगा आपको बस तुमको रेट निकालना है पी क्यू आर तीन पार्टनर है पी विड्रॉ कर रहा है चालीस पर मंथ इन बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ टिल थर्टी फर्स्ट मार्च मतलब साल के शुरू में में लेकर हर महीने की में, तो मतलब टोल ड्रॉइंग कितनी देखिए चालीस हजार इंटू बारह साल भर निकाल रहा है रेट नहीं पता अपॉन हंड्रेड अब टाइम फैक्टर क्या हर महीने की बिगनिंग में निकाल रहा है तो 12. अब मैं इसको सॉल्व करूंगा चालीस हजार इंटू बारह चार लाख अस्सी हजार इंटू सिक्स पॉइंट फाइव डिवाइड बाई ये बारह फिर डिवाइड बाई हंड्रेड तो छब्बीस सौ आ गया ये तो पंद्रह 2600 सौ छब्बीस सौ इधर भेज दो डिवाइड में आ जाएगा तो इधर रेट बच जाएगा खाली तो पंद्रह हजार छह सौ डिवाइड बाई छब्बीस सौ सिक्स परसेंट तो आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया सिक्स परसेंट पर एनम यानी कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो निकालने को कुछ भी पूछा जा सकता है

अगर पार्टनर अभी तक आपने देखा कि सब्जी के पार्टनर बराबर बराबर अमाउंट विड्रॉ कर रहा था लेकिन इन केस अगर कोई भी पार्टनर अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है मतलब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है कोई इक्वल अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा अनइक्वल अमाउंट कभी दस हज़ार रुपये निकाल दिए कभी छः महीने छोड़ दिए कभी दो महीने छोड़ दिया फिर कभी एक लाख ,00 निकाल लिए कभी पंद्रह हज़ार निकाल लिए कभी निकाला ही नहीं कभी बीस हज़ार रुपये निकाल लिए इस तरीके से पार्टनर का नेचर है तो हमारे पास क्लास दो अलग अलग मैथड है करने के लिए सिंपल मैथड बच्चा बच्चा भी कर लेगा क्लास तुम भी कर लोगे आसानी से बता दूंगा अभी और प्रोडक्ट मैथड तुमको सीखना है

पर सिंपल मेथड बच्चों वाला खेल है प्रोडक्ट मेथड क्लास जो है आप ट्वेल्थ में हो तो प्रोडक्ट मेथड यूज करो कई बार लिखा भी आता है और प्रोडक्ट मेथड में और समय भी कम लगता है ठीक है इसीलिए ये मेथड आसान है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट वन हंड्रेड इंटू वन बाई ट्वेल्व अब इसी बेसिस पे क्वेश्चन है उसी के थ्रू कर सकते हैं अदरवाइज क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन के थ्रू ही समझ आएगा देखो द आप अकाउंट ऑफ अलका अर्चना चार लाख और तीन लाख रुपए की कैपिटल है आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ दो लाख ठीक है ड्रॉइंग रखा है नेट प्रॉफिट दे रखा है उसके मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है खैर हमें उसको लेना देना नहीं है इसमें लिखा हुआ है क्लास आगे द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ईयर एटीन नाइनटीन क्लास ये एटीन नाइनटीन नहीं होगा बाईस तेईस होगा ठीक है इसको ठीक कर लो क्लास ये 2022, 2023, ठीक है 2022 हजार बाईस का है और अलका ने विड्रॉ किया 10,000 एंड ऑफ द ईच क्वार्टर मेरी बात समझना अलका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ निकाल लेते हैं अपोजिट साइड ठीक है यहाँ निकाल लेते हैं ये बाईस तेईस है ठीक है अलका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कितने रुपए क्लास अलका विड्रॉ कर रही है क्लास यहाँ पे अलका ने विड्रॉ किया दस हजार रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर साल में क्वार्टर होते हैं चार साल में क्वार्टर होते हैं चार ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ड्रॉइंग सिक्स परसेंट और लिखा हुआ अल्का विदड्रॉ टेन थाउजेंड एंड ऑफ इच क्वार्टर हर क्वार्टर के एंड में हर क्वार्टर के एंड में ध्यान रखना हर क्वार्टर के एंड में टाइम फैक्टर क्या लगाते हो क्लास फोर पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व टेन थाउजेंड इंटू फोर फोर्टी थाउजेंड का सिक्स परसेंट इंटू फोर पॉइंट फाइव डिवाइड बाई ट इट्स नाइन हंड्रेड तो इसका जो इंटरेस्ट ड्रॉइंग अलका का नाइन हंड्रेड आ गया ठीक है सर ये तो वही केस था जो हमने पढ़ा था पहले अब यहां पे अर्चना का क्या है क्लास अर्चना ने 31 मई को फिर एक नवंबर फिर एक फरवरी को अलग अलग अमाउंट निकाला है आपको इंटरेस्ट निकालना है सिक्स परसेंट अब मेरी बात ध्यान समझना सबसे पहले क्लास आप इसमें लिखोगे कॉलम ईयर या डेट कुछ भी समझ लो तो पहली डेट है इकतीस मई बाईस फिर है एक नवंबर बाईस फिर फर्स्ट ऑफ फेबर तेईस के बाद क्लास आप लिखो आप लिखोगे मंथ बताओ इकतीस मई से थर्टी फर्स्ट मार्च जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो यहाँ पे क्लास दस महीने बचे एक नवंबर से नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और एक फेवरी से फरवरी और मार्च दो महीना फिर क्लास यहाँ पे अमाउंट मेरी बात ध्यान सुनना प्रोडक्ट मेथड लगा रहा हूं तुमको सिंपल मेथड भी सिखाऊंगा और तुम करके दिखाओगे 31 मई को जो तुमने पैसा निकाला है उस पर दस महीने का ब्याज लगेगा एक मई को जो तुमने पैसा निकाला उसे पर पांच महीने का एक फरवरी को जो पैसा निकाला उस पर टू मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा अमाउंट जो है ये आठ निकाला है सात हजार है ये पांच है एक कॉलम बस तुमको बनाना प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब क्लास मल्टीप्लाई किसका मल्टीप्लाई मंथ का और अमाउंट का जो प्रोडक्ट है उसका मतलब है क्लास मल्टीप्लीकेशन किसका मल्टीप्लीकेशन मंथ का और अमाउंट का मल्टीप्लीकेशन तो टेन इंटू एट थाउजेंड इंड इन टू पांच थर्टी फाइव थाउजेंड पांच इंटू दो कितना है क्लास दस हजार तो अब इसमें क्लास हम क्या करेंगे टोटल प्रोडक्ट अस्सी पैंतीस और दस ये आएगा एक लाख पच्चीस हजार फॉर्मूला क्या बताया था क्लास मैंने आपको टोटल प्रोडक्ट एक लाख पच्चीस हजार हो गया टोटल प्रोडक्ट हो गया एक लाख पच्चीस हजार इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हंड्रेड इंटू वन बाई ट्वेल्व में आपने लगाना है, 6 12, 625. मैं रिपीट कर रहा हूं एक लाख पच्चीस हजार का छह परसेंट और वन बाय ट्वेल्व सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ये आंसर आपका आ गया ठीक है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया अब अगर कोई बच्चा इसे सिंपल तरीके से निकाले आप लोग निकालना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आप सिंपल मेथड से निकालोगे तो आठ हज़ार पे दस महीने का इंटरेस्ट तो कैसे निकालोगे आठ हज़ार का 6 परसेंट और दस महीने का ये बनेगा चार सौ फिर सात हज़ार पे पाँच महीने का तो सात हज़ार सेवन थाउजेंड सिक्स परसेंट और फाइव मंथ्स का निकालोगे तो ये वन सेवेंटी फाइव आएगा फिर पाँच हज़ार यानी फाइव थाउजेंड का सिक्स परसेंट और

इससे ज्यादा कोई केस है ही नहीं क्लास मैक्सिमम केसेस हो गए सारे केसेस खत्म हो गए इसके बाद सी यू क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि सी यू टी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया जिसको क्लास फिर आम अलग अलग किताब में इस क्वेश्चन को डाला गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से समझना एंड तक देखना क्लास ताकि कोई गलती ना हो ठीक है बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट क्लास इक्वली सी रेगुलरली पर मंथ इन द दिग्निंग ऑफ एवरी मंथ फॉर मंथ सितंबर सिक्सेंडी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ट्व परसेंट फॉर द ईयर एंड इकतीस मार्च दो हजार तेईस आपको इंटरेस्ट बारह परसेंट निकालना है अब आप बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है इसमें छह महीने तक निकाल रहा है बिगनिंग में थ्री पॉइंट फाइव मिडिल में थ्री एंड में टू पॉइंट फाइव अभी तो आपने बताया कौन सी बड़ी बात है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंड इकतीस मार्च ईयर तीस सितंबर को खत्म नहीं हो रहा ईयर इकतीस मार्च को खत्म हो रहा है कैसे मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ एक दो ये फिर हमने बना रखा होगा ना कहीं बना रखा था ना हमने तो यहीं पे समझ लेते हैं एरा हमने बना रखा है एरा ठीक है अब ध्यान समझना हमने बना रखा है तो यहाँ बना देखो ये हो गया पूरा का पूरा बारह महीना है ना अब क्वेश्चन क्या कह रहा था क्लास यहाँ पे बी और सी पार्टनर सी रेगुलरली विड्रॉ फाइव थाउजेंड हर महीने क्लास पाँच हज़ार रुपये विड्रॉ करता है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ हर महीने की बिगनिंग में तो बिगनिंग का तो हमें टाइम फैक्टर निकालना पड़ेगा और वो बारह बार विद्रॉ कर सॉरी छः बार विद्रॉ करेगा क्योंकि हर महीने की बिगनिंग में फॉर सिक्स मंथ और इंटरेस्ट कितना है क्लास बारह हमें टाइम फैक्टर निकालना है बाकी सारी चीज़ें गिवन है हमें टाइम फैक्टर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा ध्यान से देखना हर महीने की बिगनिंग में तो पहली बार यहाँ पर निकाल रहा है दूसरी बार यहाँ तीसरी बार यहाँ चौथी बार एक जुलाई पांचवी बार एक अगस्त छठी बार एक सितंबर और बस इसके बाद नहीं निकाल रहा लेकिन ईयर एंड जो हो रहा है बच्चों ये ईयर एंड हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च यानी कि इसके बाद उसने पैसे निकालना तो छोड़ दिया लेकिन जो पैसे निकाले हैं उसने छह महीने तक उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे पहली बार उसने यहां पैसे निकाला जब उसने पहली बार यहां पैसे निकाला तो अब तुम सितंबर तक नहीं क्योंकि ईयर एंड साफ कह रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च पहले ईयर एंड तीस सितंबर था उसमें लिखा नहीं था थर्टी फर्स्ट मार्च ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन यहां पे कह रहा है ईयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च है थर्टी फर्स्ट मार्च तक ईयर एंड हो रहा है तो भैया अब आपने यहां पे जो पैसे निकाला पहली बार उसके बाद समय कितना बचा पूरा का पूरा बारह महीना टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पूरा आएगा क्लास बारह महीना प्लस

By 12. तो निकाल रहा है छह महीने तक तीस तो हजार बोलू कि आप इसको री चेक करो कि सही गलत है तो आप एक काम करना और मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में रिवर्ट करना कि तुम्हारा सही आ रहा है कि नहीं यही अट्ठाइस पचास टू एट फाइव जीरो आ रहा है कि नहीं क्या करोगे एक अप्रैल को तुमने निकाला कितना क्लास पांच हजार है ना एक अप्रैल को पांच हजार पर निकाला और इंटरेस्ट का रेट कितना है बारह परसेंट ठीक है कितना है क्लास बारह परसेंट तो एक अप्रैल से लेके ये पूरे बारह महीने तक ब्याज लगेगा इस पर बारह बट्टा बारह कट जाता है फिर जो तुमने पाँच हज़ार रुपये निकाला है क्लास फिर से एक मई इस पर ग्यारह महीने का ब्याज लगेगा फिर जो तुमने पाँच हज़ार रुपये निकाला है क्लास बारह परसेंट इस पर क्लास दस महीने का ब्याज फिर नौ महीने का आठ महीने का और एक सितंबर वाले पे सात महीने का ऐसे अलग अलग निकालो और तुम सम करके देख लेना क्लास पक्की बात है तुम्हारा आंसर टू ही आएगा अगर आपने सही से कैलकुलेट किया तो तो 31 मार्च इसमें लिखा गया है क्लास फॉर इयर एंड इसीलिए क्लास हमने ईयर एंड तक टाइम फैक्टर लिया 9.5 पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व लग गया सर 9.5 पढ़ा नहीं था हमने लेकिन उन्होंने क्या कहा एक्सेप्शन और आया ट्वेल्थ में नहीं था सीयूटी में आया था

अच्छे से लर्न कर लिया है अगर आपको याद होगा उसमें हम लोग टू इंटरस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं इंटरस ऑन लोन का ट्रीटमेंट इंटरस्ट कैपिटल का ट्रीटमेंट भी समझाऊंगा धीरे धीरे आपको ड्राइंग मैं करा चुका हूं, क्लास आज हम दो चीज़ें कवर करेंगे सैलरी और कमीशन साथ में अप्रोप्रियन का क्वेश्चन भी कवर करेंगे ठीक है सैलरी और कमीशन तो आओ फटाफट देखते हैं सैलरी और कमीशन के बारे में सबसे पहले सैलरी की बात करें क्योंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट साल में एक बार बनता है जो पी एंड एल अप्रोप्रियशन है वो फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है वो साल में एक बार बनेगा तो उसके अंदर जितनी भी सैलरी लिखी जाएगी ना वो पूरे साल की लिखी जाएगी तो कई बार आपको सैलरी एनुअली दिया ही रहता है एक की एनुअल सैलरी इतनी है बी की हर साल की सैलरी इतनी है तो अच्छी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं बट अगर कभी आपको एनुअल सैलरी ना दी गई हो दिया गया हो क्लास की एक ही सैलरी फाइव थाउजेंड रुपीज पर मंथ है तो क्लास आपने मल्टीप्लाई किससे करना है क्लास बारह से करना है पर मंथ का मतलब मल्टीप्लाई करोगे बारह से बिकॉज साल में बारह महीने होते हैं कभी पर क्वार्टर लिखा हो सकता है कि, कि किसी की सैलरी पर क्वार्टर उसके लिए क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको ज्यादातर मिस्टेक्स अकाउंटेंसी में क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ने की वजह से ही होती है तो अगर क्लास पर क्वार्टर लिखा हुआ है साल में चार क्वार्टर होते हैं मल्टीप्लाई बाई फोर पर हाफ ईयर या सेमी एनुअली लिखा हो क्लास तो मल्टीप्लाई बाई टू ये चीज क्लास हम करते हैं सैलरीज में हमें साल भर की सैलरी लेनी होती है बस तो साल भर का बनाना है अगर आपको नहीं दिया तो ठीक है दूसरी बात कमीशन हम कमीशन पढ़ेंगे दो अलग अलग टाइप का ध्यान से समझना क्लास कमीशन की सारी दिक्कत तुम्हारी खत्म हो जाएगी यहाँ पे कमीशन में दो केस है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कुछ नहीं अगर साइलेंट क्वेश्चन साइलेंट नहीं कह रहा ठीक है कुछ इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अगर क्वेश्चन जो है वो साइलेंट है तो अज्यूम करना कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ही है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में हम क्या करते हैं कमीशन कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन हंड्रेड बिफोर चार्जिंग कमीशन में हम क्या करते हैं नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन हंड्रेड और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हम क्या करते हैं नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट बिफोर चार्जिंग में नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन हंड्रेड दस परसेंट दस अपॉन सौ आठ परसेंट अपॉन सो छे दस परसेंट अपॉइन एक सौ दस बीस परसेंट एक सौ बीस पांच परसेंट अपॉइन एक सौ पांच अब मतलब क्या है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का क्या मतलब सच कमीशन का मतलब क्या है थोड़ा डीपली समझते हैं फिर सवाल बनाएंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है एक लाख दस हजार का और ए विल गेट कमीशन टेन परसेंट ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 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 इज एन एक्सपेंस एक्सपेंस है और जो कमीशन मिल रहा है ए को वो नेट प्रॉफिट का दस परसेंट है तो नेट प्रॉफिट एक लाख दस हजार इसका दस परसेंट है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन यानी कि उसकी कमीशन को घटाने से पहले कमीशन को नेट प्रॉफिट से घटाने से पहले घटाना क्यों बोल रहा हूं बिकॉज कमीशन एक्सपेंस और एक्सपेंस क्या होता है माइनस होता है तो जो भी तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट है उसमें से कमीशन को घटाने से पहले घटाने से पहले तो कमीशन नहीं घटाया आपने यही नेट प्रॉफिट दस पॉइंट एक सौ दस कितना क्लास आ गया कमीशन ग्यारह हजार रुपए का ये आ गया कमीशन ग्यारह हजार लेकिन अगले केस में क्या बोल रहा है ए विल गेट टेन परसेंट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यानी कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन घटा दो घटाने के बाद जो आएगा उसका दस परसेंट लेना है वो क्लास कमीशन आएगा का मतलब क्या है नेट प्रॉफिट कितने का है एक लाख दस हजार का इसमें से कमीशन घटा दो तो हमें कमीशन पता नहीं है कितना है तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट ए कमीशन ए पार्टनर है ए कमीशन बी एक्स ए के कमीशन को मैं मान लेता हूं हमें नहीं पता कमीशन कितना ए का लेकिन हाँ नेट प्रॉफिट में से उसके कमीशन को घटाने के बाद नेट प्रॉफिट में से उसकी कमीशन को घटाने के बाद जो फिगर बचेगा उसका दस परसेंट निकालोगे तो क्लास ए का कमीशन निकल जाएगा कमीशन क्या का माना है? क्लास कमीशन को x माना है इक्वेशन समझ आ रही है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो नेट प्रॉफिट में से कमीशन घटा दिया जो फिगर आएगी उसका दस परसेंट परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं दस अपॉन सौ इज इक्वल टू उसका कमीशन ये आ गया अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ठीक है तो ये क्लास हम यहां पे कर देते हैं तो ये आएगा एक लाख दस हजार अपॉन दस माइनस एक्स अपॉन दस इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन क्लास बन गई हमारी सही अब ये कितना क्लास आएगा ये आएगा ग्यारह हजार माइनस जीरो पॉइंट वन एक्स है ना अगर ये दस से डिवाइड दोगे तो जीरो पॉइंट वन एक्स आएगा इज इक्वल टू एक्स ठीक है अब एक्स को उधर भेज दो तो ग्यारह हजार माइ इज़ इक्वल टू एक्स प्लस जीरो पॉइंट वन एक्स तो ये एक्स प्लस ज़ीरो पॉइंट वन एक्स आएगा वन पॉइंट वन एक्स इज इक्वल टू ग्यारह हज़ार तो ग्यारह हज़ार को आप वन पॉइंट वन से डिवाइड दो एक्स की वैल्यू निकल आएगी बताओ क्लास कितना आएगा ग्यारह हज़ार को डिवाइड दो सारे बच्चे ग्यारह हजार है

टेन अपॉन रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट टेन अपॉन वन टेन आ गया टेन थाउजेंड डो में निकल सकता है तो इतनी मेहनत क्यों करनी लेकिन हाँ यह जानना जरूरी है ताकि लॉजिक आपको समझ आए कि हम क्यों करते हैं तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में रेट अपॉन हंड्रेड करोगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट करोगे आई होप आपको बेहतरीन तरीके से यहां पे समझ आ गया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन राइट डिटेल में समझा दिया मैंने आपको और नॉर्मल भी अब चलते हैं क्लास कुछ सवाल पे फिर एप्रोपरेशन के भी क्वेश्चन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लास पढ़ेंगे अगली क्लास में इंटरसन लोन वगैरह इंटरसन कैपिटल वगैरह सब मैं समझाऊंगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसके कुछ 10 से 12 पार्ट बनेंगे बिकॉज बड़ा चैप्टर है मैं आराम से तसल्ली से थोड़ा थोड़ा करके करा रहा हूं प्यार से ताकि आप सब हर एक बच्चे को समझ आए मेरा मेन परपज सिर्फ गोल्ड स्टूडेंट नहीं है क्लास गोल्ड हो सिल्वर हो ब्रॉन्ज हो कैसे भी स्टूडेंट हो सब तक मुझे पहुंचना है सबको अच्छे से कराना आराम से प्यार से और ताकि समझ पूरा आए ठीक है थेकिया? बस आप सपोर्ट करना वीडियो को शेयर जरूर करना पहला क्वेश्चन एबीसी तीन पार्टनर है रेशियो टू टू वन दो प्लस दो चार प्लस एक पांच टू बाई फाइव टू बाई फाइव वन बाई फाइव एज इंटाइटल कमीशन टेन परसेंट ए को जो कमीशन मिलेगा ए को जो कमीशन मिलेगा वो टेन परसेंट है नेट प्रॉफिट सिंपल नेट प्रॉफिट कितने का है लाख कितना बनेगा दस हजार वही जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो लैंग्वेज में रख दिया हाँ तो यहां मिलेगा डिटरमाइन एज कमीशन तो कमीशन कितना मिलेगा टेन थाउजेंड राइट चलो आई होप समझ आ गया अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप नेक्स्ट बी आभा बॉबी विनीत टीएस एस का ही क्वेश्चन है क्लास ए बुक का ही आभा बॉबी विनीत तीन पार्टनर से रेशियो इक्वली है वन रेशियो वन रेशियो वन एज पर द पार्टनरशिप डीड विनीत इज एंटाइटल कमीशन ऑफ टेन परसेंट जो विनीत है उसको मिलेगा कमीशन टेन परसेंट ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नेट प्रॉफिट में से कमीशन को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट में से कमीशन को माइनस करने के बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो बचेगा उसका दस परसेंट उसको मिलेगा तो आप लंबा प्रोसेस क्यों करोगे सीधे नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट का क्या कर दोगे नेट आपको हमेशा बिफोर कमीशन हर चीज घटाने से पहले दिया रहता है मतलब पी एंड का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना उसका ये नेट प्रॉफिट है तो आपने करना क्या है दो लाख दस हजार आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है टेन बाई वन टेन तो ये क्लास कितना आ जाएगा आंसर ट्वेंटी थाउजेंड तो जो विनीत को कमीशन मिलेगा वो मिलेगा ट्वेंटी थाउजेंड एमसी में पूछ सकता है वन मार्क का नहीं ठीक है

ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मेरी बात ध्यान समझना कई बच्चे सिर्फ आफ्टर बिफोर को पकड़ लेते हैं सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो भाषा वो है लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है आफ्टर बिफोर से लेना देना नहीं है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है भाषा क्या कह रही है आपको उससे लेना देना है क्वेश्चन कहता है कि जो कमीशन मिलेगा दस परसेंट मिलेगा नेट प्रॉफिट में से सैलरी सैलरी क्योंकि एक्सपेंस है ऑब्वियसली घटेगा तो नेट प्रॉफिट में से सैलरी घटा दो फिर जो आएगा

इसमें से सैलरी घटा दो एक्स की कितनी है क्लास एक लाख बीस हजार है ना। आ, नेट प्रॉफिट अच्छा आफ्टर पार्टनर्स सैलरी पार्टनर सैलरीज होना चाहिए पार्टनर्स सैलरीज एक से ज्यादा पार्टनर है सारे पार्टनर की सैलरी घटाओ तो कहीं ना कहीं वाई की सैलरी दे होगी ये रिवाई की सैलरी पच्चीस हजार पर एन एम है तो आप इसमें क्लास कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करोगे पच्चीस हजार पूरे साल की सैलरी है तो नेट प्रॉफिट में से आपने सैलरी को घटा दिया तो चार लाख बीस हजार है माइनस करोगे एक बीस माइनस करोगे पच्चीस तो आएगा दो लाख पिचहत्तर हजार तो दो लाख पिचहत्तर हजार का आपने दस परसेंट देना है क्लास जो कितना बनेगा सत्ताईस हजार पाँच सौ मेरी बात समझना एक्टेक्स को जो कमीशन मिलेगा वो नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी घटा दो दोनों पार्टनर्स की सैलरी घटा दिया उसका दस परसेंट ठीक है अपॉन करता अगर आफ्टर कमीशन लिखा होता नहीं लिखा था, तो इसीलिए मैंने टेन बाई हंड्रेड कर दिया ठीक है और वाई की सैलरी तो पच्चीस हजार की मेरी बात ध्यान समझना वाई को भी कमीशन मिल रहा है है ना तो मैं निकाल लेता हूं वाई कमीशन कैसे मिलेगा क्लास वाई को जो कमीशन मिलेगा वाई कमीशन टेन परसेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी पार्टनर्स पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर्स की सैलरी तो नेट प्रॉफिट में से सारे पार्टनर की सैलरी घटा दो जी हमने घटा दिया सारी की सारी कमीशन घटा दो सर सारी कमीशन तो नहीं घटा सकते सिर्फ एक्स का कमीशन घटा सकते हैं वाई का कमीशन तो निकाल ही रहे हैं वो कैसे घटा देंगे वो तो अभी निकाला ही नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है रेट अपऑन हंड्रेड प्लस रेट तो नेट प्रॉफिट में से सारी सैलरी घटा दिया सारा कमीशन नहीं घटा सकते, कमीशन कमीशन आपने घटा घटा दिया, वाई का आप ही नहीं सकते, वाई का कमीशन आपको पता ही नहीं है समझ रहे हो? तो इसलिए क्या है? 10 100, 10 करेंगे? घटाओगे तो 10 10, अब तुमको एक काम करना है चेक करके मेरी बात ध्यान सुनो करना तुम कॉपी में फोर ट्वेंटी माइनस वन ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड इंटू टेन अपॉन हंड्रेड इंटू टेन अपॉन हंड्रेड करके देखो पक्की बात है तुम्हें तो यही फिगर मिलेगा हंड्रेड परसेंट कहने का मेरा सेंस क्या है कि आप लंबे फॉर्मूले से नहीं कर रहे आप शॉर्टकट लगा रहे हो आफ्टर कमीशन है तो रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट और आफ्टर वर्ड कमीशन के साथ अटैच होना चाहिए नहीं कोई भी आफ्टर देखा तो कर लिया After commission के साथ होना चाहिए। तो तो ठीक है? तो ये चीज़ हो गई हाँ पे। आपको करना क्या है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को बांटने के लिए हम एक अकाउंट बना लेते हैं इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट का बंटवारा करो तो बेहतर है कि आप अप्रोप्रियन का अकाउंट बना लो सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये वही प्रॉफिट है क्लास जो पी एंड एल अकाउंट से आया है फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है टू सैलरीज कौन कौन पार्टनर्स हैं इस क्वेश्चन में एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं ठीक है एक्स और वाई तो एक्स की टेन थाउजेंड पर मंथ है तो एक्स की सैलरी है एक लाख बीस हज़ार और वाई के तो सीधा पच्चीस हज़ार दे ही रखा है पर एन एम है टू कमीशन कमीशन के लिए आपने बना रखा है वर्किंग नोट X का था क्लास कितना 27,500 Y का था 22,500 यही था ना 27,500 22,500 तो वर्किंग नोट है तो आप दिखा दिया करो बेहतर होगा बस खत्म ये आ गया 420 ये आ गया 4 लाख 20,000 तो 420 माइनस 120 माइनस 25,000 माइनस 50,000 इट्स 2 लाख 25,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ लिखा नहीं है ये साथ में आपने ना अप्रोप्रिएशन का अकाउंट भी सीख लिया कैसे बनाते हैं और अकाउंट्स में सारे बच्चे ध्यान समझना हर स्टेप के नंबर होते हैं जितने भी स्टेप्स हैं हर स्टेप के नंबर होते हैं तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स तुम्हारे सही हो ताकि तुम्हें नंबर भी ज्यादा से ज्यादा मिले और एक कोई स्टेप में गलती होती है तो उसी के नंबर कटें सारे ना कटें टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल आप क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है मैं बताऊंगा क्लास दो तरह के कैपिटल होते हैं फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग फिक्स के केस में करंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बट ऐसा कुछ है नहीं तो छोड़ो जब आएगा टॉपिक तभी ध्यान देंगे ठीक है कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और वाई तो आधा आधा कर देना बिकॉज रेशियो गिवन नहीं है अगर रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जो प्रॉफिट्स का बंटवारा होगा वो बराबर बराबर होगा इक्वली होगा आ रही क्लास बात समझ यहाँ तक अच्छे से डन तो ये हो गया क्लास आपका क्वेश्चन आप स्क्रीन ले लो ठीक है या पॉज करके लिख लो आराम से ये हो गया क्लास क्वेश्चन साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन तो से से पढ़ते हैं एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है इनकी रेशियो है टू बाई फाइव टू बाई फाइव वन बाई फाइव फिक्सड कैपिट देखो जब भी क्वेश्चन में कहीं फिक्स लिख जाता है तो हर चीज करंट अकाउंट में जाता है क्यों इसके लिए क्लास होपफुली अगली क्लास में उस अगली क्लास में तुम्हें समझा दूंगा बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा फिलहाल ये आगे की बात है तो अभी बस तुम ध्यान रखो कभी भी फिक्सड कैपिटल लग जाता है फिक्स फिक्सड फिक्सड तो समझ जाना क्लास क्या करेंट अकाउंट तो हम आंसर किस में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट जब प्रॉफिट का बंटवारा होगा राइट right?

और प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड इकतीस मार्च अब सबसे खतरनाक लाइन इन्होंने यही दे दी जिसकी वजह से बच्चे क्वेश्चन गलती करते हैं और कॉन्सेप्ट तुम्हारे मन में यहां पे बन जाएगा ठीक है क्या प्रॉफिट हमेशा हर चीज से पहले होनी चाहिए मैंने आपसे कहा था कि जो नेट प्रॉफिट होता है वो बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन होता है सैलरी कमीशन इंटरेस्ट कुछ भी देने से पहले का प्रॉफिट होता है बट इन्होंने क्या बोला है प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंड इकतीस मार्च आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉस चार लाख तो जो ये नेट प्रॉफिट है वो जेड की सैलरी को घटाने के बाद चार लाख है मतलब जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट था उसमें से जेड की सैलरी घटा दी 24000 उसके बाद जो बचा चार लाख है हमेशा हमें नेट प्रॉफिट जो पी एंड एल अप्रोपरेशन में लिखते हैं ना वो बिफोर ऑल अप्रोपरेशन होता है सब कुछ घटाने से पहले कुछ भी घटाओ मत सब कुछ घटाने से पहले का प्रॉफिट तो पहले प्रॉफिट कितना रहा होगा चार लाख चौबीस हजार चौबीस घटा के चार लाख आया तो नेट प्रॉफिट जो है वो चार लाख का है मेरी बात ध्यान समझना यहाँ पे अप्रोपरेशन अकाउंट बना रहा हूँ बाई पी एंड अकाउंट ये जो नेट प्रॉफिट है ये चार लाख आफ्टर जेड सैलरी है तो जो भी चीज घटा दिया है उसको जोड़ दो जेड सैलरी ठीक है जेड की सैलरी है कितनी सैलरी है जेड की चौबीस हजार तो यानी कि जो नेट प्रॉफिट है वो है फोर लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड इन्होंने जेड की सैलरी घटाने के बाद आपको बोला है चार लाख रुपए आपका कभी भी वो नहीं लिखना आपको हमेशा यहां पूरा ही लिखना है सब कुछ घटाने से पहले तो जेड की सैलरी को घटाने से पहले का जो प्रॉफिट है वो है क्लास फोर लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड अब इन्होंने जेड की सैलरी घटाने के बाद का दे रखा था वो तुम्हें तो लेना नहीं है फोर लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है सर समझ आ गया इंटरेस्ट कैपिटल टेन परसेंट तो लिख दो यहाँ पे टू इंटरेस्ट कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड कितना कितना टेन परसेंट आएगा फाइव फाइव ढाई तो ये पांच लाख का बनेगा पचास हजार ये भी बनेगा पचास हजार ये बनेगा पच्चीस हजार तो कितना बनेगा ये यहाँ पे वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कितना बनेगा वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आगे लिखा है क्लास यहाँ पे जेड इज अलाउड अ सैलरी ऑफ टू थाउजेंड पर मंथ दो हजार पर मंथ है तो ही कितनी चौबीस हजार अच्छा कुछ बच्चे क्या कहते हैं सोचते हैं सर हम यहाँ पे चार लाख ही लिख दें यहाँ पे चार लाख लिख दें और यहाँ पे चौबीस हज़ार ना लिखें देखो आंसर सही आ जाएगा घटाने के बाद चार लाख है अभी भी आपको घटाना ही है इसमें से इसे माइनस ही करना है लेकिन आंसर सही आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा आपका कल को गलती हो सकती है कमीशन वगैरह निकालने में तो बेहतरीन यही है कि आप प्रॉपर तरीके से करो अगर ये नेट प्रॉफिट किसी चीज़ को घटाने के बाद का दे रखा है तो आप उसे ऐड बैक कर लो नेट प्रॉफिट आ गया फोर लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड उसमें से अभी हम एक एक करके सारे के सारे खर्चे को माइनस करेंगे ठीक है तो ये दोनों खर्चे और तो कुछ है ही नहीं क्लासेस के अंदर बस खत्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू टू वन है तो जो भी प्रॉफिट का बंटवारा होगा जो भी प्रॉफिट का बंटवारा होगा एक सेकेंड तो नेट प्रॉफिट कितने का है क्लास फोर लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड इंटरेस्ट ड्रॉइंग है ही नहीं इस क्वेश्चन में फोर लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर ट्वेंटी फोर माइनस करेंगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड माइनस वन ट्वेंटी फाइव इट्स टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड

पी एंड एल पूरा का पूरा बना लेना है ठीक है ले लो स्क्रीन शॉट लिख लो तो इसमें एक चीज सीखी आपने अगर कोई चीज आफ्टर एक्सपेंस दे रखा है तो आप उसे ऐड कर देना क्योंकि जो भी नेट प्रॉफिट हमें लेना होता है बिफोर कमीशन लेना होता है जो भी हमें नेट प्रॉफिट लेना है बिफोर कमीशन लेना है तो अगर आपको आफ्टर दे रखा है तो आप उसे ऐड बैक कर दोगे आपका बिफोर बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव पे आते हैं भानु प्रताप दो पार्टनर है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है देयर फिक्स कैपिटल यहाँ भी देखो फिक्स कैपिटल लग, लग गया तो आंसर करंट अकाउंट में आ जाएगा बस इतना ही फर्क है जो ये आंसर लिखते हो ना आप यहाँ पे कैपिटल की जगह करंट कर देना अगर फिक्स आ जाता है तो क्यों वो हम क्लास आगे क्लासेस में देखेंगे अगली दो क्लास के अंदर ड्रॉइंग्स वर पचास हजार एक लाख रेस्पेक्टिवली इंडल कैपिटल चार्ज बटा इंटरसन कैपिट चार्ज का मतलब क्या है बता चुका हूँ क्लास आपको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिज चार्ज का मतलब तुम्हें इंटरस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना है भले ही बिजनेस को लॉस क्यों ना हो जाए भले ही तुम्हारे पास सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है फिर भी तुम्हें पूरा का पूरा ही देना है एंड वो है दस परसेंट इंटरस ऑन ड्रॉइंग जो है वो पंद्रह परसेंट बेटा इस क्वेश्चन में एक गलती सब करते क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है पार्टनर पैसे किस डेट को विड्रॉ कर रहा है डेट ऑफ विदड्रॉन इज नॉट गिवन अगर तुमको ये लिखा हुआ ही नहीं है पार्टनर पैसे किस डेट को विद्रॉ कर रहा है तो क्लास आपने इंटरेस्ट ड्रॉइंग in की जो कैलकुलेशन करनी है वो कितने महीने के लिए करनी है क्लास सिक्स मंथ के लिए डेट ऑफ विदड्रॉ नहीं दे रखी है तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्रॉइंग फॉर सिक्स मंथ आपको छह महीने के लिए इंटरेस्ट ड्रॉइंग in निकालना है सिक्स बाई ट्वेल्व करना है वो पंद्रह परसेंट पार है ना नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर गिविंग इफेक्ट देखो मैंने कहा था ना हमेशा नेट प्रॉफिट हर चीज़ से पहले का होता है वो एक लाख बीस हज़ार है तो आपको अप्रोप्रेशन बनाना है तो आओ जरा क्लास अप्रोप्रेशन अकाउंट ही बना लेते हैं क्लास चलो इसको ही बना लेते हैं ज़्यादा बेहतर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड और जिसका बना रहे उसका नाम लिख दो ठीक है ये ये रहा डेबिट सबसे पहले बाई पी एंड एल अकाउंट किसके लिए क्लास नेट प्रॉफिट के लिए तो कितना है क्वेश्चन में एक लाख बीस हजार रुपए आपको यहाँ लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस किस की क्लास? भानु और प्रताप की ड्राइंग है तो कितना है क्लास यहाँ पे ड्राइंग क्वेश्चन में ड्यूरिंग दर पचास हजार है तो ये पचास हजार है तो पचास हजार का कितना परसेंट क्लास आपको लेना है पचास हजार का ड्रॉइंग पंद्रह परसेंट है लेकिन छः महीने के लिए ठीक है तो ये बनेगा थ्री सेवन फाइव ज़ीरो और अगले का है दस हज़ार सॉरी पचास हज़ार एक लाख तो एक लाख का पंद्रह परसेंट जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है पंद्रह परसेंट राइट लेकिन छः महीने के लिए जो कि बनेगा सेवेंटी फाइव हंड्रेड ऐड करोगे थ्री सेवन फाइव ज़ीरो इट्स वन वन टू फाइव जीरो यानी कि ग्यारह हज़ार दो सौ पचास ठीक है अच्छा अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ पे लिखा है क्लास कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो दस परसेंट और चार्ज है पूरा का पूरा देना है सोचना ही नहीं है कुछ पूरा का पूरा देना है आठ लाख ,00 का दस परसेंट कितना है क्लास अस्सी हजार और दस लाख ,00 का दस परसेंट एक लाख अगर आप देखो तो ये एक लाख अस्सी हजार हो गया जितना तो प्रॉफिट भी हमारे पास नहीं है लेकिन क्योंकि चार्ज है तो तुम्हें पूरा का पूरा देना है इसमें और तो क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है, आपको दे रखी है। तो ये आ गया क्लास आपका वन लाख एट्टी थाउजेंड माइनस करेंगे वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस कर दोगे फोर एट सेवन फाइव जीरो का लॉस आ गया इस लॉस को लिखोगे बाई Divisible, लॉस ट्रांसफर टू फिक्स मेथड है तो current अकाउंट ऑफ भानु प्रताप और इनकी जो रेशियो है वो इक्वली है तो आप आधा आधा कर देना टू फोर थ्री सेवन फाइव टू फोर थ्री सेवन फाइव ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव फोर एट सेवन फाइव जीरो आपका क्लास आंसर आ गया आई होप आपको पूरी तरीके से क्लास क्वेश्चन समझ आया होगा राइट अप्रोपरेशन अकाउंट एक और बहुत प्यारा बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है क्लास आपकी बुक का पी एंड ऑपरेशन अकाउंट बहुत ध्यान से अच्छे समझना कैलकुलेशन uh, के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है एबीसी तीन पार्टनर्स पार्टनर वन लाख देर करंट अकाउंट बैलेंस इनकी करंट अकाउंट देखो करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो जो आंसर आएगा वो लास्ट में करंट अकाउंट में ही आएगा ठीक है ये, ये फिक्स मेथड है करंट अकाउंट का बैलेंस दिया मतलब ये फिक्स मेथड है तब तो तुम करंट ही डालोगे टेन थाउजेंड फाइव थाउजेंड और टू थाउजेंड का नेगेटिव बैलेंस है मतलब सी का जो बैलेंस है ना वो डेबिट का देखो मतलब कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है आपने पढ़ा 11th में ऑल असेट डेबिट बैलेंस लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट क्रेडिट लॉस डेबिट ड्राइंग डेबिट कैपिटल क्रेडिट पर कैपिटल का डेबिट बैलेंस इसका मतलब क्या है क्लास ये नेगेटिव कैपिटल है इतना पैसा लगाया नहीं है इसने इतना बिजनेस से निकाल और लिया इसने आगे लिखा है क्लास अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को इंटरन कैपिल मिलेगा टेन परसेंट सी काम करता है तो उसको सैलरी मिलेगी बारह हज़ार पर एन तो मल्टीप्लाई मत करना बिकॉज साल का है और प्रॉफिट को कुछ इस तरीके से बंटवारा किया जाएगा चलो इसको मैं बाद में पढ़ूंगा और फॉर्म ने कमाया एक लाख बहत्तर हज़ार वन सेवेंटी टू बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ दिस आइटम मैंने कहा था नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर चार्जिंग होता है कुछ घटा रखा है तो आपको ऐड बैक करना है जैसे पहले आपने सैलरी को ऐड किया था प्रिपेयर पिन लैप्रोपेशन अकाउंट तो आओ जरा बनाते हैं पेन लैप्रोपेशन अकाउंट सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे बाई अकाउंट ये था नेट सेवेंटी टू थाउजेंड ठीक है अब इसमें से हम क्या क्या करेंटी सैलरी मिलती है क्लास ओनली बारह हजार और बाकी हमें क्या देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी को सैलरी दे दिया प्रॉफिट हर स्टेप सही लिखो जितने स्टेप सही होंगे उतने नंबर तुमको मिलेंगे और ये इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा ए बी और सी तीनों को इंटरेस्ट कैपिटल मिल जाएगा और कितना है क्लास यहाँ पे पचास हज़ार पचास हज़ार एक लाख और इंटरेस्ट कैपिटल कितना है टेन परसेंट तो पचास हज़ार का पाँच हज़ार फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड तो क्लास कितना आ जाएगा ये ट्वेंटी थाउजेंड राइट तो अगर मैं वन लाख सेवेंटी टू थाउजेंड में से ट्वेंटी थाउजेंड घटा दूँ फिर ट्वेल्व थाउजेंड घटाऊँ वन लाख फोर्टी थाउजेंड का अब हमारा आंसर आएगा वन लाख सेवेंटी टू थाउजेंड तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो वन सेवेंटी टू माइनस थर्टी टू वन लैखी था किस नाम से लिखेंगे टू टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर अकाउंट अभी करंट का लफड़ा खत्म हो जाएगा अगली क्लास तक डोंट वरी कि करंट का क्या सिस्टम है करंट अकाउंट ऑफ ठीक है कौन कौन पार्टनर्स हैं ए बी सी और रेशियो कितनी है क्लास इस क्वेश्चन में रेशियो इस क्वेश्चन में हाँ रेशियो तो खैर बताऊंगा अभी क्या है ए बी और सी ठीक है अब मेरी बात ध्यान समझना छोटा सा एक वर्किंग नोट बनाएंगे क्लास और ये वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट क्रेटेड टू ईच पार्टनर हर एक पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा मेरी बात ध्यान समझना आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है हर एक पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा प्रॉफिट कितना आ रहा है क्लास आपके सामने वन लाख फोर्टी थाउजेंड प्रॉफिट कितने का है क्लास वन लाख फोर्टी थाउजेंड और ये प्रॉफिट बनेगा वर्किंग नोट वन में तो इसको लिख देते हैं वर्किंग नोट वन कैपिटल अकाउंट ऑफ और ये आएगा वर्किंग नोट वन चलो ये प्रॉफिट का एक सेकेंड किसी पिछले क्वेश्चन में कर दिया गया एक सेकेंड यार इस क्वेश्चन में लिखना था कैलकुलेशन ऑफ ये आ गया वर्किंग नोट वन ठीक है तो अब ये एक लाख चालीस हजार को हमें तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये है खेल इसको आपने समझना है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है फर्स्ट द प्रपोर्शन देयर कैपिटल बेटा कैपिटल के प्रपोर्शन में मतलब चार जीरो कैंसिल चार जीरो कैंसिल चार जीरो कैंसिल फाइव 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 वन जाव टू कैपिटल रेशियो है वो क्या है क्लास वन टू टू तो जो एक लाख चालीस हजार का प्रॉफिट है एक लाख चालीस हजार का प्रॉफिट है उसमें से बीस हजार रुपए निकाल लो और तीनों में बांटो किस रेशियो में वन 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 टू चार से डिवाइड दो पांच तो इसका आएगा पांच हजार इसका भी आएगा पांच हजार इसका आएगा दस हजार तो जो पहले बीस हजार है फर्स्ट ट्वेंटी थाउजेंड जो है वो आपको बांटना है किस में? One रेशियो में वन रेशियो वन रेशियो टू में अच्छा उसके बाद अगले के लिए क्या बोला है अगला तीस हजार फाइव थ्री टू में तो अगला जो तीस हजार है वो आपने फाइव रेशियो थ्री रेशियो टू में बांटना है ए बी सी फाइव दस से डिवाइड दोगे तो ये आएगा पंद्रह हजार नौ हजार और छह हजार ठीक है दस से डिवाइड पंद्रह तीन नौ तीन, तीन, छह तो पहले बीस हजार को अलग रेशियो में बांटने के लिए बोल रहा है अगले तीस हजार को अलग तो बचा कितना फोर्टी में से फिफ्टी चला गया नाइनटी तो ये जो नाइनटी थाउजेंड बचा ये बैलेंस है

अच्छे से पढ़ के आओगे एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं बेहतरीन क्वेश्चन उसको बना जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं मैं कराऊंगा वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए मुझे पता है आप लोग आप लोग लोग सपोर्ट करने करने वाले वाले वीडियो को शेयर अपने सारे क्लासमेट में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी प्रिपरेशन जितना पेड़ में भी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा उतना फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर इस योद्धा बैच में जुड़ जाओ योद्धा बैच में आपको कराऊंगा प्रॉमिस है मेरा एंड तक टिल एग्जामिनेशन तक कराऊंगा क्लास ये नहीं कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा एग्जाम तक चलेगा एबीसी तीन पार्टनर्स हैं और हमें क्लास क्या करना है आ, इसमें बनाना क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड इकतीस मार्च तेईस एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स क्लास इस पोर्शन को पेंडिंग रख रहा हूँ मैं कैपिटल अकाउंट अभी सिखाया नहीं है ठीक है मैं आपको अप्रोपरेशन सिखाऊंगा अच्छे से देन हम कैपिटल अकाउंट पे चलेंगे जब अप्रोप्रेशन आ जाएगा कैपिटल अकाउंट सिखा दूंगा फॉर्मेट वगैरह तब हम चलेंगे उसके ऊपर ठीक है तो सबसे पहले हम अप्रोपरिएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं आ जाओ एक फॉर्मेट अप्रोप्रेशन का बना लेते हैं अच्छे से पेंड अप्रोपरेशन अकाउंट हमें बनाना है इस क्वेश्चन में एंडल अप्रोप्रियशन अकाउंट का फॉर्मेट के कंप्लीट क्वेश्चन बनाते हैं ठीक है ध्यान से एंड तक देखते चले जाओ क्रेडिट पर्टिकुलर्स और ये हो गया क्लास पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हो गया क्लास अमाउंट ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्लास पर्टिकुलर्स ठीक है

बी विड्रॉ करता है छः हज़ार सी विड्रॉ करता है पाँच हज़ार आपको इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना है साल भर में होते हैं बारह महीने और ये हो गया टोटल ड्राॅइंग्स और इंटरेस्ट क्यापिल आठ परसेंट है इंटरेस्ट ड्राॅइंग दस परसेंट है तो आप निकालो दस परसेंट और टाइम फैक्टर आपको पता है हर महीने निकाल रहा है सिक्स पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व सिक्स पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व सिक्स पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा सात हज़ार इंटू बारह इसका दस परसेंट 84 फोर डिवाइड बाई ट्वेल्व इंटू सिक्स इट्स फोर और ये आएगा क्लास छः हज़ार इंटू बारह इसका 10 परसेंट इंटू सिक्स आएगा 3900 नाइन आएगा 5000 थाउजेंड इंटू बारह इसका 10 परसेंट बनेगा छः हज़ार इंटू सिक्स डिवाइड बाई आएगा 3250 तो अगर मैं देखूं यहां पे तो जो टोटल इंटरेस्ट आ गया वो ग्यारह हजार सात सौ रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों ने यहां पे निकाल लिया ओके सर आ गया समझ और आगे लिखा है क्लास की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लिख लेते हैं क्लास एबीसी का यहां पे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वर्किंग नोट वन ए बी सी ठीक है ए का कितना है क्लास फोर डबल फाइव जीरो थर्टी नाइन हंड्रेड डबल फाइव जीरो थर्टी नाइन हंड्रेड एंड थ्री टू फाइव जीरो थ्री टू फाइव जीरो ग्यारह हजार कितना था सात सौ ग्यारह हजार सात सौ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लिया आपने ठीक है फिर यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालोगे आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी देखते हैं क्या है आगे लिखा है क्लास प्रॉफिट फॉर द फॉर्म इस लैक फिफ्टी फाइव आउट ऑफ विच 2 लाख इज ट्रांसफर टू जनजिट से प्रॉफिट है जो जनरल रिजर्व में डाल देंगे ऐसा क्वेश्चन कह रहा है मैं नहीं कह रहा क्वेश्चन ने बोला डाल दो ना क्वेश्चन कह रहा है कि आपने प्रॉफिट कमाया सात लाख पचपन हजार का दो लाख जनरल रिजर्व में डाल दो लाख रुपए रख लो भैया दो लाख का मत बांटना कल को पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो दो लाख रुपए आपने डाल में ठीक है है आगे लिखा क्लास पे लाख आपने डाला जर्नलिज के अंदर इसमें ट्रांसफोर्ट जर्नलिजर्म बी एंड सी सैलरी तीस हजार और पैंतालीस हजार बी को तीस और सी को पैतालीस हजार बी को तीस और सी को पैतालीस हजार टू सैलरीज़ बी को तीस सी को पैंतालीस सैलरी लिख दो सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है दोनों को सैलरी जो मिलती है मिल सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है अच्छा उसके बाद क्या लिखा है ए इज रिसीव कमीशन ध्यान सुनना एक कमीशन मिलेगा टेन परसेंट किसका डिस्ट्रीब्यूएबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन डिस्ट्रीब्यूएबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और एक अप्रैल साल का शुरू है उसमें आपको कैपिटल बैलेंस दे रखा है पाँच लाख चार लाख साढ़े तीन लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है क्लास आपको आठ परसेंट तो इंटरेस्ट कैपिटल आठ परसेंट लगाएंगे पाँच लाख का आठ परसेंट चालीस हजार और चार लाख का आठ परसेंट बत्तीस हजार आठ चौके बत्तीस और अगला है साढ़े तीन लाख का आठ परसेंट साढ़े तीन लाख अट्ठाईस तो ये अट्ठाईस हजार आ गया टोटल क्लास जो बनेगा ये बन जाएगा एक लाख ठीक है चलो ये सारी चीजें क्लास हमने सब कुछ अच्छे से कर लिया एक एक स्टेप कर लिया अब बस कमीशन देना है क्लास किसको ए को तो कमीशन में ए का निकालूंगा ए को ही देना है ना कमीशन कमीशन ए इज टू रिसीव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का नहीं अगर नेट प्रॉफिट का क्या जाए तो मैं इसका निकाल देता क्वेश्चन हूं क्वेश्चन प्रॉफिट तो आप एक काम करो सेवन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड ग्यारह हजार सात सौ एड कर दो ये आपका आ रहा है सेवन सिक्स सिक्स सेवन डबल जीरो करके सारी चीजें घटाऊंगा एक घटा तो दो, दो लाख ये घटा दो पचहत्तर हजार ये घटा दो घटाने के बाद इतना बचता है तो मतलब यही आपका डिविजिबल प्रॉफिट होता घटाने के बाद इतना बचता है यह होता लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका आफ्टर कमीशन इसमें से कमीशन नहीं घटा सकते तो दस अपॉन एक दस कर देंगे कमीशन निकल जाएगा ठीक है तो इसका आ रहा है क्लास थ्री फाइव सिक्स जीरो नाइन पैंतीस हजार छः सौ नौ रुपए एक कमीशन आ गया अब इतना तो घटाने के बाद आया ही था सब कुछ थ्री नाइन वन सेवन डबल जीरो है ना इसमें से और घटा दो थ्री फाइव सिक्स जीरो नाइन तो आपका आंसर आ गया थ्री फाइव सिक्स जीरो नाइन वन ठीक है अब ये जो प्रॉफिट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे टू पेपर में से आप सर्कल नहीं बनाओगे तो मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ टू प्रॉफिट अब इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल कहीं भी लिखा नहीं था क्लास तो इसीलिए फिक्स नहीं लिखा था तो प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी तीनों में प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे और इस क्वेश्चन में जो रेशियो है वो कहीं गिवन है क्या ए बीसी पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप पार्टनर्स आर इतना और सैलरी है कमीशन है ये सब चीज बोला हुआ है एक अप्रैल को प्रिपेयर अभी रेशियो कुछ भी नहीं बोला है तो आप एक काम करो इसको बराबर बराबर बांट दो रेशियो कुछ कहा ही नहीं है तो वन वन एट सिक्स नाइन सेवन वन वन एट सिक्स नाइन सेवन वन वन एट सिक्स नाइन सेवन ठीक है तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पूरा फिनिश आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आया होगा एक ही कॉन्सेप्ट बेसिकली कमीशन कॉन्सेप्ट कमीशन क्या है नेट प्रॉफिट में से आप डि डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट यानी ये निकालो ये कैसे निकालोगे उनको जोड़ोगे सब कुछ घटाओगे ये आ गया फिर उसका दस अपॉइंट एक तो सौ आफ्टर कमीशन बोला गया था इसलिए तो दस परसेंटिविजुअल प्रॉफिट है ना ये उसका दस परसेंट देखो ये बन रहा है राइट ये बिल्कुल सही है तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपने बना लिया अगर कहीं गलती होती है किसी एक स्टेप में तो उसी के नंबर कटेंगे सारे नंबर नहीं कटेंगे ओके okay, चलो तो ये लिखा भी था देखो आफ्टर कमीशन ही रहा आफ्टर सच कमीशन तो आफ्टर कमीशन है और किस प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट का नहीं डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट का इसलिए नेट प्रॉफिट में से मैंने सब कुछ घटाया सब कुछ घटाने के बाद उसका टेन अपॉन वन टेन ओके एक टॉपिक की जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे यानी कि वो लोन वो लोन जो क्लास पार्टनर ने फर्म को दिया और वो लोन जो फर्म ने पार्टनर को दिया ध्यान से अच्छे से जरा क्लास समझने की कोशिश करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन को ठीक है सबसे पहले दोनों का डिफरेंस समझते हैं ठीक है ये एक बैलेंस शीट है अच्छे से देखना क्लास तुम्हें तो पूरा समझ आएगा ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ठीक है और ये है क्लास बैलेंस शीट बैलेंस शीट ये है अमाउंट अमाउंट यहां है लाइबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग रखना ताकि तुम्हें बार बार रटना ना पड़े और प्रेशर ना क्रिएट हो दिमाग में आप इसलिए समझ जाओ ठीक है हम जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं बिजनेस की बैलेंस शीट ये ए की बैलेंस शीट नहीं है बी की बैलेंस शीट नहीं है सी की बैलेंस शीट नहीं है ये पूरे फर्म की बैलेंस शीट है ए बी सी तीनों की मिलाकर ये बैलेंस शीट है ठीक है जी सर अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं क्लास ए लोन ए लोन पचास हजार इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब क्या है कि बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी है यानी ये वो लोन है ये वो लोन है जो ए ने दिया है लोन गिवन बाई ए टू फॉर्म ए ने फॉर्म को लोन दिया है ए ने फर्म को लोन दिया तभी तो फॉर्म के लिए लाइबिलिटी है अच्छा अब यहाँ अगर लिखा है क्लास बीज लोन थर्टी थाउजेंड

Okay, आई क्लास दिया बिजनेस को बी को जब यहाँ पे ए ने लोन दिया ए कहता है अगर डीड साइलेंट है तो मुझे इस पे छह परसेंट का इंटरेस्ट पर नाम चाहिए अगर डीड साइलेंट है तो भैया इसको छह परसेंट का इंटरेस्ट चाहिए लेकिन यहाँ पे अगर डीड साइलेंट है तो नो तो इंटरेस्ट no अगर डीड साइलेंट है तो इसको तो छह परसेंट का इंटरेस्ट अपने लोन पे चाहिए ही चाहिए बट यहां पे अगर डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट क्लास इस पार्टनर को क्लास पे नहीं करना है यानी यहां पार्टनर ने लोन दिया इसको ब्याज मिलेगा यहां पार्टनर लोन लिया इसको कोई भी इंटरेस्ट क्लास पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डीड साइलेंट है तो अगर डीड साइलेंट होता है तो किसी पार्टनर ने अगर लोन लिया बिजनेस से तो वो कोई ब्याज नहीं देगा ये दादागिरी से समझ लो पार्टनर की भाई मैं तुमसे लूंगा मैं तुम्हें कोई ब्याज नहीं दूंगा लेकिन हमें हाँ तुमको दूंगा तो तुमसे छह परसेंट का ब्याज लूंगा इस तरीके से समझ समझो इस तरीके से याद रखने की कोशिश करो इसको ठीक है क्लास ये क्लियर हो गई ओके okay. अच्छा ये बिजनेस के लिए खर्चा है तो ये नेट प्रॉफिट से माइनस होगा और ये बिजनेस के लिए कमाई है तो ये नेट प्रॉफिट में एड होगा अभी तो यहाँ पे डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट नहीं है बट कल वो कह दे कि पार्टनर को जो हमने लोन दिया हम छह परसेंट का आठ परसेंट का बारह परसेंट दस परसेंट का ब्याज लेंगे तो लेंगे तो ये नेट प्रॉफिट में प्लस होगा क्योंकि ये खर्चा है ये तो देखो लाइबिलिटी है िटी कर्जा कर्जे पे ब्याज देना पड़ेगा ब्याज देंगे प्रॉफिट तो वो प्रॉफिट को बढ़ाएगा तो यही पे मैंने लिखवाया क्लास अगर डीड साइलेंट है लोन बाय पार्टनर टू फर्म पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो वो छह परसेंट का ब्याज लेगा यहाँ पे लोन बाय फर्म टू पार्टनर फर्म ने पार्टनर को दिया है क्लास तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेकिन तब जब डेढ़ अगर आप डेढ़ में लिख दिया फिर तो जो लिख दिया वही इसका जो इंटरेस्ट है वो नेट प्रॉफिट को कम करता है और इसका इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट को बढ़ाता है अब सारे बच्चे एक फाइनल चीज मेरी बात समझना यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो ए का लोन है माइनस करेगा नेट प्रॉफिट को कम कर देगा क्योंकि ये खर्चा है क्योंकि ये एक्सपेंस है भाई लाइबिलिटी पे क्या होता है एक्सपेंस एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करेगा लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस हो रखा हो नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो रखा हो तो एक्सपेंस प्रॉफिट को तो कम करेंगे क्या लॉस को भी कम कर देंगे नहीं लॉस तो बड़ा, बढ़ जाएगा एक्सपेंस क्या होगा क्लास लॉस जो है वो बढ़ा मान लो लॉस लाख लाख का का था एक का और ब्याज देना पड़ा तो अब लॉस बढ़ के छह लाख का हो जाएगा अब प्रॉफिट का सोचो प्रॉफिट पांच लाख का था एक लाख का इंटरेस्ट देना पड़ा तो प्रॉफिट चार लाख हो गया लेकिन लॉस पांच लाख का था एक लाख का इंटरेस्ट और देना पड़ा तो लॉस और बढ़ गया लॉस छह लाख का हो गया तो आप हमेशा ये ध्यान रखना क्लास की जो एक्सपेंसिस होते हैं वो प्रॉफिट को कम कर देते हैं लेकिन लॉस को बढ़ा देते हैं आ रही है क्लास बात समझ तो ये बात ध्यान रखना चलो एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं अच्छे से और जब भी हम इंटरेस्ट की बात करेंगे जब भी हम इंटरेस्ट की बात करेंगे वो सिक्स परसेंट पर एन होगा जब भी हम क्लास इंटरेस्ट की बात करेंगे वो सिक्स परसेंट पर एन होगा ध्यान रखना पर एन साल का छः है ठीक है राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव दे हैड गिवन लोन टू फर्म थर्टी थाउजेंड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने फर्म को लोन दिया है पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया दोनों ने मिला के तीस हजार का लोन दिया वो भी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव तो थर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट है सॉरी लोन दिया है थ्री बाई फाइव जो ये क्लास बनेगा पांच छः अठारह अट्ठारह हजार का लोन ए ने दिया अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो बारह हजार का बी ने इसने अठारह का लोन दिया एटीन थाउजेंड का इसने दिया ट्वेल्व थाउजेंड का लोन आगे लिखा है Uh, एक अक्टूबर को तो अगर अक्टूबर को लोन दिया तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर मार्च छह महीने क्लास है इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा द पार्टनरशिप डीड ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू पार्टनर फर्म कितना क्लास इंटरेस्ट पार्टनर को देंगे सिंपल सी बात है इसमें रेट कुछ लिखा नहीं है जब रेट नहीं लिखा होता तो ये वो लोन है जो पार्टनर ने दिया है लिया नहीं है दिया है तो छह का इंटरेस्ट लेगा ठीक है तो और कितना है क्लास यहाँ पे अगर मंथ की बात करें तो सिक्स बाई ट्वेल्व अक्टूबर से लेकर मार्च तक छः महीने होते हैं तो अट्ठारह हज़ार का छः परसेंट निकालो और छः महीने का क्लास निकाल लो शॉर्टकट बोलो तो अट्ठारह हज़ार का आपने छः परसेंट की जगह सीधे तीन परसेंट निकाल दो तो आ जाएगा आपका फाइव फोर्टी बारह हज़ार का छः परसेंट छः महीने का मतलब कुलना के भाई

बैट और बॉल पार्टनर्स हैं इनकी रेशियो टू रेशियो थ्री है टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव विद कैपिटल ऑफ वन ट्वेंटी एंड सिक्सटी जो बैट की कैपिटल है वह वन ट्वेंटी और जो बॉल की कैपिटल है वो कितनी है क्लास सिक्सटी थाउजेंड फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बैट एंड बॉल गेव लोन टू थाउजेंड फोर्टी एंड अच्छा बैट ने दिया था दो लाख चालीस हजार का बॉल ने दिया था एक लाख बीस हजार का लोन बैट है फॉर्म टू यूज हिस्स प्रॉपर्टी बैट ने बोला घर की प्रॉपर्टी है उसको यूज करो मुझे मंथली रेंट दे देना पांच हजार अगर एक महीने का रेंट पांच हजार है तो साल भर का रेंट बारह पंचे साठ हजार होगा लॉस फॉर द इंडेड बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट नाइन थाउजेंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अब इन्होंने बोला की जो लॉस है वो लॉस कितने का है क्लास आपका आ, नौ हज़ार रुपये का लॉस है यानी इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ इस बिजनेस में क्या हो गया लॉस हो गया तो करेंगे क्या मेरी बात ध्यान समझना हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे कई बच्चे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी दिखाते हैं वो भी सही है कोई गलती नहीं है उसमें लेकिन इस क्वेश्चन में जो लॉस हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज आप सबको पता है प्रॉफिट यहाँ पे दिखाते हैं बाई Net profit. तो तो पे आएगा. ये का क्लास, debit balance है, ये है. जो है, जो है, यानी कि अब जो जो वो net profit को तो कम करेगा. लेकिन लॉस को थोड़ी कम करेगा प्रॉफिट को कम करता है लॉस को बढ़ाएगा तो यहाँ पे प्लस करोगे क्या इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है यहाँ भी प्लस क्या करोगे दो पार्टनर है तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे और इंटर्सन लोन आप ऐड करोगे एक का कितना है क्लास दो लाख चालीस हज़ार दो लाख चालीस हज़ार है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो आप छः परसेंट निकाल लो और क्योंकि ये अक्टूबर को लोन दिया गया है तो आधा या आएगा सात हज़ार दो सौ एक किसका है क्लास बैट का और ये है क्लास बॉल का ठीक है अब दूसरे का निकालोगे एक लाख बीस हज़ार का छः परसेंट छः महीने का ये बनेगा थर्टी सिक्स हंड्रेड प्लस करोगे एक चीज़ और वो है रेंट अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी दी है यूज करने के लिए और उसका रेंट क्लास उसको मिलता है तो वो भी एक तरीके से क्लास पी एंडल में जाता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा क्लास खर्चा प्रॉफिट को कम करेगा लॉस को बढ़ाएगा और वो कितना है क्लास सिक्सटी थाउजेंड तो अगर मैं चेक करूँ सिक्सटी थाउजेंड प्लस थर्टी सिक्स हंड्रेड प्लस सेवेंटी टू हंड्रेड प्लस नाइन थाउजेंड सेवेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड टोटल जो लॉस हो गया वो सेवेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड का है बाई डिविजिबल लॉस और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर तो आप लिखोगे बाई डिविजिबल लॉस तो टोटलिंग कर लो सेवेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड लिखोगे बाय डिविजिबल लॉस बाय डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ बैट और बॉल

और उसका इंटरेस्ट जो बनता है वो आपने बना दिया क्लास ये दोनों का इंटरेस्ट भाई प्रॉफिट को ही प्रॉफिट अगर होता है यहाँ पे तो दोनों का इंटरेस्ट माइनस होता है बट प्रॉफिट नहीं है इस क्वेश्चन में लॉस है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा रेंट अगर किसी पार्टनर को आपने अगर पे किया रेंट पेड टू पार्टनर तो रेंट किसको दिया है क्लास बैट को तो भाई ये भी नेट प्रॉफिट को कम करेगा लेकिन क्योंकि एक्सपेंस है ये प्रॉफिट को तो कम करेगा बट लॉस है क्लास क्या होगा बढ़ाया जाएगा तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा धीरे धीरे समय आएगा हर एक चीज हर सब कुछ हम लोग अच्छे से करेंगे और इवन अगली क्लास में हम पार्टनर्स कैपल अकाउंट को भी बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे पार्टनर्स कैपल अकाउंट कैसे बनाया जाता है नाउ अतुल जेठा और तारक तीन पार्टनर है क्लास प्रॉफिट शेयर वॉज गिवन लोन बाई द फॉर्म सुनो जेठा को लोन दिया है फॉर्म ने तो लोन फॉर्म ने दिया है लोन किसने दिया है क्लास फॉर्म ने एक जुलाई को यानी नाइन नाइन मंथ का जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर मार्च नौ महीने के लिए उधार दिया गया है और कितने का क्लास यहाँ पे बैलेंस है छह लाख का बुक्स आर क्लोज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च जो किताबें क्लोज हो रही हैं वो कब हो रही हैं क्लास थर्टी फर्स्ट मार्च को कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग केसेस आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है ए और बी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अग्रीड जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ नहीं हो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ नहीं हो हु। और दूसरा वन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज और चार्ज कितना है क्लास टेन परसेंट पर एनम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम का इंटरेस्ट 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 और यहाँ पे रेट रेट ऑफ ऑफ इज नॉट देखो अगर नहीं दे रखा तो नो no इंटरेस्ट क्योंकि आप सबको पता है ये वो लोन है जो पार्टनर ने बिजनेस से लिया है तो पार्टनर कोई ब्याज नहीं देगा अगर आपने डेट में नहीं लिखा तो अगर अग्री नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं पहले केस में और सेकंड केस में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सेकंड केस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जेठा वॉज गिवन लोन छह लाख का क्लास लोन है ये क्वेश्चन कहता है दस परसेंट तो पहले केस में तो भैया कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरे केस में नाइन मंथ्स का आप निकालोगे छः लाख का दस बंध साठ हजार और फोर्टी फाइव थाउजेंड बनेगा साठ को आप सिक्सटी थाउजेंड को बारह से डिवाइड दो क्लास आएगा फाइव फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव तो टोटल फोर्टी फाइव थाउजेंड का क्लास इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी और ये इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा या प्लस होगा मुझे ये आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ देखते हैं क्लास कितने बच्चे सही बता पाते हो पेन लगाउंट ये नेट प्रॉफिट है और ये जो भी इंटरेस्ट आया फोर्टी का मैं इसे ऐड करूँ या लेस करूँ ये आपको बताना है एड या लेस ये जो इंटरेस्ट है ये बिजनेस के लिए कमाई है तो प्लस होगा खर्चा है तो माइनस होगा आपको बताना है कि कमाई है या खर्चा यानी कि ये प्लस होगा या माइनस होगा उम्मीद है क्लास इट लोन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा नाउ मूव टू क्वेश्चन में क्लास फोर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूरे कॉन्सेप्ट को अब तक के ये बिल्कुल खत्म कर देगा साथ में हम इसके पी एंड एल अप्रोपरिएशन अकाउंट भी बनाएंगे ठीक है तो आओ जरा फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपरेशन अकाउंट का बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है काफी कुछ आपको यहां सीखने को मिलेगा एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नाइनटी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हो गया क्लास अमाउंट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट पर्टिकुलर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक है चलो अब जरा इसके बाद एक करिए क्लास क्वेश्चन देखते हैं अतुल और मिथुन दो पार्टनर है क्लास ठीक है अतुल और मिथुन दो पार्टनर है अतुल प्लस मिथुन ठीक है ओके इनकी प्रॉफिट रेशियो है पांच में से तीन हिस्सा अतुल रखता है, दो मिथुन रखता है है दो मिथुन अप्रैल को क्लास उनकी बैलेंस शीट में क्या अकाउंट दे रखा है पांच लाख और छह लाख फाइव लाख एंड सिक्स लाख लोन का अमाउंट है अतुल का क्रेडिट मेरी बात समझना बैलेंस शीट उल्टा चलता है ये हमेशा क्रेडिट होता है ये डेबिट हालांकि लिखते नहीं है इसको लिखना कभी नहीं है लेकिन हाँ बैलेंस शीट में उल्टे बैलेंस होते हैं अतुल का क्रेडिट है तो अतुल का यहाँ दिख जाएगा तीन लाख और मिथुन का

सब रफ कर रहा हूं ठीक है फॉर्म ने मिथुन को लोन दिया फॉर्म ने लोन दिया है किसको मिथुन को तो अगर फॉर्म ने मिथुन को लोन दिया तो भैया इसपे फॉर्म को इंटरेस्ट मिलेगा तो इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा किसपे नेट प्रॉफिट में लॉस में उल्टा हो जाता है ठीक है इट दैट टू अलाउ एंड चार्ज एट परसेंट का क्लास इंटरेस्ट देंगे अगर अतुल को देते हैं तो आठ परसेंट देंगे मिथुन से लेंगे तो भी आठ परसेंट लेंगे पार्टनरशिप रिट प्रोवाइड टू अलाउ इंटरेस्ट कितना है दस परसेंट आप निकाल लोगे फाइव लाख ,00 का टेन परसेंट क्लास ये फिक्सड है अब कल फाइनली राज खुल जाएगा फिक्स का क्या मतलब है ठीक है फिक्स का मतलब आंसर करंट अकाउंट में आएगा फाइव लाख का फिफ्टी थाउंट सिक्स लाख का सिक्सटी थाउजेंड और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्रॉइंग थाउजेंड ये ऑलरेडी तुमको दे रखा है तुमको निकालना कुछ नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया फाइव थाउजेंड मतलब अतुल का फाइव थाउजेंड मिथुन का फाइव थाउजेंड प्रॉफिट बिफोर द गिविंग टू लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड का प्रॉफिट है तो मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाई पेल अकाउंट बाई पे अकाउंट नेट प्रॉफिट टू लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड अब सुनो अब जो लोन यहां पे अतुल ने दिया है तीन लाख का ब्याज क्या होगा अतुल ने लोन दिया है तो भाई बिजनेस को पे करना पड़ेगा माइनस कर दोगे माइनस इंटरेस्ट ऑन अतुल लोन प्लस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन मिथुन लोन ठीक है अब इसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं ठीक है इस पूरे क्वेश्चन में आठ परसेंट का रेट है तीन लाख ,00 का आठ परसेंट कितना बनता है क्लास चौबीस हजार मंथ बाय ट्वेल्व नहीं लगेगा इसमें क्योंकि मंथ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ये ओपनिंग बैलेंस है एक अप्रैल का बैलेंस पूरे साल का ये क्लास इंटरेस्ट जाएगा कितना ट्वेंटी फोर थाउजेंड इसका ट्वेंटी फोर थाउजेंड नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा और इसका दो लाख ,00 का आठ परसेंट सोलह हजार नेट प्रॉफिट को प्लस करेगा ठीक है तो ये माइनस कर दो ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लस कर दोगे सिक्सटीन थाउजेंड तो यानी कि जो अतुल ने लोन दिया था अतुल उसका ब्याज ले रहा है आठ परसेंट तीन लाख का ट्वेंटी फोर है उसको लोन मिल रहा है क्लस कितना 16, uh, 16 रुपीस, 2 ,000 ,000, ये ना दो लाख का आठ परसेंट ये हो गया अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे पांच लाख और छह लाख का कैपिटल है इंटरेस्ट कितना है टेन ठीक है लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है अतुल मिथुन फिफ्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड ठीक है ये हो गया क्लास पाँच लाख का दस परसेंट पचास हजार छह लाख का दस परसेंट साठ हजार ये बनेगा एक लाख दस हजार अतुल मिथुन एक लाख दस हजार ठीक है पार्टनरशिप डेट टू अलाउ इंटरेस्ट क्या टेन परसेंट ड्रॉइंग रखा है दोनों का पांच पांच हजार है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अतुल और मिथुन पाँच पाँच हज़ार है दोनों को ऐड करके आ गया टेन थाउजेंड और अगर मैं इसको देखूं टू लाख ट्वेंटी एट थाउज़ेंड प्लस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फोर टू लाख ट्वेंटी थाउज़ेंड प्लस टेन टू लाख थर्टी थाउजेंड टू लाख थर्टी थाउज़ेंड ये आ गया आपका टू लाख थर्टी थाउज़ेंड माइनस कर देंगे वन टेन या आएगा क्लस वन टेन माइनस कर दोगे टू लाख थर्टी थाउजेंड माइनस वन टेन इट्स वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और इसको हम लोग किस नाम से लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ये डिविजिबल प्रॉफिट है ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट फिक्स लिखा था तो बस इसको करंट अकाउंट कर दो ऑफ अतुल और मिथुन और इनकी जो रेशियो है वो है थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव तो आप इसका कर दो थ्री बाई फाइव ये बनेगा सेवन और टू बाई फाइव करोगे तो बनेगा एट था एट यहाँ पे चीज क्लियर हो गई आई होप कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या रेटमेंट यकीन मानो क्लास बहुत है मोर देन इनफ है इतना समझना इंटरेस्ट ऑन लोन का डेट वाइज कैलकुलेशन करनी है पार्टनर ने लोन दिया उसको ब्याज पार्टनर को मिलेगा और फॉर्म अलग है पार्टनर अलग है तो फॉर्म इंटरेस्ट देना है पार्टनर को माइनस और उल्टा फर्म ने अगर तो लेकिन कैलकुलेट तो 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 करेंगे नोट कर लेना कहीं भी दिक्कत हो तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसको बनाने के मेथड्स क्या क्या हैं सुनो मेरी बात आपने क्लास एलेवेंथ के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा होगा ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट से जी आता था उस जीपी को पी एंड एल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में लिखते थे और इससे निकालते थे नेट प्रॉफिट और इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे आपको याद होगा कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे ड्रॉइंग्स को लेस करते थे एडिशनल कैपिटल को क्लास आप ऐड करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लास आप क्या करते थे माइनस करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप प्लस करते थे ये काम करा है आप लोगों ने नेट प्रॉफिट प्लस प्लस करते थे एडिशनल कैपिटल कैपिटल माइनस और माइनस ड्रॉइंग काम करते थे लेकिन पार्टनरशिप में क्योंकि एक पार्टनर नहीं है पार्टनर तो कई सारे हैं तो उसमें क्लास आप सीधा बैलेंस शीट ना बना के पी एंडल अप्रोप्रिएशन के बाद एक और अकाउंट बनाओगे जिसका नाम है क्लास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट उसका खाता अलग से बनेगा और सब जो ये आप यहाँ पे प्लस माइनस करके निपटा दे रहे हो ना उसके लिए पर्सनली एक अकाउंट बनाओगे जिसका नाम है क्लास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और आज हम उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाना सीखेंगे तो वीडियो एंड तक देखना तुम्हें पूरा समझ आएगा बेहतरीन तरीके से ठीक है चलो नोटबुक निकाल के एक एक करके नोट करना स्टार्ट करो अच्छे से तभी तुम अच्छे से समझ पाओगे जब लिखना स्टार्ट करोगे ठीक है तो मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स तो यार पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए दो मेथड होता है पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा क्या है क्लास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ध्यान समझना क्लास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए दो मेथड्स होते हैं सबसे पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है क्लास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट हियर बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बहुत ध्यान समझना मैं तुम्हें तो ऐसे करा रहा हूं ताकि तुम्हें सीवीटी में भी हेल्प मिले तुम्हें एमसीक्यू में भी हेल्प मिलेगा और सीधे बोर्ड में तो हेल्प मिले ही मिले तो फिक्स बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड यहां पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या रहता है फिक्स रहता है दो अकाउंट बनते हैं इसके अंदर सबसे पहला पार्टनर्स करंट अकाउंट यही रीजन था कि जब जब आपने क्वेश्चन में फिक्स्ड देखा था फिक्स्ड -E तब तब मैंने क्लास पार्टनर्स का किया था क्योंकि में ही है आप दो अकाउंट ओपन करते हो सबसे पहला पार्टनर्स का करंट अकाउंट और दूसरा का में हम दो अकाउंट ओपन करते हैं पहला करंट अकाउंट और दूसरा और क्या होता है क्लास हियर बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हियर बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंजेस फ्लक्चुएट यहां पे चेंजेस का मतलब क्या है क्लास फ्लक्चुएट तो फिक्स मेथड के अंदर क्लास पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो फिक्स रहता है वो चेंज नहीं होता दो अकाउंट बनाए जाते हैं फिक्स का मतलब शुरू में पांच लाख था तो एंड में पांच लाख ही रहेगा फिक्स रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंजेस होगा यहां पे फिक्स पे चेंजेस यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं करंट और कैपिटल और यहाँ पे एक ही एक अकाउंट एक बनता है क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकाउंट ध्यान रखना पार्टनर्स पार्टनर्स का का कैपिटल कैपिटल बनता है है अब सवाल यह फ्लक्चुएटिंग मतलब partners, बढ़ेगा घटेगा प्रॉफिट आ गया तो बढ़ जाएगा लॉस हो गया तो घट जाएगा ड्रॉइंग कर दिया तो घट जाएगा लेकिन यहाँ पे फिक्स रहेगा ये मैथड ही क्या है क्लास फिक्स कैपिटल अकाउंट मैथड यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स रहेगा क्यों यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस नहीं होते यहाँ ड्राइंग और एडिशन कैपिटल नहीं होता होता है लेकिन वो ड्रॉइंग वो एडिशन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में ना जाके वो करेंट अकाउंट के अंदर जाता है इसीलिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या रहता है फिक्स रहता है मैं तुम्हें क्लास अभी फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा ठीक है एक लाइन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां सबसे ज्यादा चांस है एमसीक्यू आने के हर जगह वो ये है क्लास हियर बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस ध्यान रखना और बैलेंस. और बस यही हो सकता है और कुछ नहीं तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मैथड में, में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस या नील बैलेंस नील का मतलब जीरो जीरो तो कुछ भी हो सकता है ठीक है तो क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस दोनों हो सकता है क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हमेशा टू बैलेंस सीडी ही बचेगा और वो निल भी हो सकता है कैसे हो सकता है मैं तुम्हें क्लास अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा अभी के लिए फिलहाल ये लाइन लिख लो ठीक है कि यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस या निल बैलेंस होगा वैसे मोस्टली क्रेडिट ही होता है बट हाँ जीरो भी हो सकता है लेकिन जीरो और क्रेडिट के अलावा और कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है समझिए क्लास बात को तो इन केस ऑफ़ कैपिटल अकाउंट अकाउंट मेथड हम दो बन, बनाते हैं क्लास पार्टनर्स का करंट अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ठीक है और यहाँ पे जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है क्लास क्रेडिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा दैट्स इट और कुछ नहीं ठीक है चलो अब आते हैं क्लास आपने कर लिया अब है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं फॉर्मेट बहुत सिंपल है आप लोगों ने पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा होगा बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो जो पेन पीड्रोपरेशन में डेबिट लिखा था आप यहां पे क्रेडिट लिखोगे जो जो पीड लैप्रोपरेशन में क्रेडिट लिखा था आप यहां पे डेबिट लिखोगे बस और कुछ नहीं तो आओ एक करके क्लास बनाते हैं सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड का जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हो बस दो चीजें एक्स्ट्रा लिख लो बाकी अप्रोप्रिएशन में जो डेबिट था उसको कर देना क्रेडिट अप्रोप्रिएशन में जो क्रेडिट था इसको कर देना डेबिट तो सबसे पहले आप यहां लिखोगे बाई बैलेंस बी डी वाई बैलेंस बी डी ये ओपनिंग कैपिटल है ध्यान समझना ये क्या है क्लास ओपनिंग कैपिटल साल के शुरू में पार्टनर्स की जो कैपिटल दे रखी होगी आपको वो क्लास आपका ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे आ गया ठीक है नेक्स्ट है टू ड्रॉइंग्स प्राइवेट यूज के लिए जो आपने पैसे विड्रॉ किए हैं क्लास उसको हम लोग क्या बोलते हैं ड्रॉइंग्स आप लिखो ओपनिंग कैपिटल यहां पे और ड्रॉइंग्स साल भर में जो विड्रॉ किया है तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा तुम्हें दो चीजें लिख लेनी है ठीक है इन केस ऑफ फिक्स मेथड, फिक्स मेथड के अंदर जो आपको कैपिटल अकाउंट बैलेंस है आप लिखो एक बार क्लास इसको लिखो तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सबसे पहले आप लिखते हो बाई बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस और टू ड्राॅइंग्स ये आपने अपने आप कर ही देना है ठीक है दो चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगे वो अब सुनो जो जो अप्रोप्रिएशन में डेबिट था आप क्लास यहाँ पे क्रेडिट डालोगे जैसे सबसे पहले अप्रोप्रिएशन में क्या लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लिख दोगे आप यहाँ पे मेरी बात समझ गे? आई क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दोगे इसके अलावा क्या था यहाँ पे सैलरीज तो सैलरी लिख दोगे जो जो फॉर्मेट कॉपी में लिख के लर्न करना अच्छे से तुम सारे बच्चे सीधे क्वेश्चन पे जब मत करना पहले इसको समझना अच्छे से ये समझ आ जाएगा तभी क्वेश्चन पे चलना ठीक है तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया यहां से उठा के अप्रोप्रियशन में लिख दिया सैलरी लिख दिया जिसकी है जिसका जिसका है उसके डब्बे में डाल देना उसके कॉलम में डाल देना ठीक है नेक्स्ट है क्लास कमीशन आप बाय कमीशन लिखोगे जिसका कमीशन है उसमें लिख देना नहीं है तो मत लिखना क्लास कमीशन कमीशन के बाद रिजर्व्स यहां पे नहीं आता क्या आपने अकाउंट बनाते वक्त रिजर्व लिखा था ए बी करके पार्टनर को बांटा था रिजर्व नहीं सिर्फ प्रॉफिट से सेट असाइड कर दिया था आपने उसको क्या अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था तो रिजर्व नहीं आता है अप्रोप्रिएशन से बाकी जिन दिन के नाम के नीचे ए बी लिखा है ना वो सब आएगा बाई डिविजिबल प्रॉफिट्स वो भी क्लास यहाँ पे लिख दोगे ए और बी में ठीक है इसके अलावा उधर साइड क्या क्या था दो ही चीजें थी सबसे पहला था नेट प्रॉफिट तो क्लास आप लिखोगे नहीं नेट प्रॉफिट के नीचे ए बी नहीं लिखा है जिस जिसके नीचे ए बी है सब लिखना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसके अलावा क्लास आप लिखोगे इंटरेस्ट ड्रॉइंग हो गया टू डिविजिबल लॉस अगर कोई है तो देखो प्रॉफिट या लॉस एक ही चीज होगी डिविजिबल लॉस आप यहाँ पे लिख दोगे मेरी बात समझ आई आपने क्या करा मुझे बताओ फटाफट जरा देखो तुम्हें तो अभी याद हो चुका है Opening balance लिखा drawing लिखा Appropriation में जो debit था उसको कुछ नहीं इसके अलावा अगर आपने ध्यान सुनना अगर आपने साल के बीच में कुछ और पैसे लगा दिए तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल आपने साल के बीच में कुछ और पैसे लगा दिए तो वो हो गया क्लास आपका एडिशनल कैपिटल और अगर क्लास आपने टू बैंक करके कुछ विड्रॉ कर लिया तो उसको आप लोग क्या बोलोगे विड्रॉन ऑफ कैपिटल विड्रॉन ऑफ कैपिटल तो ये हो गया क्लास आपका एडिशनल कैपिटल और ये क्या हो गया क्लास आपका विड्रॉन ऑफ कैपिटल ये हो गया सारा का सारा दैट्स इट और यहाँ पे कुछ भी नहीं है अब आप इसकी करो टोटलिंग और टोटलिंग करने के बाद यहाँ जो भी आपका क्लास बैलेंस बचेगा ये हो गया क्लास आपकी टोटलिंग यहां जो भी आपका बैलेंस बचेगा उसको बोलते हैं टू बैलेंस सीडी बच्चों आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता ये जो टू बैलेंस सीडी है इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस क्या होता है क्लास ये क्रेडिट बैलेंस और सुनो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मैथड में कॉपी में लिख लेना अपनी भाषा में एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में अपनी जो भी रीजनल लैंग्वेज है लिख लेना की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मैथड में आपका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और अगर ये साइड बड़ी है तो बाई बैलेंस सी डी इधर भी बैलेंस बच सकता है इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस है ये क्रेडिट साइड

जो जो अप्रोपरेशन में डेबिट था सब क्रेडिट जो जो अप्रोपरेशन में क्रेडिट था डेबिट इसके अलावा एडिशनल कैपिटल आपने और पैसे लगाए विड्रॉ ऑफ कैपिटल आपने यहाँ पर लगाया सीधी सी बात है अगर एक्स्ट्रा पैसे लगाओगे तो ये कैपिटल अकाउंट है ये सब प्लस होता है इधर माइनस आपने पढ़ा भी होगा कभी कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है इलेवंथ में ही मैंने पढ़ा रखा है आपको कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो बढ़ेगा तो प्लस क्रेडिट घटेगा तो माइनस डेबिट आई बात समझ क्लास आई होप आप लोगों को ये कैपिटल अकाउंट समझ आ गया अब आते हैं फिक्स मैथड तो फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं क्लास इन केस ऑफ फिक्स अकाउंट मेथड टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। सबसे पहला करेंट अकाउंट और दूसरा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाई बैलेंस बी डी ये क्या है क्लास ओपनिंग कैपिटल सॉरी सॉरी हाँ ओपनिंग कैपिटल मत लिखो ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस और ये ओपनिंग बैलेंस किसका है बेटा करंट अकाउंट का ठीक तो है, है तो बाई बिंग अगर आप देखो ना फिक्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाया था ठीक है फिक्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाया था करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग का जो बना रहे हो ना हू बहू सेम कट कॉपी पेस्ट में तो मैं दिखाता हूं बिल्कुल सेम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो गया बस ये ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का है और वो ओपनिंग बैलेंस किसका था क्लास कैपिटल अकाउंट का था ओपनिंग कैपिटल वो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का था ओपनिंग बैलेंस करंट का है और कुछ नहीं ठीक है बाकी सारी चीजें सेम लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा यहाँ पे सैलरीज भी आएगा यहाँ पे सब कुछ सेम लिखते चलो बिल्कुल सेम कुछ फर्क नहीं है कमीशन भी आएगा जिसका जितना कमीशन है उतना कमीशन लिख दोगे ठीक है इसके अलावा क्लास डिविजिबल प्रॉफिट्स डिजिबल प्रॉफिट वो आप यहां लिख दोगे इधर साइड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर साइड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डिविजिबल लॉस डिजिबल लॉस ठीक है हर चीज बस आपने एडिशनल कैपिटल और विड्रॉफ कैपिटल को नहीं लिखना रीजन में तुम्हें बाद बताऊंगा क्यों लिखना ठीक है अब आप इसको जोड़ो अब ध्यान से सारे बच्चे समझना यहीं से क्लास एम सी क्यू आ जाता है और बच्चे गलती कर बैठते हैं कभी तुम भूलोगे नहीं आज की बात इसका बैलेंस हमेशा और हमेशा टू बैलेंस सी डी ही रहेगा यही मैंने आपसे कहा था एक सेकंड एक सेकंड नहीं नहीं इसका नहीं इसका नहीं इसका बैलेंस क्लास टू बैलेंस सी डी भी हो सकता है और यहाँ पे बाई बैलेंस सी डी भी हो सकता है ये डेबिट बैलेंस है यानी आप क्या समझ रहे हो फिक्स का करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम कुछ भी अंतर अंतर सिर्फ इतना है ओपनिंग बैलेंस वहां पे कैपिटल अकाउंट था तो कैपिटल अकाउंट का होता था यहां पे आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का है एक बात और कि यहां पे एडिशनल कैपिटल और विड्रोन कैपिटल आ जाता था क्योंकि एक ही अकाउंट है सब कुछ ही लिखना है लेकिन फिक्स मेथड में दो अकाउंट है तो जो एडिशनल कैपिटल है और विड्रो ऑफ कैपिटल क्लास वो दूसरे अकाउंट में आएगा मैं तुम्हें दिखाता हूं अभी तो ये बिल्कुल सेम यानी कि फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल और फिक्स का करंट अकाउंट बिल्कुल सेम अब फिक्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखना तो का कैपिटल अकाउंट कुछ ऐसे बनता है ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बी डी ये हो गया ओपनिंग बैलेंस ठीक है और जो ओपनिंग बैलेंस है सेम वही हमेशा जो होगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा दैट्स इट खत्म तो जो ओपनिंग बैलेंस है क्लास वही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस हमेशा तभी तो फिक्स मेथड है यहां पे बैलेंस चेंज ही नहीं होगा जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग है लेकिन हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग के बराबर नहीं होगा दर इज वन एक्सेप्शन अगर किसी ने साल के बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल लगा दिया एडिशनल कैपिटल बाई एडिशनल कैपिटल तो कैपिटल बढ़ जाएगा और विदड्रॉ कर दिया तो तो क्लास घट जाएगा दिस इज कॉल्ड विदड्रॉन ऑफ कैपिटल ठीक है विदड्रॉन ऑफ कैपिटल अगर आपने साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लगाया तो आप जो है बाई बैंक करके लिख दोगे और अगर विदड्रॉन ऑफ कैपिटल लगाया आपने तो टू बैंक करके आप इसको लिख दोगे विड्रॉ ऑफ कैपिटल तो ये हो गया क्लास आपका और हमेशा और हमेशा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स मेथड में ये क्या है क्लास फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा ये जीरो हाँ आ सकता है या फिर क्रेडिट होगा इधर कभी बैलेंस नहीं आएगा क्यों रीजन क्या ध्यान समझना अगर मान लो मेरी कैपिटल है पांच लाख की साल में मैंने कुछ निकाला नहीं कुछ विड्रॉ नहीं किया तो मेरा आंसर कितना आएगा पांच लाख आएगा मान लो मैंने लगा दिया तीन लाख अब हो गया आठ लाख बच्चों लाख ओपनिंग कैपिटल था तीन लाख और लगा दिए हो गया आठ लाख मैं मैक्सिमम कितना विद्रॉ कर सकता हूं अगर मेरी कैपिटल आठ लाख की है तो मैक्सिमम मैं आठ लाख विड्रॉ करूंगा तो मेरा बैलेंस जीरो हो जाएगा क्या मैं आठ लाख में से नौ लाख विद्रॉ कर सकता हूं एक गुल्लक लो उसके अंदर डालो सौ रुपए क्या एक निकाल सकते हो उसमें से कभी नहीं सौ डालोगे सौ ही निकलेगा तो अगर जो पांच लाख था तो पांच लाख ही निकाल सकते हो तीन और डाल दिया एट लाख हो गया एट लाख ही विद्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम तो ये क्लास जो बैलेंस आएगा वो आएगा टू बैलेंस सीडी और कैसा बैलेंस है क्लास ये क्रेडिट बैलेंस है ये डेबिट साइड बट जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है क्लास क्रेडिट बैलेंस तो ये हो गया क्लास आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट फिक्स मैथड फ्लक्चुएटिंग मैथड पूरी तरीके से आपको समझ आ गया मैं फिर से एक बार माइंड मैप बना देता हूँ फिक्स फ्लक्चुएटिंग फिक्स में दो अकाउंट करंट कैपिटल करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है डेबिट क्रेडिट नील कुछ भी हो सकता है कैपिटल अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट या नील बैलेंस होगा करंट कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग में उसका बैलेंस कुछ भी हो सकता है डेबिट क्रेडिट नील कुछ भी हो सकता है बाकी अप्रोपरेशन डेबिट आइटम को क्रेडिट साइड उतारो अप्रोपरेशन क्रेडिट आइटम को डेबिट साइड उतारो शुरू में ओपनिंग बैलेंस क्लास टू बाय बैलेंस बीडी और टू ड्रॉइंगस होगा करंट अकाउंट फिक्स मैथड का फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम है बस एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल जो है क्लास हम लोग अलग से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट मैक्सिमम यही है फिक्स का इससे बड़ा नहीं हो सकता और जनरली क्लास इससे छोटा ही होता है और यही है आपका क्लास मैथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैथड सीख लिया आई होप आप लोगों ने अच्छे से फॉर्मेट को दिमाग में बिठा लिया होगा नाउ मूव टू क्लास अब हमने ये पूरा सीख लिया है तो हम चलते हैं क्लास एक क्वेश्चन पे और ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन बनाते हैं और आप लोग डेफिनेटली क्लास बनाओगे आप मैं हट रहा हूँ यहाँ से आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करो और एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को अप्रोपरेशन में उतारो प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोपरेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ गाँ पार्टनर इसको फटाफट कॉपी में नोट करो ठीक है चलो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं इनकी कैपिटल है एक लाख तीन लाख तीन लाख तीन तीन छः सात लाख कैपिटल होगी इट वॉज डिसाइडेड टू इंडस्ट कैपिटल टेन परसेंट तो इंटरसमन कैपिटल टेन परसेंट है अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी एक लाख है इसका बनेगा दस हजार तीन लाख का तीस हजार तीन लाख का तीस हजार इंटरेस्ट कैपिटल आ गया आपका सेवेंटी थाउजेंड ठीक है ये हो गया ए वुड गेट अ सैलरी टेन थाउजेंड पर क्वार्टर सैलरी टेन थाउजेंड पर मंथ नहीं है पर क्वार्टर है और साल में होते हैं चार क्वार्टर एक क्वार्टर मतलब तीन महीने की दस तो बारह महीने होते हैं चालीस हज़ार हो गया सैलरी ठीक है बी को मिलेगा कमीशन पाँच ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन बी वुड रिसीव कमीशन फाइव परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर रीडिंग कमीशन करेंगे हम अभी टेन परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नलिजर्म ड्राॅइंग विद पार्टनर एक ही पाँच हज़ार है बे ही तीन हज़ार है इंटर ड्रॉइंग छः परसेंट है कहीं भी डेट दिया नहीं है जो छः महीने का निकालेंगे बिफोर अव द आइटम व टेकन इन टू अकाउंट नेट प्रॉफिट जो है वो नौ लाख का नेट प्रॉफिट है लिखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट जो है वो कितने का है क्लास नौ लाख का नेट प्रॉफिट है अब यहाँ लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब 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 तो खैर पता ही होगा आपको सारी चीज़ें कहाँ कहाँ लिखनी है आप कैपिटल अकाउंट देखो कितना आसान है तुमको मैं दिखाऊंगा अभी ए बी सी ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द अच्छा यहाँ पे क्लास ए और ये क्लास ए और बी का ही आपको दे रखा है इस क्वेश्चन को ठीक करो ड्रॉइंग तो पार्टनर्स ड्रिंग द ईयर एंड एंड पाँच हज़ार तीन हज़ार पाँच हज़ार ए का है तीन हज़ार बी सी का नहीं है क्लास ओनली ए और बी की ड्राइंग है फाइव थाउजेंड और थ्री थाउजेंड तो आप इंटरेस्ट ड्रॉइंग कैसे निकालोगे? डेट गिवन नहीं है तो छः महीने का निकालना है फाइव थाउजेंड का सिक्स परसेंट छः महीने का बनेगा वन फिफ्टी वन फिफ्टी क्लास वन फिफ्टी ए बी का ही है ए का आ गया वन फिफ्टी और बी का कितना है क्लास थ्री थाउजेंड का सिक्स परसेंट छः महीने का आएगा नाइन्टी ये आएगा 90 तो ये टू फोर्टी प्लस नब्बे क्या कह रहा था आपको पता है टेन परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट नौ लाख का है नौ लाख का टेन परसेंट नब्बे हजार अभी हम बहुत क्वेश्चन और बनाएंगे आगे चल के ये तो बस आज आपने फॉर्मेट देखा है ना उसको पुट करना सिखा रहा हूं बस आगे लिखा बी को कमीशन मिलेगा फाइव परसेंट किसका है? नेट प्रॉफिट का आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन तो नेट प्रॉफिट है नौ लाख का ये बी को मिलेगा नेट प्रॉफिट है नौ लाख का फाइव परसेंट आफ्टर कमीशन है तो फाइव अपॉन वन जीरो फाइव तो नाइन लाख ,00 का फाइव अपॉन वन जीरो फाइव इट्स फोर टू एट ठीक है बयालीस हजार आठ सौ सत्तावन फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सेवन गया रिजर्व हो गया बस सारी चीजें खत्म अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो गिवन नहीं है कि एबीसी किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो क्लास आपने इक्वली इसको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट कर देना इक्वली तो ये हो गया नाइन लाख टू फोर्टी नाइन लाख फोर्टी नाइन लाख टू फोर्टी माइनस करेंगे माइनस करेंगे फोर्टी थाउजेंड माइनस करोगे सेवेंटी था आएगा सिक्स फाइव सेवन थ्री एट थ्री और इसको हम लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू और क्योंकि ये फिक्स मेथड अच्छा सुनो कई बार क्या होता है बच्चों सर अगर मेथड का पता पता ना हो कौन सा मेथड है ठीक है अगर मेथड का पता ना हो कौन सा मेथड है यूज फ्लक्चुएटिंग इफ क्वेश्चन इज साइलेंट यूज फ्लक्चुएटिंग मेथड लिख लो शुरू में ही जहां आपने लिखा था इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अगर आपको क्वेश्चन साइलेंट दे रखा है क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है तो हमेशा क्लास आप फ्लक्चुएटिंग मेथड ही मानोगे वही के एक ही अकाउंट बनाओ करंट अकाउंट और फिक्स तब तक नहीं मानोगे जब तक फिक्स दिया ना हो तो हमारे इस क्वेश्चन में तो कहीं भी लिखा नहीं था कि वो फिक्स मेथड है तो हम उसे फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे और सारी चीज़ें करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे करंट में नहीं भेजना ए बी सी ए का है टू वन नाइन वन टू एट टू वन नाइन वन टू एट टू वन नाइन वन टू सेवन एक को एक रुपये कम दे दो ताकि जो अमाउंट बैठ जाए वो इतना बैठ जाए ठीक है डन क्लियर है क्लास यहाँ पर एट्टी क्लियर हो गया यहाँ तक बना लो अप्रोपरीशन अगर अप्रोपरीशन बन गया ना फिर कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं है अप्रोप्रेशन की मेहनत है अगर आपने अप्रोप्रेशन बनाया फिर कैपिटल अकाउंट में कोई जान नहीं है बहुत आसानी से कैपिटल अकाउंट बन जाएगा कुछ भी नहीं है उसमें देखो फॉर्मेट बनाते हैं ए बी सी तो ये हमने ऑलरेडी बना रखा है फॉर्मेट यहाँ लिखोगे सबसे पहले ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स ए की बी की थी ए की पाँच हज़ार बी की तीन हजार थी सी की ड्रॉइंग थी नहीं बाई बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस था एक लाख मैंने कहा था ना दो चीज़ें एक्स्ट्रा लिख दो बस ये दो चीजें बस आप एक्स्ट्रा लिख दो बाई बैलेंस बी हो गया और टू ड्राइंग्स हो गया बस आपने दो चीजें एक्स्ट्रा लिखनी है अब इसके बाद जो जो डेबिट 150 90 150 और 90 यह टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब यहां पे लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे क्वेश्चन में था टेन परसेंट और हमने ऑलरेडी निकाल रखा है टेन परसेंट इंडस्टन कैपिटल निकाल रखा है विच इज़ टेन थाउजेंड थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड ठीक है इंडस्टन कैपिटल हो गया इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे इंडस्टन कैपिटल के बाद सैलरीज फोर्टी थाउजेंड बाई सैलरीज सैलरीज फोर्टी थाउजेंड सैलरीज जो है वो फोर्टी थाउजेंड का है किसका था क्लास ए का था ना ए की सैलरी फोर्टी थाउजेंड बी की सैलरी कुछ है ही नहीं कमीशन ए का नहीं है कमीशन किसका है क्लास यहाँ पे बी को मिलता है कमीशन बी था ना बी को कमीशन मिलेगा फाइव परसेंट बी को मिलेगा क्लास कमीशन जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है फोर टू एट फाइव सेवन फोर टू एट फाइव सेवन कमीशन मिलेगा कमीशन बी को मिल गया इसके बाद क्या क्लास सैलरी और कमीशन हो गया डि प्रॉफिट टू वन नाइन वन टू एट टू वन नाइन वन टू एट टू वन नाइन वन टू एट टू वन नाइन वन टू सेवन तो ये आएगा बाय डिविजिबल प्रॉफिट्स ठीक है तो अब लिख देते हैं क्लास यहां पे टू बैलेंस सीडी चलो आप देखते हैं कितना कितना आ रहा है हमने ओपनिंग गैप लिख दिया ड्राइंग इंटरेस्ट ड्राइंग लिख दिया बस और कुछ भी नहीं बचा सैलरी कमीशन हो गया रिजर्व कहीं आता नहीं देखो ये जो रिज़र्व है और ये जो नेट प्रॉफ़िट है ये कहीं नहीं जाएगा बस ठीक है टोटलिंग कर लो आंसर आ जाएगा एक लाख वन लाख टेन थाउजेंड प्लस फोर्टी टू वन नाइन वन टू एट टू वन नाइन वन टू एट यह आएगा थ्री सिक्स नाइन वन टू एट थ्री लाख सिक्सटी नाइन थाउजेंड वन टू एट माइनस कर दोगे फाइव थाउजेंड और वन फिफ्टी यह आएगा थ्री सिक्स थ्री नाइन सेवनटी एट थ्री लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड नाइन सेवेंटी एट ठीक है ये हो गया तीन लाख तीस हज़ार फोर टू एट फाइव सेवन टू वन नाइन वन टू एट टू वन नाइन वन टू एट ये आएगा आपका फाइव नाइन वन नाइन एट फाइव फाइव नाइन वन नाइन ऐट फाइव माइनस करोगे तीन हजार माइनस करोगे नब्बे तो ये आ गया फाइव ट्रिपल एट नाइन फाइव फाइव ट्रिपल एट नाइन फाइव ये हो गया तीन लाख तीस हजार प्लस करोगे टू वन नाइन वन टू सेवन तो यह आएगा फाइव फोर नाइन वन टू सेवन ठीक है एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ये दो लाख उन्नीस हजार प्रॉफिट कुछ ज्यादा था क्या जो दो लाख कुछ आ रहा है सिक्स लाख फिफ्टी सेवन थाउजेंड हाँ ठीक है थ्री एटी थ्री ना अब ठीक है फाइव फोर नाइन वन टू सेवन फाइव फोर नाइन एक बार आप चेक कर लें क्लास कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो फाइव फोर नाइन वन टू सेवन फाइव फोर नाइन उसेंड ठीक है तो इस तरीके से क्लास आपका कैपिटल अकाउंट बन गया मतलब अगर आपने अप्रोपरेशन अकाउंट सही बनाया तो कैपिटल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है बस आपने क्रॉस ट्रांसफर करना है जो डेबिट है उसे जो अप्रोप्रेशन में क्रेडिट है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट आएगा जो अप्रोपरेशन डेबिट है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आएगा बस इतना ही है इससे ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है ए बी दो पार्टनर्स है इनका रेशियो है क्लास थ्री रेशियो वन फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2022 को उनकी कैपिटल है एक की पाँच लाख की तीन लाख ड्यूरिंग द ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री द फर्म ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ पांच लाख साल के एंड में प्रॉफिट कमाया पाँच लाख का द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर इट इज कैपिटल जो है वो छः परसेंट पर है नमें ए विल गेट कमीशन टू परसेंट और नेट सेल्स ए को जो कमीशन मिलेगा वो नेट सेल का टू परसेंट तो कहीं ना कहीं नीचे सेल दिया होगा नेट सेल

और आफ्टर कमीशन है तो रेट अपॉन ऑन हंड्रेड प्लस रेट यानी उसका कमीशन भी क्या कर दोगे माइनस कर दोगे और ड्राइंग दे रखी है क्लास ए की अस्सी हजार बी की साठ हजार और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहां कहीं भी नहीं गिवन है तो यहां से आपको एक बात सीखने को मिली कि कब कभ, जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट गिवन ना हो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना अगर तुम्हें रेट गिवन ही नहीं है तो तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे आफ्टर कंसिडरिंग दैक्ट यू हैव टू रिकॉर्ड प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिय

ऑन कैपिटल तो इंटरसन कैपिटल लिखो ए का और बी का तो ए की जो कैपिटल है वो है पांच लाख बी की है तीन लाख फाइव थ्री सिक्स परसेंट तो फाइव लाख का सिक्स परसेंट कितना बनेगा यहाँ पे थर्टी थाउजेंड और ये वन एट्टी एटीन थाउजेंड ना थर्टी थाउजेंड और ये एटीन थाउजेंड टोटल क्लास बनता है फोर्टी एट थाउजेंड ठीक है इंटरसन कैपिटल के बाद सैलरीज जो सैलरीज मिल रही है वो किसको मिल रहा है क्लास बी विल गेट अ सैलरी फाइव थाउजेंड पर मंथ एक महीने की जो है वो पाँच हज़ार है टू कमीशन कमीशन किसको मिल रहा है नाम लिखो क्लास ए को मिलता है कमीशन सिक्सटी थाउजेंड ए को मिलता है क्लास कमीशन कमीशन कितना है सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अच्छा अब जो बी को कमीशन मिलेगा वो नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस माइनस कर दो सब कुछ माइनस कर दो सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचेगा फिगर उसका तुम्हें पांच अपॉन एक सौ पांच करना है ठीक है तो टोटलिंग करते हैं यहाँ पे टोटलिंग आएगा पांच लाख टोटलिंग है फाइव लैक्स टोटलिंग है फाइव लैख फाइव लाख में से सब कुछ हम माइनस करते हैं अब बताओ जरा क्लास कितना आएगा सब कुछ माइनस कर दो फाइव लाख में से सबसे पहले इंटर कैपिटल घटा दो जो कि फोर्टी एट थाउजेंड का है कमीशन घटा दो यह आएगा थ्री लाख थर्टी टू थाउजेंड और जो कमीशन बी का मिलेगा कमीशन बी का जो मिलेगा वो कितना मिलेगा थ्री लाख थर्टी टू थाउजेंड का फाइव अपॉन वन जीरो फाइव ठीक है फाइव अपॉन वन जीरो फाइव इट्स वन फाइव एट वन जीरो यानी कि पंद्रह हजार आठ सौ दस फिफ्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड टेन ये कमीशन आ गया मैं कमीशन फिर से रिपीट करता हूं बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में अगर देखने को मिलता है नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस घटा दो उसका खुद का कमीशन भी घटा दो उसके बाद जो बचता है क्लास आप उसका क्या कर दोगे पांच अपॉन एक सौ पांच ठीक है पाँच अपॉन एक सौ पांच तो ये क्लास आएगा वन फाइव एट वन जीरो अब ये हो गया क्लास पांच लाख इसमें से घटा देंगे फोर्टी एट थाउजेंड उसमें से घटा दो साठ हजार फिर घटा दो साठ हजार पंद्रह हजार आठ सौ दस तो ये जो बनेगा थ्री वन सिक्स वन नाइन जीरो कितना आएगा थ्री लाख सॉरी थ्री वन सिक्स वन थ्री लाख सिक्सटीन थाउजेंड वन नाइन्टी थ्री वन सिक्स वन नाइन जीरो ठीक है अब आंसर क्लास यहाँ पे आएगा जो आएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू अब इसमें फिक्स्ड कैपिटल तो कहीं लिखा नहीं था कि इनकी फिक्स्ड कैपिटल है तो आंसर आप कैपिटल में भेजोगे टू कैपिटल अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी और रेशियो कितने क्लास थ्री रेशियो वन तो थ्री बाई फोर सेवन नाइन जीरो फोर एट सेवन नाइन जीरो फोर एट और इसका आएगा टू थ्री सेवन वन फोर टू ठीक है टू लाख थर्टी सेवन थाउजेंड वन फोर्टी टू सेवेंटी नाइन थाउजेंड फोर्टी एट ये आ गया क्लास आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट अगर एक बार आपका प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट बन गया तो यकीन मानो कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं है सिर्फ क्रॉस ट्रांसफर करना है ठीक है बनाओ वीडियो पॉज करके पेन लापर ऑपरेशन अकाउंट चलो अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल है पाँच लाख और तीन लाख और आपको ड्राइंग्स दे रखा है अस्सी साठ फाइव लाख थ्री लाख ड्राइंग्स आपको दे रखा है एट्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड और कैपिटल दे रखा है फाइव लाख थ्री लाख तो ये हो गया फाइव लाख ये हो गया थ्री लाख ठीक है तो यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस बी डी ओपनिंग कैपिटल यहां पे आएगा टू ड्राइंग्स ठीक है ओपनिंग बैलेंस हो गया ड्राइंग हो गया इसके अलावा इधर सारी चीजें लिखो जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई सैलरीज बाई कमीशन हर एक चीज जो अप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखा है उसको सब यहां पे क्रेडिट में लिखना है बाई डिविजिबल प्रॉफिट्स बाई डिविजिबल प्रॉफिट ठीक है तो बाई सैलरीज बाई कमीशन बाई डिविजल प्रॉफिट यहाँ पे तो और कुछ आएगा ही नहीं है ना कमीशन तो जो था क्लास यहाँ पे ए का कितना था ए का था सिक्सटी थाउजेंड और सैलरीज कितनी थी सैलरी बी की साठ हजार है सैलरी ए बी का साठ हजार इंटरेस्ट कैपिटल कितना है थर्टी थाउजेंड और एटीन थाउजेंड ठीक है तीन लाख का छः परसेंट एटीन थाउजेंड पाँच लाख का छः परसेंट तीस हज़ार ठीक है सैलरी ए की तो है ही नहीं सैलरी बी की थी और कमीशन दोनों का था तो कमीशन आपने ए का लिखा सिक्सटी थाउजेंड बी का वन फाइव एट वन ज़ीरो बी का कमीशन आएगा वन फाइव एट वन जीरो प्रॉफिट आपको लिखना पड़ेगा टू थ्री सेवन वन फोर टू टू थ्री सेवन वन फोर टू टू थ्री सेवन वन फोर टू सेवन जीरो फोर एट सेवन नाइन ज़ीरो फोर एट ठीक है तो आप इसकी टोटलिंग कर लो और आपका आंसर आ जाएगा ये हो गया क्लास कंप्लीट क्वेश्चन मतलब आप इसे छः नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हो सिक्स मार्क्स तक का क्वेश्चन है ये तो ये हो गया फाइव लाख थर्टी थाउजेंड प्लस सिक्सटी थाउजेंड टू थ्री सेवन वन फोर टू टू थ्री सेवन वन फोर टू यह आएगा एट टू सेवन वन फोर टू एट टू सेवन वन फोर टू एट टू सेवन वन फोर टू माइनस करोगे एट्टी थाउजेंड सेवन फोर सेवन वन फोर टू ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है इसको लिखते हैं टू बैलेंस सी ठीक है ये आपका आ गया क्लोजिंग बैलेंस अब इसकी टोटलिंग देखते हैं ये हो गया थ्री लाख एटीन थाउजेंड प्लस सिक्सटी प्लस पंद्रह हज़ार आठ सौ दस सेवन नाइन ज़ीरो फोर एट सेवन नाइन जीरो फोर एट यह आएगा फोर सेवन टू एट फाइव एट यह आएगा फोर सेवन टू एट फाइव एट माइनस करोगे सिक्सटी थाउजेंड फोर वन टू एट फाइव एट ये हो गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो इस तरीके से इसमें एक चीज ड्राइंग्स एक्स्ट्रा आई बाकी सारी चीजें क्लास क्रॉस ट्रांसफर और कुछ इस क्वेश्चन में था नहीं तो इस हिसाब से मेरी तरफ से क्वेश्चन क्लास हो गया कंप्लीट आई होप आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन अली बहादुर दो पार्टनर है रेशियो है अली का सेवेंटी बहादुर का थर्टी तो सेवेंटी बाई हंड्रेड थर्टी बाई हंड्रेड कुल मिला के रेशियो कितनी आ गई सेवन रेशियो थ्री इनकी कैपिटल क्लास आगे पच्चीस हजार बीस हजार ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड पार्टनर सर अलाउड कैपिटल कितना है इंडस्ट्री कैपिटल फाइव परसेंट ड्रॉइंग फॉर द पार्टनर ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इकतीस मार्च ड्रॉइंग जो दे रखी है क्लास आपको दे रखिये थर्टी फाइव और ड्रॉइंग के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में इस क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा द पार्टनर्स अलाउड इंटरेस्ट दे रखा इंटरस्ट कैपिलसेंट ड्रॉइंग दे रखा है क्लास पैंतीस सौ पच्चीस सौ लेकिन इंटरेस्ट ड्रॉइंग के बारे में कुछ नहीं बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर सैलरी है बहादुर कितनी तीन हजार इन सबसे पहले का प्रॉफिट है चालीस हजार टेन परसेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व जो भी डिविजल प्रॉफिट आएगा उसका टेन परसेंट रिजर्व में डाल देंगे प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बहुत ही सिंपल हर देखो यार किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है इंटरस्टन लोन मिल सकता है इंटरस कैपिटल इंटरस ड्रॉइंग्स कमीशन यही तो मिलेगा और रिजर्व मैक्सिमम तो यहां पे ए और बी है और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट जो है वो आपको दे रखा है चालीस हजार का ठीक है तो आप अगले क्वेश्चन में देखो बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट चालीस हजार का हो गया ठीक है फिर यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली और बहादुर कितना कितना है पच्चीस हजार और बीस हजार तो पच्चीस हजार का पांच परसेंट बनेगा क्लास बारह पचास और बीस हजार का पांच परसेंट हजार वन थाउजेंड तो ये बनेगा डबल टू फाइव जीरो टू सैलरीज बहादुर की एनुअल सैलरी है थ्री थाउजेंड लिखा था ना एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर साल की सैलरी है तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और इंडस्ट्री कैपिटल हो गया और इस क्वेश्चन में और तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में सैलरी की बात भी हो गई टेन परसेंट डिविजल प्रॉफिट जाएगा रिजर्व में बस और कुछ नहीं तो डिविजल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा उसका टेन परसेंट आप रिजर्व में भेजोगे तो फोर्टी थाउजेंड कोई कमीशन नहीं कोई कुछ नहीं इस क्वेश्चन में तो फोर्टी थाउजेंड माइनस टू टू फाइव जीरो माइनस थ्री थाउजेंड तो आएगा थ्री फोर सेवन फाइव टू रिजर्व टेन परसेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और हमारा जो डिविजल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है थ्री फोर सेवन फाइव जीरो अब जो क्लास बचेगा वो आएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अली और बहादुर सेवन रेशियो थ्री इनका क्लास रेशियो है बस और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में सेवन रेशियो थ्री तो अली और बहादुर तो इसका इस कटन घटा दो तो ये आएगा थ्री वन टू सेवन फाइव और सेवेंटी परसेंट आएगा टू वन एट नाइन थ्री थ्री वन टू सेवन फाइव नाइन थ्री एट टू ठीक है अली और बहादुर सेवेंटी परसेंट और थर्टी परसेंट जैसे सेवन रेशियो थ्री था हमने उसी में बांट दिया थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव आंसर आ रहा था और हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अब अगर यही चीज़ आपको कैपिटल अकाउंट में डालनी हो तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हो यहाँ पे बाई बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का और वो कितना था ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है तो इसके अलावा आप लिखोगे क्लास क्या टू ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स कितना कितना बताया था ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और टू थाउजेंड यही था ना ड्रॉइंग्स थर्टी फाइव हंड्रेड और ट्वेंटी फाइव सॉरी थर्टी फाइव और ट्वेंटी थर्टी फाइव और ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव और ट्वेंटी थर्टी फाइव हंड्रेड और ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ठीक है तो ड्रॉइंग्स हो गया ओपनिंग बैलेंस हो गया इसके अलावा अगर आप देखो जो जो चीज़ें यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल दे रखा है जो जो चीज़ें है क्लास सब लिख लो बाई इंटरेस्ट कैपिटल फाइव परसेंट है और सैलरी है बहादुर की तीन हज़ार रुपये बाई सैलरीज बहादुर की तीन हज़ार रुपये इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं बाई डिविजिबल रिज़र्व नहीं आता बेटा ध्यान रखना कमीशन जो जिस पे पार्टनर का नाम लिखा वो आएगा रिजर्व पे पार्टनर का नाम नहीं लिखा वो नहीं आएगा टू वन एट नाइन थ्री टू वन एट नाइन थ्री अगर टू वन एट नाइन टू लिखोगे तो भी चलेगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है थ्री नाइन नाइन थ्री एट टू नाइन थ्री एट टू आप टोटलिंग कर लो जो भी क्लास यहाँ बैलेंस बचेगा वो यहाँ लिख दोगे टू बैलेंस सी तो ये हो गया पच्चीस हज़ार बारह सौ पचास टू वन एट नाइन थ्री टोटलिंग आ गई फोर एट वन फोर थ्री फोर एट वन फोर थ्री माइनस करेंगे थर्टी फाइव हंड्रेड फोर फोर सिक्स फोर थ्री और इसकी टोटलिंग है ट्वेंटी वन थाउजेंड प्लस थ्री ट्वेंटी फोर और नाइन थ्री एट टू ये हो गया ट्रिपल थ्री एट टू ठीक है कितना है क्लास ट्रिपल थ्री एट टू माइनस कर दो पच्चीस सौ ये आएगा थ्री जीरो डबल एट टू ठीक है तो ये हो गया क्लास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और इस क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स्ड कैपिटल लिखा नहीं था तो मैंने सारी चीज़ें जो डिविजल प्रॉफिट है वो मैंने कैपिटल लिखा था अदरवाइज में उसे करंट करता फिर करंट अकाउंट बनता इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यही था क्लास आपका क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से कहीं कोई डाउट रहता है ना तो प्लीज मुझे पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा ठीक है मूव टू क्लास अनदर क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यदु विदु और राधु ये एग्जामिनेशन में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है यदु विदु और राधु और इनकी रेशियो है फोर रेशियो थ्री रेशियो थ्री देर फिक्स कैपिटल नौ लाख पांच लाख और चार लाख और एक नवंबर दो हजार अठारह यदू द एंड नवंबर को दिया है था नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर मार्च पांच महीने क्लास में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा द पार्टनर्स पार्टनर इंटाइटल इंटरस्ट कैपिटल छह परसेंट तो इंटरस्ट कैपिटल छह परसेंट है तो आप बनाओ क्लास बनाना क्या है सिर्फ अप्रोपरेशन बनाना है प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोपरेशन अकाउंट तो बना लेते हैं इंटरसन कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं टू इंटरसेंट कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदु विदु और राधु नौ पांच चार यदु विदु और राधु तो नौ लाख का परसेंट बनता है क्लास चौवन हजार विदु का बनता है पांच लाख का परसेंट पांच लाख का छह परसेंट तीस हजार और राधु का बनता है क्लास चार लाख का छः परसेंट चौबीस हजार चौबीस हजार तो यह आएगा चौबीस हजार तीस हजार चौवन हजार या आ गया एक लाख आठ हजार ठीक है तो ये हो गया क्लास इंटरसन कैपिटल अच्छा इसके अलावा और क्या है क्लास यहाँ पे इंटरसन पार्टनर्स ड्राॅइंग आठ परसेंट है फॉर्म ने कमाया टू लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड ठीक है टू लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड बाई उंट नेट प्रॉफिट ठीक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिखना पड़ेगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यदू विधु और राधु ठीक है चेक करो इंटरेस्ट ऑन पार्ट ड्रॉइंग आठ परसेंट है और फॉर्म अर्न प्रॉफिट इतना ये जो प्रॉफिट है ना इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन घटाना है लेकिन ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदू लोन यानी कि इन्होंने ऑलरेडी आफ्टर का मतलब क्या है घटाने के बाद घटाना क्यों बोला क्योंकि इंटरसनल लोन का नेचर ही कि वो घटता है तो इन्होंने इंटरसनल लोन घटा दिया घटाने के बाद का जो प्रॉफिट है वो टू लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड है।, है, है क्लास आपको अस्सी हजार है तो अस्सी हजार का आठ परसेंट और लेकिन इसमें डेट नहीं गिवन है क्लास तो आप छह महीने का लगाओगे राइट अस्सी हजार का आठ परसेंट छ महीने का वो बनता है सिक्सटी फोर हंड्रेड ठीक है अगले वाले कितना है क्लास सेवेंटी और फिफ्टी सेवेंटी और फिफ्टी सेवेंटी थाउजेंड का एट परसेंट महीने का फिफ्टी थाउजेंड का एट परसेंट और छः महीने का तो सेवेंटी थाउजेंड ये बनाया क्लास अट्ठाईस सौ और पचास हज़ार का ये बनाया क्लास दो हज़ार तो जो टोटल आएगा दो हज़ार प्लस अट्ठाईस सौ प्लस छः चार सौ या ग्यारह हज़ार दो सौ ठीक है तो ये छः महीने का लगाना है बस यहाँ गलती अगर आप करते तो यही करते कि आप छः महीने का नहीं लगाते बस और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में ना कोई सैलरी ना कोई कमीशन कुछ भी नहीं है बस इंटरेस्ट कैपिटल कैपिट ड्राइंग है और कुछ नहीं है एक बार फिर से रीड कर लो इंटरेस्ट इंटरसिन कैपिटल इंटरेस्ट इंडस्ट ड्राॅइंग नेट प्रॉफिट है ड्राॅइंग्स दे रखा है बस और कुछ नहीं अब एक बार घर पर ना तुम तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ तुम इसका जो कैपिटल अकाउंट है ना वो वो घर पर बनाना इसका जो कैपिटल अकाउंट है ना वो घर पर बनाना तुम कुछ गलत कर दिया क्या? अस्सी हजार का आठ परसेंट अच्छा, अच्छा 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 ये छह महीने का नहीं किया ना ये बत्तीस सौ आएगा थर्टी टू हंड्रेड अस्सी हजार का अड़तालीस नहीं सिक्सटी फोर तो थर्टी टू हंड्रेड प्लस ट्वेंटी एट हंड्रेड प्लस टू अब ठीक है एट थाउजेंड गलत हो जाता नहीं तो ये हो गया सात हजार का चार परसेंट ठीक है ये हो गया अस्सी हजार का चार परसेंट बत्तीस सौ तो टोटलिंग एट थाउजेंड प्लस टू लाख फिफ्टी थ्री टू लाख सिक्सटी वन थाउजेंड टू लाख बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे इसी तरीके से क्लास आएंगे लगभग फोर मार्क्स तक का क्वेश्चन बट इसमें कमीशन वगैरह और होना भी चाहिए था वो है नहीं टू लाख सिक्सटी वन थाउजेंड माइनस करोगे वन लाख एट थाउजेंड इट्स वन लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड और ये जो आएगा किस नाम से आएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट्स देखो अगर क्वेश्चन फिक्स मेथड का हो तो इनकी फिक्स कैपिटल हाँ फिक्स कैपिटल लिखा है तो ट्रांसफर टू टू डि प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करेंट अकाउंट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ यही छोटी छोटी बातें जो है क्लास आपको ध्यान रखनी है वन लाख फिफ्टी थ्री रेशियो कितनी है फोर थ्री थ्री टेन से डिवाइड दे दो और पंद्रह तीन सौ इंटू फोर सिक्सटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड पंद्रह तीन सौ इंटू तीन फोर्टी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड ठीक है तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपरिएशन अकाउंट इसी तरीके से पी एन एल अप्रोपरिएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल एक प्रैक्टिस कर लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है आप सब लोगों ने पी एन एल अप्रोप्रियन अकाउंट बना रखा है और पी एंडल अप्रोप्रियशन के डेबिट साइड आप क्या लिखते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रेशन के डेबिट साइड लिखते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे निकाला जाएगा तो बहुत सिंपल सी बात है कुछ बातें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी सबसे पहली चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल interest on capital is always calculated is always calculated on the opening balance is always ca uh, calculated on the opening balance on the opening balance of partners capital account interest on capital hamesha पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे लगता है वो भी क्रेडिट बैलेंस कई बार पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी दिया रहता है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे हमेशा इंटरेस्ट लगेगा वो भी क्रेडिट ठीक है क्रेडिट बैलेंस पे यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा होगा क्रेडिट बैलेंस आप उसी पर इंटरेस्ट लगाओगे ठीक है नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द बैलेंस ऑफ ऑन द बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट कभी भी करेंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आप कैलकुलेट करोगे वो क्लास कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे कैलकुलेट करोगे करेंट अकाउंट के बैलेंस पे कभी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा यानी अगर आपको कभी करेंट अकाउंट दे रखा हो तो तुम्हें उस पर इंटरेस्ट नहीं कैपिटल अकाउंट पर ही इंटरेस्ट निकालना है हमेशा ठीक है एक और चीज इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन अगर तुम्हें क्लास क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो देन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल अगर तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो आप क्लास ओपनिंग कैपिटल को निकालो बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला तो फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखना क्लास ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स प्लस ड्रॉइंग्स ठीक है माइनस एडिशनल कैपिटल इफ एनी माइनस एडिशनल कैपिटल एफ एनी ध्यान सुनना क्लास ओपनिंग जब आप क्लास क्लोजिंग कैपिटल आप, कैसे निकालते? आप, आप कैसे निकालते हो आप याद करो आप क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हो आप ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स को जोड़ते हो ड्रॉइंग्स को माइनस करते हो एडिशन कैपिटल को प्लस करते हो तब आपके पास निकलता है क्या है क्लोजिंग कैपिटल आपने क्लास एलेवेंथ में बैलेंस शीट में यही काम किया होगा ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट जोड़ा ड्रॉइंग को अच्छा प्रॉफिट अगर आपने प्लस किया तो ऑब्वियसली लॉस माइनस होगा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है आपको पता है अगर आपने प्रॉफिट को प्लस किया तो लॉस अगर होगा तो माइनस होगा बिकॉज प्रॉफिट लॉस कोई एक ही हो सकता है दोनों तो साथ नहीं होंगे ठीक है माइनस करोगे ड्रॉइंग प्लस करोगे एडिशन कैपिटल जो आएगा आपके पास दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल ये क्लोजिंग कैपिटल है तो अगर तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग जाना है, सब कुछ उल्टा माइनस एडिशन कैपिटल प्लस

इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल साल के शुरू में जो कैपिटल है ठीक है उसका इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल आपने साल के बीच में जो कैपिटल लगाया है आप उसका इंटरेस्ट प्लस करोगे यानी कि ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस साल के प्लस बीच में आपने कुछ अगर और, और पैसे लगा दिए मान लो आपने अक्टूबर में जुलाई में नवंबर में दिसंबर में जनवरी में कभी भी आपने कुछ और पैसे लगाए एडिशनल कैपिटल बोलते हैं उसको तो भैया उस एडिशनल कैपिटल में भी इंटरेस्ट ऐड करोगे माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन ऑफ कैपिटल और अगर आपने कैपिटल को विड्रॉ किया है निकाल लिया आपने कैपिटल को तो उसका जो इंटरेस्ट है क्लास इसे बोलते हैं विड्रॉ ऑफ कैपिटल ड्राॅइंग नहीं है कैपिटल में से पैसे निकाले हैं विड्रॉ ऑफ कैपिटल उसका इंटरेस्ट आप माइनस करोगे अब ये जो आएगा क्लास यही वो इंटरेस्ट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन में डेबिट साइड और सेम चीज़ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है तो ये है प्रॉपर इंटरेस्ट कैपिटल की कैलकुलेशन तरीका भी हम क्वेश्चन भी देखेंगे फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में हर तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहली बात जो तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा और हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है पार्टनर्स के अकाउंट के ठीक है सर अगर ओपनिंग नहीं दिया तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशन कैपिटल ये आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल फिर आप इंटरेस्ट निकाल लेना करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट लगता नहीं क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसी पर इंटरेस्ट लगता है डेबिट बैलेंस कोई इंटरेस्ट नहीं लगता ठीक है और अगर आपने इंटरेस्ट निकालना है तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो उस पर लगाओ इंटरेस्ट फिर साल में अगर क्वेश्चन कहता है कि आपने फिर पैसे लगा दिए थोड़े बहुत एडिशनल कैपिटल रिड्यूस तो फिर उस पर भी इंटरेस्ट को प्लस करो और अगर जो पैसा निकाल के ले गए क्लास उसको क्या कर दो क्लास माइनस कर दो ये आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट तो चलते हैं क्लास एक एक करके इसके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कम टू क्वेश्चन फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन सिमरन और रीमा दो पार्टनर्स हैं इनकी रेशियो है थ्री रेशियो टू और एक अप्रैल को इनकी जो कैपिटल है एक अप्रैल को इनकी जो कैपिटल आपको दे रखी है वो दे रखी लाख ईच सिमरन रीमा पार्टनर्स हैं

और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है तो अगर तुमको करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो पक्की बात है फिक्स्ड मेथड का क्वेश्चन है किसका है क्लास फिक्स मेथड का अगर तुम्हें करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं इसका मतलब ये फिक्स मेथड का है और आपको पता है फिक्स मेथड के अंदर आपको जो आंसर है उसे करंट अकाउंट में भेजना है तो बना लेते हैं क्लास प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन देखो कैसे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक है तो ये हो गया क्लास आपका डेबिट ये हो गया आपका क्रेडिट सबसे पहले बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये आ गया नेट प्रॉफिट कितना है क्लास नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है तीन लाख का नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है और इधर लिखेंगे इंटरेस्ट कैपिटल तो इंटरेस्ट कैपिटल क्लास कैपिटल बैलेंस पे लगता है ओपनिंग बैलेंस पे तो कितनी कितनी कैपिटल है सिमरन और रीमा और इनकी जो कैपिटल है वो है दो लाख ईच है ना दो लाख की कैपिटल है इंटरेस्ट कितना है क्लास यहाँ पे पाँच परसेंट तो दो लाख का पाँच परसेंट कितना बनेगा दस हज़ार ये भी बनेगा दस हज़ार टोटल जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना क्लास आएगा बीस हज़ार रुपये बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है और कुछ नहीं है अच्छा सारे बच्चे एक बात ध्यान समझना हमने जो अभी फॉर्मूला लिखा तीन लाख है तीन में से बीस जाएगा तो कितना बचेगा दो लाख अस्सी हजार ठीक है तीन लाख में से बीस हजार का माइनस कर दोगे दो लाख का पांच परसेंट दस हजार दो लाख का पांच परसेंट दस हजार ट्रांसफर टू अभी जो बैलेंस है ये करंट अकाउंट में जाएगा करंट अकाउंट ऑफ सिमरन और रीमा दो लाख अस्सी हजार है थ्री रेशियो टू है क्लास रेशियो तो दो लाख अस्सी हजार को पाँच से डिवाइड दो से दो लाख अस्सी हजार को पाँच से डिवाइड दोगे, गए फिफ्टी सिक्स थाउजेंड आएगा इंटू थ्री वन सिक्सटी एट और माइनस टू एट्टी ये आ गया वन वन टू ठीक है वन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड तो ये आएगा टू लाख एट्टी थाउजेंड डन तो ये हो गया क्लास प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट पूरा का पूरा इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट अच्छा आगे मेरी बात और सुनना ध्यान सुनो सारे बच्चे एक बात और बताता हूँ आपको फिक्स मेथड में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस रहता है वही सेम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस रहता है तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया अभी ओपनिंग कैपिटल का यही बताया ना क्लास देखो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशन कैपिटल इफ एनी लेकिन अगर यहीं पर इन फिक्स कैपिटल अकाउंट मैथड अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मैथड है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मैथड में अच्छा एक बात और अगर आपने एडिशन कैपिटल को माइनस किया है अगर आपने एडिशन कैपिटल को देखो सुनो मेरी बात प्रॉफिट को तुमने माइनस किया तो लॉस अगर होता तो प्लस कर देते एडिशन कैपिटल को माइनस किया है तो अगर विड्रॉन ऑफ कैपिटल होगा तो वो प्लस होगा राइट विद्रॉ ऑफ कैपिटल क्या होगा प्लस होगा अगर होगा तो जनरली सब होता नहीं है बट अगर होगा तो आप ये प्लस करोगे फिक्स मैथड में आपको पता है क्लास प्रॉफिट और ड्रॉइंग नहीं आता तो फ्लक्चुएटिंग मैथड का फॉर्मुला क्या है लिख लो अपनी कॉपी में फ्लक्चुएटिंग मैथड में ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशन कैपिटल प्लस विदड्रॉ ऑफ कैपिटल राइट right? लेकिन अगर ये फिक्स मेथड हो फिक्स तो उसमें ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मिला क्या होगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशन कैपिटल प्लस विड्रॉ ऑफ कैपिटल दैट्स इट यानी कि ओपनिंग कैपिटल फिक्स मेथड में ड्राइंग और ये सब नहीं आता क्यों उसमें होता ही नहीं वो सब तो करंट अकाउंट में जाता है अगर आपको याद हो ओपनिंग जो uh, uh, मतलब कि कैपिटल अकाउंट जो बनाते हो फिक्स मेथड में उसमें बी डी सी डी बस ये दो लिखते हो मोर एवर एडिशन कैपिटल और विद्रो कैपिटल ड्रॉइंग प्रॉफिट तो आता ही नहीं वो तो करंट अकाउंट में जाता है और तुम्हें ओपनिंग कैपिटल निकालना है

तो इसकी कैपिटल पाँच लाख है पाँच लाख का दस परसेंट और ये क्योंकि साल के शुरू में ही है यहाँ पे अच्छा अगर इसमें कोई फिर से अंकिता ने एडिशन कैपिटल लगा दिया होता तो उसका इंटरेस्ट तुम निकाल के प्लस कर देते इंटरेस्ट कैपिटल को ऐड कर देते इसी के साथ ये तो सीधा पचास हज़ार आ गया आंसर अदरवाइज़ तुम इंटरेस्ट कैपिटल निकालते और प्लस करते और दूसरे कितना है क्लास चार लाख तो अंकिता का हो गया मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एक कैपिल बाईस को और अनिता का अच्छा ये अनिता है क्लास सॉरी ये अनिता है अब अंकिता का निकालेंगे

कैपिटल है इनकी एक की पंद्रह लाख है एक की नौ लाख है फिफ्टीन लाख नाइन लाख ऑन फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू यानी कि छह महीने बाद अप्रैल से छह महीने के बाद ऑन फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू दे यानी एक की कैपिटल जो है वो है क्लस पंद्रह लाख और दूसरे की नौ लाख है लेकिन दोनों चाहते हैं कि जो कैपिटल है वो बारह लाख हो जाए है क्लास पंद्रह और नौ बट पार्टनर्स चाहते हैं कि जो दोनों की कैपिटल हो जाए वो बारह लाख हो जाए तो कैसे होगी पंद्रह लाख वाला तीन लाख रुपए घर निकाल के ले जाएगा विड ऑफ कैपिटल और जिसकी नौ लाख है वो तीन लाख रुपए लेकर आएगा दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल यानी कि विड्रॉन ऑफ कैपिटल और एडिशन कैपिटल दो चीजें इसके अंदर आएंगी द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग तो जिसके 9 लाख है वो 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करेगा और विद्रॉ करेगा भाई चेक जिसका बार लाख है वो तीन लाख रुपए निकाल के ले लिए इंटरन कैपिटल इज अलाउड पर कंप्यूट इंस्टन कैपिटल फॉर द ईयर एंड थर्टी मार्च ट्वेंटी आपको इंस्टन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो मेरी बात समझना सबसे पहले अमित की बात करते हैं शुरू में एक अप्रैल एक अप्रैल 2022 से लेकर और एक अक्टूबर तक यानी कि एक अक्टूबर 2022 इसकी जो कैपिटल रही यहां से लेकर यहाँ तक वो कितनी रही क्लास पंद्रह लाख रुपए अमित की पंद्रह लाख ,00 है फिर एक अक्टूबर से लेकर इकतीस मार्च तक एक अक्टूबर से लेकर इकतीस मार्च तेईस अब यहां पे इसने क्या किया तीन लाख ,00 रुपए विड्रॉ कर लिए भाई यहाँ से यहाँ तक था पंद्रह लाख रुपए तीन लाख रुपये विड्रॉ कर लिए तो अब जो कैपिटल बची इसकी कितनी बची बारह लाख ,00 वही तीन लाख रुपए निकाल के ले गया ना बारह दो तीन ये बारह लाख तो साल के एंड तक क्लास यहां से इकतीस तो तो मार्च तक हो गया, गया छह महीने अप्रैल से अक्टूबर फिर एक अक्टूबर से इकतीस मार्च ये भी छह महीने तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे पंद्रह लाख का एट परसेंट मंथ के लिए प्लस फिर तीन लाख रुपए निकाल के ले गया तो अगले छह महीने में बारह लाख ,00 का आठ परसेंट छः महीने के लिए निकालो क्लास कितना आएगा इंटरेस्ट अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो पंद्रह लाख ,00 का ये आ गया सिक्सटी थाउजेंड प्लस बारह लाख का यह आएगा फोर्टी एट थाउजेंड सिक्सटी प्लस फोर्टी एट आएगा वन लाख एट थाउजेंड ठीक है अच्छा और अगर मैं निकालू क्लास अमित के बाद ब्रमित का बी आर एम आई टी ब्रमित अमित का हो गया ब्रमित का तो ब्रमित का अगर देखें एक अप्रैल से लेकर एक, आ, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर तक इसकी कैपिटल कितनी थी ब्रमित की नौ लाख रुपए राइट यहां से यहां तक नौ लाख की कैपिटल थी फिर ये एडिशनल कैपिटल तीन लाख रुपए और ले आया ताकि इनकी कैपिटल बारह लाख रहे है ना तो फिर एक अक्टूबर से इकतीस मार्च तेईस यहां पे लाख रुपए और लिया आया तो यहां से यहाँ तक पीरियड लाख तो लगेगा, लगेगा तो अगर आप देखोगे तो नौ लाख का आठ परसेंट छ महीने थर्टी सिक्स थाउजेंड तो इसमें छह महीने में साठ हजार का इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि कैपिटल पंद्रह लाख थी इसको सिर्फ छत्तीस हजार का मिलता है बट अगले हाफ अगले हाफ ईयर में फिर इसकी कैपिटल कितनी होगी तीन लाख लिया या बारह लाख तो इसको इंटरेस्ट सेम मिलेगा जो दूसरे वाले को मिला है छः महीने के लिए तो ये कितना बनेगा क्लस, इसको तो प्लस इसको ऐड करोगे फोर्टी एट थाउजेंड तो थर्टी सिक्स थाउजेंड प्लस फोर्टी एट थाउजेंड एटी फोर थाउजेंड तो इसका इंटरेस्ट कैपिटल जो आ गया वो है क्लास कितना एट्टी फोर थाउजेंड था। इसका है थर्टी सिक्स उसका है क्लास 48 और टोटल क्लास 80, 4, का कैपिटल निकल के आ गया यही इंटरेस्ट कैपिटल आपको कैलकुलेट करना था तो यानी कि जो अच्छा कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं कैसे सर इस पर पूरा पंद्रह लाख का निकाल दो साल भर का और फिर तीन लाख रुपए निकाल लिए तो तीन लाख जब निकाले तो तीन लाख का आठ परसेंट महीने का इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर दो टोटल में से आंसर तब भी सेम आएगा करके देख लेना यहाँ पे नौ लाख पे पूरे साल का निकालो फिर तीन लाख रुपए और ले आया छह महीने के लिए तो लाख पे महीने का निकाल निकाल दो दो तो लाख लाख पे पूरे साल का निकाल दो, 8 और आए, का और जो एक्स्ट्रा लेके आया उस महीने इंटरेस्ट दे दो एड करके देख लेना क्लास कॉमेंट मुझे बताना सेम आ रहा है कि नहीं आ जाएगा एट्टी तो ये है क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस जो आपको बनाने हैं अब फाइनली अगली दो क्लासेस के अंदर तो हम लोग पूरा मतलब अगले जो भी हमारा पास पासमेंट और गारंटी ये रह गया बस उसे करके चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे उसका टेस्ट वेस्ट प्रॉपर लेके एंड करेंगे इस चैप्टर को एक और क्वेश्चन देखते हैं आशीष और आकाश दो पार्टनर है थ्री रेशियो टू है देर अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ फाइव लाख सिक्स लाख ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यानी कि ये जो आकाश की कैपिटल है और जो आशीष की कैपिटल है या आशीष की आकाश की ये क्लोजिंग कैपिटल है फ्टर डेबिटिंग ऑफ ड्रॉइंग ड्रॉइंग को डेबिट करने के बाद डेढ़ लाख और एक लाख एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर पांच लाख कैपिटल इज अलाउड टेन परसेंट प्रिपेयर प्रॉफिटेशन सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल को निकालना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला होता है क्लास ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो यह है आशीष और यह है आकाश ठीक है तो आपको निकालना क्या है क्लास ओपनिंग कैपिटल तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है आपको यह है पांच लाख और यह है छह लाख ये क्लोजिंग कैपिटल है माइनस करेंगे क्लास यहाँ पे प्रॉफिट्स uh, ठीक तो है तो प्रॉफिट है पांच लाख रेशियो थ्री रेशियो टू है तो आएगी तीन लाख और दो लाख प्लस करोगे ड्राइंग्स इसकी ड्राइंग कितनी है क्लास यहाँ पे वन फिफ्टी और इसकी ड्राइंग है एक लाख तो इस हिसाब से जो ओपनिंग कैपिटल आएगा पांच लाख पांच लाख माइनस तीन लाख प्लस डेढ़ लाख ये आएगा थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड और इसका आएगा छः लाख माइनस दो लाख प्लस एक लाख फाइव लाख और जो इंटरेस्ट है वो है दस परसेंट तो इसका आएगा थर्टी फाइव थाउजेंड और क्लास इसका आएगा फिफ्टी थाउजेंड मेरी बात समझ आई क्लास आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखा है फाइव लाख सिक्स लाख माइनस करोगे क्लास यहाँ पे आ, जो है प्रॉफिट्स को प्रॉफिट पाँच लाख है थ्री रेशियो टू है तो तीन लाख और दो लाख प्लस करोगे ड्राइंग्स को ड्राइंग दे रखा है क्लास एक लाख पचास हजार आशीष का और कास का क्लास दे रखा है आपको एक लाख रुपए आ गए इंटरेस्ट कैपिल अब हम अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं और ख़त्म करते हैं इसको प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ क्लास आप लोग अब तो सब हो ही गया सीख ही गए अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर डोंट वरी और बिफोर एग्जाम क्लास फाइनल रिविजन कर लेंगे अच्छे से ताकि कोई दिक्कत तुम्हें ना आए टिल एग्जामिनेशन तक इवन सीयी में भी पर्टिकुलर्स डेबिट पर्टिकुलर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक है तो सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है पांच लाख का ठीक है अब इस पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जिसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया हुआ है अभी तो हम लिखते हैं वर्किंग नोट यह क्लास वर्किंग नोट है ठीक है इसके बाद आशीष और आकाश आकाश आशीष और आकाश आशीष आकाश थर्टी फाइव थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड टोटल आएगा एट्टी फाइव थाउजेंड ठीक है आगे क्लास आपका इंटरेस्ट एट्टी फाइव थाउजेंड और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में बस इंटरेस्ट कैपिटल निकालने की बात थी इंटरेस्ट इंटरेस्टमेंट कैपिटल हमने निकाल लिया है और कुछ भी नहीं है क्लास आप निकाल लो आंसर पाँच लाख पांच लाख माइनस करो एटी फाइव थाउजेंड चार लाख पंद्रह हजार टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू फिक्स मेथड नहीं है फ्लक्चुएटिंग मेथड है आशीष कैपिटल अकाउंट और आकाश कैपिटल अकाउंट तो आशीष की कैपिटल जो प्रॉफिट है थ्री रेशियो टू है इसमें तो चार लाख पंद्रह हजार है थ्री बाई फाइव करोगे टू लाख फोर्टी नाइन थाउजेंड माइनस चार लाख पंद्रह हजार वन सिक्सटी सिक्स थाउजेंड ठीक है तो ये हो गया क्लास आपका ओपनिंग कैपिटल निकाला और ओपनिंग कैपिटल पे आपने इंटरेस्टिंग कैपिटल को चार्ज कर दिया पास्ट एडजस्टमेंट अब होता क्या है कि अकाउंटेंट जो बिजनेस में है उससे कुछ गलतियां हो सकती हैं कुछ मिस्टेक्स अकाउंटेंट से हो सकती हैं और बाद में आगे चलकर जब हमको पता चलता है बाद में आगे चल के जब हमको पता चलता है कि यार हमने तो पहले एक मिस्टेक कर दी थी तो हम पूरे खाते को रिवाइज नहीं कर सकते तो हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ताकि पहले जो भी गलती आपने की वो सारी गलती रेक्टिफाई हो जाए नलिफाई हो जाए वो ठीक हो जाए मेरी बात समझ रहे हो तो पास्ट एडजस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां पे पास्ट में जो गलतियां करी थी उनको ठीक करने के लिए एक सिंगल एंट्री ओनली एक जर्नल एंट्री हम पास करेंगे जिससे सारी गलती का क्लास इफेक्ट ठीक हो जाएगा सारी गलतियों का रेक्टिफिकेशन हो जाएगा इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट क्लास बात समझ अगर हम बात करें मिस्टेक्स की पास्ट एडजस्टमेंट में गलतियां होती हैं तो मिस्टेक्स आर ऑफ टू टाइप्स दो टाइप की गलतियां होती हैं सबसे पहला है क्लास एक एरर एरर का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छः परसेंट देना था नौ परसेंट दे दिया नौ परसेंट देना था छः परसेंट दे दिया कमीशन छः परसेंट चार्ज करना था बारह परसेंट चार्ज दे दिया आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आठ परसेंट चार्ज करना था चार्ज आपने नौ परसेंट कर दिया तो कुछ की जगह कुछ गलत यानी गलती आपको यहां जाना था आप यहां चले गए यानी कि मिस्टेक यानी कि इस मिस्टेक का पार्ट है एरर कि आपने कुछ गलत गलत कर दिया दूसरा है क्लास ओमिशन ओमिशन का मतलब भूल जाना अब भूल गए आपको सैलरी देनी थी आप देना भूल गए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था आप देना भूल गए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी चार्ज करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए दिस इज कॉल्ड ओमिशन एरर मतलब कुछ का कुछ कुछ गलत कर दिया आपने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लिखा भी नहीं था फिर भी तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो एरर कर दिया गलत कर दिया लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा था तुम देना भूल गए लेना भूल गए पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन तो क्लास वो क्या हो गया ओमिशन ओमिशन का मतलब भूल जाना तो अगर आपने कोई भी गलती करी है तो इस गलती को ठीक करने के लिए क्लास हम दो स्टेप्स का फॉलो करेंगे ध्यान समझना अगर आपने कुछ भी गलती कर दी है कुछ के लिए कुछ कर दिया तो सबसे पहला क्लास आप क्या करोगे जो भी आपने रॉन्ग किया है क्लास उसको रिवर्स करोगे और रिवर्स का मतलब क्या होता है क्लास अकाउंट्स में साइड चेंज तो अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो क्लास आप उस गलती को रिवर्स करोगे और अगर आपने क्लास कुछ गलत किया तो उसको रिवर्स कर दोगे साइड को चेंज कर दोगे और जो सही है और जो भी करेक्ट है उसको क्या कर दोगे क्लास आप प्रोवाइड तो जो गलत है आप उसको रिवर्स करोगे और जो सही है आप उसको प्रोवाइड करोगे ध्यान रखना जो भी आपने गलत किया है आप उसको रिवर्स कर दो और जो भी आपका सही है क्लास आप उसे प्रोवाइड कर दो और मतलब क्लास सेम साइड जिस साइड वो आता है तो जो भी तुमने गलत किया है उसको तुम रिवर्स कर दो साइड को चेंज कर दो उसका इफेक्ट जीरो हो गया अब जो सही है उसको क्लास दे दो जैसे देना है आपको ठीक है जैसे आईओ सी डेबिट साइड आता है डेबिट साइड लिखो आईओडी क्रेडिट साइड आता है में क्रेडिट साइड लिखो उमेशन में क्लास एक ही काम है गलती तो कुछ हो नहीं गलती तो कुछ हुई नहीं है तो जो भी करेक्ट है क्लास उसे प्रोवाइड कर दो प्रोवाइड का मतलब क्या है सेम साइड जिस साइड वो आता है अब इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और बहुत आसान है दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ढंग से पढ़ा ढंग से समझा कंसंट्रेशन से तो ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गलत में हम करेंगे रिवर्स साइड चेंज और सही का मतलब हम प्रोवाइड करेंगे और अच्छा हाँ इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को नॉर्मल अप्रोपरिएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए एटलीस्ट तुमको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आता है अप्रोपरिएशन में अप्रोपरिएशन में बाई साइड आता है इन ड्रॉइंग टू साइड कैपिटल सैलरी कमीशन ये सब डेबिट साइड आता है रिजर्व सब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड और जो डिविजल प्रॉफिट है वो यहाँ पे डेबिट आता है और यहाँ पे लॉस क्या आता है क्रेडिट और जो जो अप्रोपरिएशन में डेबिट आता है वो सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आता है और जो जो अप्रोप्रेशन में क्रेडिट आता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट आता है ये बात आपको पता होनी चाहिए प्लस यहाँ पे एरर और ओमिशन का ट्रेंड भूल गए तो लिख दो सैलरी देना भूल गए दे दो कमीशन देना भूल गए दे दो इंस्टोरेंट चार्ज करना भूल गए चार्ज कर लो इंटरेस्ट

जिसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट पर्टिकुलर्स ए बी और क्या है क्लास ए फॉर्म ठीक है

वो चीज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आएगी ये तुमको पता है क्लास अच्छे से मान लो क्लास ये तीन है ये चार है तो ये सात आएगा अप्रोपरिएशन में तो जो चीज अप्रोपरिएशन में डेबिट वो पार्टनर्स में क्रेडिट और जो चीज अप्रोपरिएशन में क्रेडिट आता है तो वो पार्टनर्स में क्या आएगा डेबिट आएगा ये बात आप सबको पता है अप्रोपरिएशन से पार्टनर्स में क्रॉस ट्रांसफर करते हैं ठीक है तो नाउ मूव टू क्लास एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं और अच्छे से करते चले जाते हैं आओ मेरे साथ साथ रीड करो पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं प्रॉफिट लॉस रेशियो इक्वल है देयर फिक्स कैपिटल इतना है दो और तीन जब भी फिक्स कैपिटल लिखा होता है समझ जाना क्लास जो जन एंट्री हो पास होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी कैसे करंट अकाउंट के थ्रू आंसर में करंट अकाउंट आएगा मैं दिखाऊंगा अभी द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बारह परसेंट फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट द फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए प्रॉफिट को बांट दिया तो ये एरर नहीं है ओमिशन है भूल गए

ड नाउ प्रोवाइडेड पहले भूल गए थे अब आप प्रोवाइड कर रहे हो अब मैं जो पूछू ध्यान से मुझे बताना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन में सर जी डेबिट साइड आता है अगर अप्रोप्रिएशन में डेबिट है तो पार्टनर के अपले अकाउंट में क्रेडिट और क्रेडिट मैं डॉट डॉट बना लूंगा और तो निशान बना लूंगा यहां पर अब यही है भूल गए थे तो जहां आना है वहां लिख दिया

आपने अप्रोपरिएशन बना होगा तो उसमें टोटल लिखते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अलग अलग लिख देते है एक ए में बी का बी में है कि नहीं तो बस खत्म भूल गए थे आपने अगर कुछ और चीज भूल जाते तो इसी तरीके से क्लास जैसे आईओडी भूल जाते तो आईओडी यहाँ पे आता और इन दोनों में आता है डेबिट डेबिट बिकॉज आईओडी कैपिटल अकाउंट में डेबिट आता है अप्रोप्रियन में क्रेडिट आता है सिंपल भूल गए थे तो लिख दो अब आपको अप्रोप्रिएशन की टोटलिंग करनी है ठीक है अप्रोपरिएशन टोटलिंग करनी है ये सिक्सटी थाउजेंड बड़ी साइड है तो जो बैलेंस है इधर बचेगा सिक्सटी थाउजेंड किधर बचा बैलेंस क्रेडिट तो अगर ये क्रेडिट बचा तो यहां पे आएगा डेबिट डेबिट और आप लिखोगे प्रॉफिट और लॉस टू तो बी शेयर इक्वली ठीक है तो थर्टी और थर्टी प्रॉफिट लॉस क्लास इक्वली शेयर कर रहे हैं थर्टी और थर्टी तो बस इस तरीके से सबसे पहले जो भूल गए थे उसको लिख दो टोटलिंग करो जो बैलेंस आएगा क्रेडिट है तो डेबिट डेबिट अगर डेबिट होता तो पार्टनर्स में क्रेडिट क्रेडिट जाता प्रॉफिट लॉस को आपने बांट दिया अब तुम्हें सबसे पहले पी की टोटलिंग करनी है दो स्टेप समझ आया प्रॉफिट को प्रोवाइड कर दिया आईओसी प्रोवाइड कर दिया जो बैलेंस आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अब पी की कौन सी साइड बड़ी है मैंने बैलेंस करने के लिए नहीं बोला आपको पी की कौन सी साइड बड़ी है सर डेबिट साइड तो लिख दो छह हजार डेबिट ये काम आपको याद रखना है क्यू की कौन सी साइड बड़ी है क्यू की कौन सी साइड बड़ी है छः हजार डेबिट से छः हजार बड़ी है क्रेडिट और यहां पे चौबीस हज़ार से छः ज़्यादा है तीस से छः ज़्यादा है तो डेबिट कौन है क्लास पी क्रेडिट कौन है क्यू आपको एक एंट्री पास करनी है जिससे गलती सही हो जाएगी और वो एंट्री क्या होगी क्लास ज़रा ध्यान से देखना डेबिट क्रेडिट एल एफ पर्टिकुलर्स ठीक है तो आप एंट्री क्या पास करोगे डेबिट कौन है पी पीस करेंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करेंट अकाउंट सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड नरेशन क्या लिखोगे बीइंग बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट और ये हर जगह आएगा मतलब ये नरेशन कॉमन है आप हर एक क्वेश्चन में कॉमन नरेशन यूज कर सकते हो बींग एडजस्टमेंट एंट्री पास करके ठीक है तो ये है क्लास पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हम और क्वेश्चन बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में भी जब दबाके इसके प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से ताकि हमें पूरा का पूरा पास्ट एडजस्टमेंट अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है बिकॉज इंपॉर्टेंट है और गलतियां करते हैं बच्चे इसमें नाउ तो ये एक एंट्री ग्राम पास कर दें 6000 से तो जो ये गलती हुई थी ये गलती क्लास ठीक हो जाएगी ये जो भूल गए थे अब वो चीज क्लियर हो जाएगी ठीक है अच्छा अब एक और क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं क्या लिखा है क्लास यहाँ पे चीज और स्लाइस आर इक्वल पार्टनर्स और देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1st ऑफ अप्रैल 2022 वर 50000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली

चीज़ और स्लाइस है तो हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं चीज़ और स्लाइस चीज़ और स्लाइस आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो सबसे पहले क्लास हम क्या लिखेंगे क्या क्या भूल गए थे इसके अंदर चीज़ स्लाइस दे कैपिटल अकाउंट ओपनिंग दे रखा है पचास हज़ार और एक लाख और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छः परसेंट है तो आप यहाँ लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted now provided इंटरस ऑन कैपिटल में डेबिट साइड आता है भूल गए थे तो लिख दो डेबिट साइड डेबिट साइड तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट और क्रेडिट तो पचास हजार का पचास हजार का 6 परसेंट आएगा तीन हजार एक लाख का 6 परसेंट आएगा छः हजार तो टोटल क्लास आ जाएगा आपका 9000 हो गया पहला स्टेप और अकाउंट्स में हर स्टेप के नंबर हैं जितने स्टेप सही लिखोगे उतने नंबर तुमको मिलेंगे दूसरा और क्या क्या क्लास भूल गए इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी टू चीज फाइव थाउजेंड पर एनएम ये पर एन एम दे रखा है ठीक है मल्टीप्लाई मत करना सैलरी टू चीज ओमिटेड नाउ प्रोवाइडेड सैलरी भूल गए थे तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी डेबिट साइड आता है डेबिट लिखो और चीज के कैपिटल अकाउंट में क्लास आप इसे लिख दो क्रेडिट फाइव थाउजेंड बस खत्म एप्रोप्रिएशन में डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट तो अगर आप टोटलिंग करोगे इसकी नौ पाँच चौदाह हजार चौदह हजार यहाँ पे फोर्टीन थाउजेंड आएगा ये क्रेडिट है तो यहाँ पे आएगा डेबिट और डेबिट ठीक है तो फोर्टीन थाउजेंड है और इसको हम लिखते हैं प्रॉफिट लॉस जो भी है टू बी शेयर्ड जो रेशियो है प्रॉफिट लॉस टू बी शेयर्ड और इनकी रेशियो क्या है चीज और स्लाइस दो पार्टनर से एक आप लोग कैपिटल दे रखी है इट इज ऑब्जर्व दैट इंडियन कैपिटल भूल गए सैलरी भूल गए पार्टनरशिप डीड और आगे क्लास इसमें कहीं भी रेशियो गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली क्लास रेशियो गिवन नहीं तो बराबर बराबर बांटोगे सेवन थाउजेंड और सेवन थाउजेंड टोटलिंग कितनी है क्लास सेवन थाउजेंड और ये है एट थाउजेंड तो क्रेडिट साइट बड़ी है हज़ार से जो साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी है इसका है क्लास सेवन थाउजेंड इसका है सिक्स थाउजेंड तो डेबिट साइड बड़ी है किससे क्लास हज़ार से तो एंट्री कौन है स्लाइस टू चीज तो आप लिखोगे स्लाइस कैपल अकाउंट डेबिट टू चीज कैपल अकाउंट इसमें कोई फिक्स नहीं था इसलिए स्लाइस कैपल अकाउंट डेबिट टू चीज कैपल अकाउंट कितना कितना हजार हजार रुपए आएगा वन थाउजेंड और वन थाउजेंड नरेशन लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट ठीक है ये हो गया क्लास आपका पूरा जर्नल का फॉर्मेट बना ये मेन आंसर है और ये जो आपने बनाया है ना क्लास ये वर्किंग नोट है तो ये जो आया है क्लास कहां से आया है वर्किंग नोट से तो मेन आंसर एक एंट्री है मतलब अगर ये एक एंट्री पास कर दोगे तो जो एरर हुआ था जो मिस्टेक हुआ था वो ठीक हो जाएगा मेरी बात समझ रहे हो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं ये तो बहुत अच्छे से चल प्रैक्टिस करके चलना आईओसी भूल गए कमीशन भूल गए सैलरी भूल गए इंटरेस्ट ड्राइंग भूल गए फिर कुछ की जगह कुछ कर दिया ये भी आ सकता है कुछ की जगह कुछ समझ रहे हो जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं एक और क्वेश्चन है क्लास यहाँ पे ध्यान समझना अजय मनीष और सचिन तीन पार्टनर्स है रेशियो है देयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट है लाख 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 ऑन अप्रैल ओपनिंग एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरस्ट कैपिटल टेन परसेंट फॉर द ईयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च प्रॉफिट टू लाख व डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरस्टन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया आपने प्रॉफिट का बंटवारा कर दिया तो so वे दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब यहां पर एक छोटी सी गलती कर बैठते बहुत सारे बच्चे सीधा के दस दस परसेंट निकाल के दे देते अब ऐसा नहीं करना गलती हो जाएगी क्यों मैं तुम्हें बताता हूं देखो इस 6 लाख का दस परसेंट कितना ठीक है 60, नहीं ले देते, ये अजय का है आठ लाख का दस परसेंट अस्सी हजार मनीष का है ग्यारह लाख का दस परसेंट एक लाख दस हजार ये किसका है क्लास सचिन का तो अगर कॉमन रेशियो देखो एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार सिक्स रेशियो एट रेशियो इलेवन तो कितना बनता है क्लास आठ छह चौदह दस चौबीस पच्चीस ये एक, एक रेशियो बन गया क्यों क्योंकि अगर आप देखो साठ अस्सी एक दस या दो लाख से ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दो लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट ऐसा पार्टनरशिप एक्ट कहता है पार्टनरशिप डीड को ओवर तो रूल तो करता है पार्टनरशिप रीड कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो लेकिन एड कहता है प्रॉफिट के अंदर से दो और इसमें कहीं नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज तो अगर तुम स्टेटमेंट बना के सबको बराबर बराबर इस, मतलब कि अस्सी एट्टी वन टेन दे देते दे, तो ये हो जाता क्वेश्चन गलत आपका क्योंकि टोटल दो लाख से ज्यादा है तो हम करेंगे क्या दो लाख रुपए का हमारे पास प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी में से आप दोगे दो लाख को पच्चीस से आप डिवाइड दो देखो कितना बनता है दो लाख को पच्चीस से डिवाइड दो दो लाख डिवाइड बाई पच्चीस आठ हजार आठ इंटू छः कितना बने क्लास अड़तालीस हजार आठ इंटू आठ कितना बनेगा सिक्सटी फोर थाउजेंड और आठ इंटू ग्यारह आठ हज़ार इंटू ग्यारह बनेगा एट्टी एट थाउजेंड तो ये अगर आप देखो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना बनेगा और तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया है क्लास तुम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया है बनना तो इतना ही चाहिए और तुमने क्लास अगर दे दिया ज्यादा तो क्वेश्चन क्लास पूरा गलत हो जाएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है तो अब हम बनाते हैं क्लास अजय मनीष और सचिन फॉर्मेट बनाओ अजय मनीष और सचिन सेम वही क्वेश्चन है क्लास आप यहां पे से, सेम बात लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लास भूल गए थे अब हम क्या करें क्लास प्रोवाइड करेंगे तो आप सारे बच्चे मुझे बताओ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्लास ये एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता है तो डेबिट तो यहां पे कहां, कहां पे आए credit आएगा क्रेडिट आएगा क्रेडिट आएगा क्रेडिट आएगा तो निकालो क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना फोर्टी एट सिक्सटी फोर एटी एट फोर्टी एट सिक्सटी फोर और एटी एट थाउजेंड तो फोर्टी एट सिक्सटी फोर एटी एट कितना आएगा तो टोटलिंग करो फोर्टी एट सिक्सटी फोर एट्टी एट फोर्टी एट थाउजेंड सिक्सटी फोर थाउजेंड एट्टी एट थाउजेंड इट्स टू लाख अभी तो निकाला था तो यही करना है आपको क्लास मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है बस और कुछ नहीं भूल गए थे प्रोवाइड कर दिया आपने तो ये हो गया दो लाख ये हो गया दो लाख ये हो गया दो लाख तो ये क्रेडिट है तो यहाँ पे आएगा डेबिट 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 ठीक है तो दो लाख है और इसको रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड किस रेशियो में क्लास लॉस बढ़ेगा प्रॉफिट लॉस फाइव थ्री टू पांच तीन आठ दो दस फाइव थ्री टू तो दस से डिवाइड दो बीस बीस इंटू पाँच एक लाख बीस इंटू तीन फोर्टी तो इसकी टोटलिंग एक लाख है इसकी है फोर्टी एट कौन सी साइड बढ़ी है डेबिट साइड कितने से

जर्नल का एग्जामिनेशन में ऐसे ही करना है आपको पूरा फॉर्मेट बना के और जर्नल का फॉर्मेट तो बना हुआ आता है ऑलरेडी तो आप चाहो तो उसके अंदर ही लिख सकते हो ठीक है पर्टिकुलर्स तो आप एंट्री क्या पास करोगे क्लास सिक्स एट सॉरी 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 हमने तो ऑलरेडी लिख रखा है ना ये डेबिट कौन है अजय और ये फिक्स कहीं भी लिखा है फिक्स कैपिटल देर कैपिटल फिक्स लिखा नहीं है तो करंट की जगह मैं कैपिटल अकाउंट में ही एंट्री पास करूंगा अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से फिफ्टी टू थाउजेंड से और क्रेडिट कौन कौन होंगे क्लास चार हजार से मनीष और अड़तालीस से सचिन टू मनीष कैपिटल अकाउंट चार हजार से टू सचिन कैपिटल अकाउंट नरेशन के लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास यानी कि जो आपने एडजस्टमेंट एंट्री की है वो आप पास हो गई जो गलती थी वो इफेक्ट खत्म हो गया गलती का मेरी बात समझ रहे हो तो इस तरीके से क्लास हमें करना है स्टेट जो पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन है वो इस तरीके से क्लास आपको बनाने हैं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे लिखा है राम श्याम मोहन पार्टनर्स है क्लास इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है टू वन टू यानी टू बाई फाइव वन बाई फाइव वन बाई फाइव देअर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड इनकी कैपिटल है तीन लाख एक लाख और दो लाख रुपए फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटॉस क्रेडिटेड टू देम एट द रेट नाइन परसेंट यानी कि इंटरेस्ट उन्होंने लगा दिया नाइन परसेंट इंस्टेड ऑफ टेन परसेंट यानी लगा दिया नाइन परसेंट लगाना चाहिए था टेन परसेंट नाइन परसेंट गलत है रॉन्ग इसको रिवर्स करेंगे टेन परसेंट सही है इसको प्रोवाइड करेंगे राइट द प्रॉफिट फॉर द ईयर ढाई लाख उससे हमें कोई लेना देना नहीं है शो योर वर्किंग नोट क्लियरली एंड पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री तो पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें थे क्लास ए, ए, एरर ओमिशन था उसके अंदर है ना भूल गए थे है ना आज इसके अंदर एरर और ओमिशन मतलब कि इसमें एरर है यानी कि आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादातर क्वेश्चन एरर के होंगे या फिर ओमिशन के भी आगे क्वेश्चन आएंगे देख लेंगे वो तो यहां पे फिलहाल जो क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना चाहिए दस परसेंट लगा दिया नौ परसेंट तो नौ परसेंट करेंगे रिवर्स और दस परसेंट करेंगे प्रोवाइड जो सही है उसे प्रोवाइड करेंगे जो गलत है उसको रिवर्स कर देंगे तो इसके लिए बना लेते हैं राम श्याम मोहन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ये रहा हमारे पास फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है राम श्याम मोहन तीन पार्टनर्स हैं। अब सारे बच्चे मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड आता है सर डेबिट साइड आता है हम रिवर्स कर रहे हैं तो हम करेंगे क्रेडिट अगर यहां पे क्रेडिट है तो पार्टनर्स में क्या होगा डेबिट 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 हम क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइडेड नाउ रिवर्स रॉन्गली प्रोवाइडेड या क्रेडिटेड नाव रिवर्स गलती से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड कर दिया था और अब आप उसे क्या करोगे रिवर्स करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइडेड नाव रिवर्स तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है क्योंकि ये रॉन्ग है आप रिवर्स कर रहे हो रिवर्स का मतलब क्या होता है साइड चेंज मैंने पहले ही बताया रिवर्स का मतलब साइड चेंज साइड चेंज होगा डेबिट की जगह क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट 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 अब नाइन परसेंट है रॉन्ग तीन लाख का नाइन परसेंट कितना होगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड नाइन थाउजेंड और एटीन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड राम का नाइन थाउजेंड और एटीन थाउजेंड टोटल क्लास आएगा फिफ्टी फोर थाउजेंड मेरी बात समझ आ गई ये हो गया क्लास आपका टोटल इंटरेस्ट कैपिटल नौ परसेंट फिफ्टी फोर थाउजेंड अच्छा अब दस परसेंट को प्रोवाइड करना है तो आप लिखोगे क्लास सेकेंड पॉइंट लिखोगे इंटरेस्ट एट द रेट टेन परसेंट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल आप 10 परसेंट देखो रॉन्ग को रिवर्स किया साइड को चेंज किया लेकिन 10 परसेंट आप प्रोवाइड करोगे मतलब तो तो बताओ कितना है तीन लाख ,00 का टेन कितना बनेगा थर्टी थाउजेंड वन लाख का टेन बनेगा टेन और टू लाख ,00 का टेन परसेंट बनेगा ट्वेंटी थाउजेंड तो टोटल क्लास कितना आ रहा है थर्टी फिफ्टी टेन सिक्स तो जो देखो अगर आप भूल गए होते इसमें अगर ओमिशन होता तो सीधा हम लोग प्रोवाइड कर देते सेकंड स्टेप सीधा प्रोवाइड कर देते सेकंड स्टेप लेकिन यहां पे हम लोगों ने क्या किया क्लास कुछ गलत किया है तो जो गलती करी है उसको ठीक किया और फिर जितना देना था उतना आपने दे दिया दैट्स इट खत्म तो अब हम क्या करेंगे फॉर्म की टोटलिंग एज यूजल हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं टोटलिंग करेंगे ये साइड बड़ी है सिक्सटी थाउजेंड तो दोनों तरफ सिक्सटी सिक्सटी लिख देंगे तो जो बैलेंस बच रहा है वो सिक्स थाउजेंड का है ये बैलेंस बच रहा है क्रेडिट तो यहाँ पे आएगा डेबिट 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 तो आप क्या लिखोगे प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर किस रेशियो में क्लास बटेगा इस क्वेश्चन में जो रेशियो है टू वन टू है टू वन टू तो आप इसको डिवाइड दो फाइव से तो ट्वेल्व हंड्रेड आएगा ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड यह आएगा ट्वेल्व हंड्रेड या आएगा ट्वेंटी फोर हंड्रेड बस अब आप इसकी कर लो टोटली कितना बनता है ट्वेंटी सेवन प्लस टू ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड यह हो गया थर्टी थाउजेंड अब राम की कौन सी साइड बड़ी है क्रेडिट साइड बड़ी है कितने से सिक्स हंड्रेड से अगर मैं शाम की बात करूँ नाइन थाउजेंड टेन थाउजेंड टू हंड्रेड और ये बन गया टेन थाउजेंड कौन सी साइड बड़ी है क्लास शाम की डेबिट साइड बड़ी है 200 से और यहाँ पे देखो 18 19 20000 400 और ये हो गया क्लास 20000 अब यहाँ पे जो बड़ी साइड है वो डेबिट साइड बड़ी है कितने से 400 से तो आप देखोगे डेबिट डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया तो डेबिट कौन है श्याम डेबिट और मोहन डेबिट तो आप फॉर्मेट बनाओगे इसमें जो एंट्रीज पास करोगे इस क्वेश्चन की जो एंट्री पास करोगे फॉर्मेट पर्टिकुलर्स अमाउंट मेन आंसर है तो आप एग्जामिनेशन में फॉर्मेट बना के ही करोगे इसको ठीक है और हेडिंग है जर्नल और एंट्री कौन कौन डेबिट है डेबिट कौन कौन है चेक करो श्याम करंट अकाउंट डेबिट मोहन करंट अकाउंट डेबिट श्याम करंट अकाउंट डेबिट श्याम करंट अकाउंट डेबिट 200 मोहन करंट अकाउंट डेबिट करंट क्यों लिखा क्योंकि शुरू में फिक्स लिखा हुआ था फिक्स कैपिटल है फोर हंड्रेड श्याम मोहन टू श्याम मोहन टू राम टू राम करेंट अकाउंट सिक्स हंड्रेड नरेशन लिखोगे बींग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट ठीक है ये हो गया डन आई है क्लास बात समझ किस तरीके से करना है तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट आपको बनाना है और फिर क्लास आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी जिससे सारी मिस्टेक टुटली वगैरह कुछ नहीं करनी दैट्स इट यही है और ये जो आया क्लास एक कहा से आया आपने प्रॉपर वर्किंग नोट बनाया था ये सारा का सारा जो है क्लास ये वर्किंग नोट है और उसके बाद ही मेन आंसर दोनों करना पड़ेगा इसके बिना क्लास नंबर नहीं मिलेंगे वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर हमेशा आपके आंसर का हिस्सा होना चाहिए वो ठीक है चलो नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन ये भी है राम मोहन सोहन वर पार्टनर्स इनकी रेशियो है टू वन वन टू बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर यहाँ फाइव नहीं है क्लास यहां फोर है आगे लिखा है राम ने विड्रॉ किया थ्री थाउजेंड एवरी मंथ मोहन विड्रॉ करता है फोर थाउजेंड एवरी मंथ इंटरेस्ट इंटरस्ट छह परसेंट वॉज चार्जर पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देना चाहिए लेकिन पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दिया है अगर पार्टनरशिप रीड साइलेंट है तो आपको इंटरेस्ट कैपिटल आप नहीं देना चाहिए था लेकिन आपने दे दिए तो रॉन्ग किया है रिवर्स करेंगे उसको तो सबसे पहले क्लास वर्किंग नोट वन बनेगा इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो निकाल लो पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लेते हैं कौन कौन है क्लास यहाँ पे राम है मोहन है और सोहन है ठीक है तो आप इंटरेस्ट इन ड्राॅइंग निकालोगे तो कैसे निकालोगे क्लास इंटरेस्ट ड्राॅइंग इसने निकाला है राम ने थ्री थाउजेंड मोहन ने राम मोहन सोहन पार्टनर्स हैं टू वन वन है राम विड्रॉ थ्री थाउजेंड एवरी मंथ मोहन विड्रॉ फोर थाउजेंड बस आ, तो सोहन का कुछ है ही नहीं ठीक है तो मोहन ने कितना विड्रॉ किया क्लास ये थ्री थाउजेंड है एक जीरो तो फाइलू आ गया ये थ्री थाउजेंड है और मोहन का जो आएगा वो फोर थाउजेंड है एवरी मंथ साल में बारह महीने होते हैं और जो इंटरेस्ट का रेट है वह सिक्स परसेंट इंटरेस्ट का रेट है सिक्स परसेंट और इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप साइलेंट अबाउट देयर इंटरेस्ट शोइंग योर वर्किंग क्लियरली आपको एंट्री पास करनी है अच्छा इसमें मंथ में कुछ भी गिवन नहीं है कब विड्रॉ किया है जब आपको डेट गिवन नहीं होती तो आप क्लास जनरली मिडिल मानते हो सिक्स बाई ट्वेल्व करते हो तो इस हिसाब से बारह इंटू तीन छत्तीस हज़ार छत्तीस हज़ार का छः परसेंट निकालो और छः महीने के लिए तो सीधा ना आप एक काम करो छत्तीस हज़ार का तीन परसेंट ही निकाल लो शॉर्टकट से है ना क्यों देखो पहले आप छः परसेंट निकाल के आधा करोगे अल्टीमेटली छः एक कम छः छः दो बारह तो ये तीन परसेंट हो ही गया तो तीन परसेंट ही निकाल लो ज़्यादा बेहतर है बारह इन टू चार हज़ार फोर्टी एट थाउजेंड और थ्री परसेंट आ गया वन डबल फोर जीरो तो, तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग हमारा निकल के आया टू फाइव टू जीरो है आपने इंटरेस्ट ड्राॅइंग चार्ज कर लिया जबकि ऐसा डीड में कहीं भी लिखा नहीं है तो आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा राम मोहन सोहन तीनों का तो बना लेते हैं क्लास एक स्टेटमेंट राम मोहन सोहन तीनों का यहां बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट राम मोहन सोहन तीनों का बनाना पड़ेगा बनाओ मेरे साथ साथ बनाओ राम मोहन सोहन फॉर्म तो ये फॉर्म है डेबिट क्रेडिट फॉर्म ये हो गया डेबिट क्रेडिट सोहन डेबिट क्रेडिट मोहन थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा और ये थोड़ा इस चैप्टर में है ही टफ बस यही टॉपिक मतलब हर चैप्टर में कुछ चीज़ें आसान कुछ चीज़ें टफ रहती हैं कुछ चैप्टर पूरा टफ रहता है कुछ पूरा इजी रहता है तो ये थोड़ा मीडियम मान के चलो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगी इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट कराया तो वो क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगी सोहन का डेबिट क्रेडिट मोहन का डेबिट क्रेडिट राम का डेबिट क्रेडिट ठीक है तो ये बन गया पूरा स्टेटमेंट अब इसमें करेंगे क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रॉन्गली डेबिटेड पार्टनर्स के अप्लाई काउंट डेबिट होता है ना तो लिखते हैं रॉन्गली डेबिटेड नाउ रिवर्स और इंटरेस्ट ड्रॉइंग कैसे निकाला वर्किंग नोट वन से और ये कौन सा बना रहे हो वर्किंग नोट तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले तसली तो से एकदम मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन अकाउंट में किस इंटरेस्ट ऑन अकाउंट में क्रेडिट साइड आता, आता है और आपने गलत कर दिया नहीं देना चाहिए था, दे दिया आपने वापिस करो तो क्रेडिट के आइटम को ठीक करने के लिए आप करोगे डेबिट तो डेबिट कितना निकाला आपने टू फाइव टू जीरो अगर ये डेबिट है तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट और क्रेडिट दोनों में राम में और मोहन में वन जीरो एट ज़ीरो वन डबल फोर ज़ीरो वन ज़ीरो एट ज़ीरो वन डबल फोर जीरो क्योंकि अगले पार्टनर का तो ड्राइंग है ही नहीं उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो आता है क्रेडिट अगर भूल गए होते तो अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट ही लिखते लेकिन ये भूले नहीं है गलती से दे दी चार्ज कर लिया चार्ज करना ही नहीं चाहिए था आपने लिख दिया अप्रोपरिएट में ठीक करने के लिए आपने क्रेडिट में लिखा होगा पहले ठीक करने के लिए डेबिट और इन सब में आपने कहा लिखा होगा डेबिट ठीक करने के लिए क्रेडिट होगी गलती ठीक ठीक है बस अब खत्म आप इसकी टोल लिंक कर लो टू फाइव टू जीरो टू फाइव टू जीरो बैलेंस आ रहा है टू फाइव टू जीरो क्रेडिट तो यहाँ पे आएगा डेबिट 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 तीनों में बटेगा ठीक है प्रॉफिट और लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा टू बी शेयर्ड और इस क्वेश्चन में रेशियो है टू रेशियो वन रेशियो वन तो टू फाइव टू जीरो को फोर से डिवाइड देंगे सिक्स थर्टी आएगा इन टू टू येगा वन टू सिक्स जीरो ये सिक्स थर्टी है ये सिक्स थर्टी है एक बार रेशियो क्रॉस चेक कर लो कितना है टू वन वन है ठीक है टू वन वन अब आप इसकी टोटलिंग करो और ये हो गया क्लास वन टू सिक्स ज़ीरो वन ज़ीरो एट ज़ीरो सिक्स थ्री ज़ीरो वन डबल फोर ज़ीरो सिक्स थ्री ज़ीरो और ये डैश है यानी कि ज़ीरो ठीक है तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है अगर मैं राम की बात करूं तो राम की कौन सी साइड बड़ी है डेबिट साइड बड़ी है 180 ठीक है श्याम की कौन सी साइड बड़ी है क्लास यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है वन डबल फोर ज़ीरो माइनस सिक्स थर्टी इट्स एट हंड्रेड टेन और इनकी बड़ी साइड कौन सी है डेबिट साइड सिक्स हंड्रेड थर्टी तो ये हो गया क्लास डेबिट क्रेडिट मैच तो डेबिट डेबिट ये दोनों है ये क्रेडिट है तो क्रेडिट है मोहन इसमें कैपिटल फिक्स लिखा हुआ है कैपिटल की तो कोई बात ही नहीं हुई है इस क्वेश्चन में तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल का ये बन गया क्लास जर्नल का फॉर्मेट पर्टिकुलर्स एल एफ डेबिट क्रेडिट ठीक है क्रेडिट डेबिट एल एफ पर्टिकुलर डेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे बिकॉज ये एंड में ही बन रहा है तो आप एक एंट्री पास करोगे जर्नल कौन कौन क्लास यहाँ पे आप देखो डेबिट कौन हो रहा है क्लास राम RAM. तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट राम कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना डेबिट हो रहा है क्लास राम कैपिटल अकाउंट डेबिट वन और सोहन डेबिट 630, 180, 630, सोहन कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट कितना क्लास बैलेंस आ रहा है मोहन कैप एट हंड्रेड टेन नरेशन लिख दो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मतलब मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया आपको मोर देन इनफ आपको इतनी प्रैक्टिस करके चलना है ठीक है तो इस एक एंट्री को पास करने से जो गलती थी इंटरसेक्शन ड्राइंग था नहीं रीड में फिर भी आपने दे दिया तो उस गलती को आप सुधार सकते हैं इस एक एंट्री को पास करके आई होप आपको एंट्री समझ आ गई होगी ठीक है नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन क्लास अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। मीता और उषा पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3 मीता और उषा का जो है 2:3 है

तो ये भी वही क्वेश्चन है क्लास की आप कई सारी चीज भूल गए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट रिमेन सेम तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हमें निकालना क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छह परसेंट है मीता और ऊषा का निकालना है तो इनकी जो कैपिटल है ओपनिंग बैलेंस अगर आप देखोगे तो ये दे रखा है क्लास यहाँ पे एक चालीस तो एक लाख चालीस हजार है आप इसका छह परसेंट निकालोगे तो एट्टी फोर हंड्रेड आएगा एक लाख बीस हजार का छह परसेंट सेवेंटी टू हंड्रेड तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा आ रहा है फिफ्टीन थाउजेंड ये भूल गए थे ठीक है अच्छा अब अगला है क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये भी चार्ज करोगे मीता और उषा से तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है छह परसेंट है ठीक है मीता और उषा दोनों ने विड्रॉ किया थर्टी टू और एक जनवरी तो आपने एक जनवरी को विड्रॉ किया तो जनवरी फेबर मार्च तीन महीने का आपको क्लास इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिकॉज एक अप्रैल का साल का शुरू है तो एंड होगा इकतीस मार्च तो जनवरी को विड्रॉ किया तो पूरे जनवरी का फेब्रवरी का और मार्च का तीन महीने का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो तीन महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं थर्टी टू थाउजेंड का सिक्स परसेंट आप निकालोगे और थ्री मंथ्स का थ्री बाई ट्वेल्व यह आएगा फोर एटी अगला है ट्वेंटी फोर थाउजेंड इसका निकालोगे क्लास आप सिक्स परसेंट और कितने महीने का क्लास आप निकालोगे तीन महीने का थ्री बाई ट्वेल्व थ्री सिक्सटी तो फोर एटी प्लस थ्री सिक्सटी इट्स एट हंड्रेड फोर्टी तो यह क्लास आगे आपका ठीक है अच्छा नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे मीता ऑज एंटाइटल कमीशन ऑफ एट थाउजेंड तो कमीशन की बात है बस और तो कुछ है ही नहीं ये दो चीजें हैं तो हम बना लेते हैं क्लास स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट तो सबसे पहले आप लिखोगे जो जो चीज़ भूल गए हो ना वो सारी चीज़ें क्लास लिखना स्टार्ट करो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड आप मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोपरेशन में किस साइड आता है डेबिट साइड आप भूल गए तो डेबिट लिखना अगर आपने यहां डेबिट लिखा तो यहां पे क्रेडिट और क्रेडिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाल रखा है कितना एटी फोर हंड्रेड सेवेंटी टू हंड्रेड एटी फोर हंड्रेड और सेवेंटी टू हंड्रेड टोटल आया फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ये दोनों ही क्लास वर्किंग नोट वन से उठाया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है सर क्रेडिट तो क्रेडिट लिखो जबकि यहाँ क्या आएगा डेबिट और डेबिट कितना कितना है क्लास आ, फोर सॉरी फोर एटी थ्री सिक्सटी फोर एटी थ्री सिक्सटी सेवन ट्वेंटी फोर एटी थ्री सिक्सटी सॉरी एट फोर्टी अच्छा अगला क्या है क्लास कमीशन कमीशन टू फुलर आठ हजार तो कमीशन डेबिट तो यहाँ पे क्लास मीता में ये मीता है और उषा है ये ये उषा ठीक है तो कमीशन मीता में डेबिट सॉरी मतलब एप्रोप्रिएशन में डेबिट आएगा तो मीता में क्रेडिट बस तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट इंटरेस्ट इन कैपिटल इंटरेस्ट इन ड्राइंग और कमीशन अब आप करोगे क्लास इसकी टोटलिंग बात समझ आई अब आप इसकी टोटलिंग करोगे तो ये हो गया पंद्रह हज़ार छः सौ प्लस आठ हज़ार तेईस हज़ार छः सौ तेईस हज़ार छः सौ माइनस करोगे आठ सौ चालीस तो बाईस हज़ार सात सौ साठ तो ये क्रेडिट है तो यहाँ पे आएगा डेबिट डेबिट दो ही पार्टनर्स हैं और इस क्वेश्चन में दोनों पार्टनर का जो रेशियो है वह है टू रेशियो थ्री ठीक है ड्राइंग हो गया इंटरसन ड्राइंग हो गया और कमीशन भी हो गया डन सारी चीज़ें हो गई हैं क्लास आ, अब टू रेशियो थ्री ठीक है टू रेशियो थ्री प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड टू रेशियो थ्री टू रेशियो थ्री तो डिवाइड बाई फाइव इंटू टू नाइन वन ज़ीरो फोर और टू टू सेवन सिक्स जीरो घटा तो वन थ्री सिक्स फाइव सिक्स तो ये आ गया क्लास आपका प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब आप मीता की साइड को जोड़ो कि कौन सी साइड जो है वो बड़ी है तो यह है सिक्सटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन वन जीरो फोर प्लस फोर एट्टी या आएगा नाइन फाइव एट फोर तो बड़ी साइड कौन सी है क्लास क्रेडिट साइड बड़ी है कितने से क्लास बड़ी है क्रेडिट साइड या आएगा सिक्स एट वन सिक्स अगर आप इसकी बात करो तो वन थ्री सिक्स फाइव सिक्स प्लस थ्री सिक्सटी ये आएगा वन फोर जीरो वन सिक्स और ये है सेवेंटी टू हंड्रेड तो ये डेबिट साइड बड़ी है और ये कितने से बड़ी है क्लास सिक्स एट वन सिक्स आप देखोगे बिल्कुल मैच हो गया तो आप एंट्री पास कर सको ऊषा टू मीता क्योंकि यहाँ फिक्स्ड कहीं भी लगा नहीं है तो इसकी एंट्री होगी ऊषा टू मीता तो आप फॉर्मेट बनाओगे और एंट्री पास करोगे ऊषा कैपल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपल अकाउंट ठीक है ऊषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टूमी था कैपिटल इस तरीके से क्लास क्वेश्चन आपको करना है अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया गया ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया हो तो सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल को निकालोगे फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ये भी ध्यान रखना अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पे ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन हो ठीक है तो आपको सॉरी क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा तो वो लिखा रहेगा क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर ड्राॅइंग्स एंड प्रॉफिट तो आप समझ जाना अपने ओपनिंग कैपिटल निकालना फिर बाकी सारा काम जो है सेम है ठीक है तो कौन कौन है क्लास डेबिट क्रेडिट देखो जरा मेरा तो डेबिट है उषा टू मीता सिक्स एट वन सिक्स उषा कैपल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल सिक्स एट वन सिक्स सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटीन ऊषा टू मीता टू मीता कैपल अकाउंट नरेशन क्या लिखोगे बींग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट ठीक है बींग एडजस्टमेंट एंट्री और जो गलती थी इस पूरे क्वेश्चन में तीन चीज ओमिशन थी तो उन तीनों चीजों को क्लास आपने प्रोवाइड कर दिया एंड ठीक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट सबसे पहला सवाल क्या किसी पार्टनर को लॉस शेयर करने से रोका जा सकता है तो आंसर इज यस किसी पार्टनर को गारंटी देकर लॉस को शेयर करने से रोका जा सकता है कि सिर्फ वो प्रॉफिट का हिस्सेदार होगा उसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा लॉस में उसका कोई शेयर नहीं होगा यानी कि उसको मिलेगा तो प्रॉफिट ही मिलेगा चाहे बिजनेस ही लॉस में क्यों ना चला जाए तो हाँ ऐसा किया जा सकता है पार्टनरशिप डीड में लिख के हम लोग क्लास किसी पार्टनर को गारंटी दे सकते हैं कि भाई तेरे को इतना प्रॉफिट तो मिनिमम कम से कम की गारंटी होती है हमेशा कि कम से कम तुम्हें इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा अब अगर सर कुछ कम पड़ जाता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो झेलेंगे उसको लेकिन भैया तुमको तो कम से कम प्रॉफिट इतना होगा ही होगा इस कॉन्सेप्ट को तो कहते हैं क्लास मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर राइट अब इस सिचुएशन में पहला सवाल यह है कि सर अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है तो वो गारंटी देता कौन है एग्जाम्पल के तौर पर ए तीन पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है थ्री रेशियो टू और बिजनेस ने जो नेट प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है मान लो क्लास वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड एक लाख बीस हजार का प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया है ठीक है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड और बी को गारंटी मिली है कि भाई तुम्हारा जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो थर्टी थाउजेंड होगा यानी बी को आपने गारंटी दी है कि जो तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट होगा वो कितना होगा क्लास थर्टी थाउजेंड होगा आपने बी को गारंटी दे दी कि आपका जो मिनिमम प्रॉफिट्स है वो कितना है थर्टी थाउजेंड का मिनिमम प्रॉफिट आपका ठीक है ओके okay, जी बात समझ आ गई थर्टी थाउजेंड कम से कम प्रॉफिट अब ये गारंटी दी किसने है भाई जिसको गारंटी मिली है वो बी है दी किसने ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है ध्यान से सुनना बेटा यही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है जब कभी भी हमें ये ना पता हो गारंटी किसने दी है तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उन्होंने ही गारंटी दी है यानी ए और सी ने गारंटी दी है इसको आप फॉर्म भी कह सकते हो कि फॉर्म ने गारंटी दी है रिमेनिंग पार्टनर ने गारंटी दी है ठीक है तो जो भी कुछ कम पड़ेगा उसको एक वर्ड दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी यानी कमी कि भाई कमी कितना है मान लो इसको गारंटी मिली है थर्टी थाउजेंड की लेकिन इसका एक्चुअल प्रॉफिट फोर्टी आ रहा है थर्टी वन आ रहा है ये थर्टी भी आ रहा है या सेवेंटी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं खुश है जी भी बहुत खुश है कि भाई चलो मुझे तो ज़्यादा ही मिलेगा वो बहुत खुश है ठीक है लेकिन अगर कम पड़ गया तो भैया उस डेफिशिएंसी को यही झेलेंगे क्लास ए और सी और भी किस रेशियो में अपनी में, अपनी पीएसआर में में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ए का है थ्री और सी का है वन तो इस रेशियो में वो बीयर करेंगे सर क्या ऐसा हो सकता है बी को अकेले ए गारंटी दे दे बिल्कुल हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि सी अकेले ए को बी को गारंटी दे यस हो सकता है क्वेश्चन कहता है तो ऐसा भी हो सकता है कि ए और सी उस डेफिशिएंसी को या किसी और रेशियो में शेयर करेंगे कुछ भी हो सकता है लेकिन सवाल यह है जब आपको कुछ भी ना पता हो तो मतलब रिमेनिंग पार्टनर ने गारंटी दी है वो भी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी इनकी रेशियो है उसमें गारंटी दी है थोड़ा समझते हैं अच्छे से और हा गारंटी का टॉपिक हमें हमेशा लास्ट में काम आता है जब आप पूरा का पूरा पी एंड एल पीएडलेशन बना चुके हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख चुके हो सैलरी सब कुछ लिख चुके हो जब लास्ट में प्रॉफिट का बंटवारा होता है लास्ट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब हमें गारंटी की जरूरत पड़ती है उससे पहले हमें गारंटी की कोई जरूरत नहीं पड़ती ठीक है तो ये नाइट प्रॉफिट एक लाख बीस हजार का आप तीनों में बांटो जरा ठीक है ए बी बी और सी ठीक है तो इसको डिवाइड दो बीस इंटू तीन साठ हजार बीस इंटू दो चालीस बीस इंटू एक बीस तो अब बी को गारंटी कितने की मिली थी कम से कम तीस हजार की और यहां कितना मिल रहा है चालीस हजार इस केस में गारंटी का कोई काम नहीं होगा तुम्हें गारंटी की कोई भी जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में इस केस में तुम्हें गारंटी है कुछ करना ही नहीं समझ लो कुछ लाइन लिखी ही नहीं है क्यों जितनी मिनिमम गारंटी मिली थी ना उससे ज्यादा मिल रहा है कम से कम की जो गारंटी मिली थी ना क्लास उससे ज्यादा ही मिल रहा है तुम्हें कुछ भी नहीं करना छोड़ दो भूल जाओ खत्म क्वेश्चन खत्म प्रॉफिट का बंटवारा हो चुका है ठीक है अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दू प्रॉफिट एक बीस की जगह साठ ले लू कि प्रॉफिट जो है वो सिक्सटी थाउजेंड का है तो ऑब्वियसली क्लास सिक्सटी थाउजेंड को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा ये थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड और टेन थाउजेंड अब इसको गारंटी जो मिली थी वो कितने की मिली थी थर्टी की भाई थर्टी ही मिलना चाहिए इसको और यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है वो कितने का है टेन थाउजेंड का इस टेन थाउजेंड क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी कि भैया इतना कम पड़ रहा है आपने गारंटी दिया था मुझे तीस हजार का मेरे को मिला तो बीस हज़ार ही है तो डेफिशिएंसी कितने का है दस हजार का है अब इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा कुछ लिखा नहीं है अगर क्वेश्चन कहता ए अकेले बियर करेगा सिर्फ ए से माइनस कर देते क्वेश्चन कहता सी अकेले बियर करेगा सी से माइनस कर देते दोनों बराबर बराबर बियर करेंगे दोनों से आधा आधा पांच पांच हजार माइनस कर देते इस क्वेश्चन में कुछ भी लिखा नहीं है तो दो ये जो डेफिशियंसी टेन थाउजेंड का है इसको बियर कौन करेंगे ए और सी अपनी ही रेशियो में यानी कि थ्री बाई फोर और वन बाई फोर तो यानी कि सेवेंटी फाइव हंड्रेड आप यहाँ से घटा दो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आप यहाँ से घटा दो तो इसके पास लास्ट में बचेगा सेवेंटी फाइव हंड्रेड इसके पास बचेगा ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इस तरीके से क्लास गारंटी का पूरा का पूरा सवाल बन जाता है और यह पूरा का पूरा गारंटी का कॉन्सेप्ट अब इसकी एंट्री क्या होगी ये जो प्रॉफिट का लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है गारंटी हुई है इसकी एक एंट्री भी होती है तो इसकी एंट्री आप क्या करोगे ध्यान से देखना क्लास इसकी एंट्री क्या करोगे जिनका कैपिटल अकाउंट माइनस हुआ वो डेबिट कर दो तो ए डेबिट सेवेंटी फाइव हंड्रेड सी डेबिट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू बी टेन थाउजेंड बी को टेन थाउजेंड मिल गया और ए और सी से टेन थाउजेंड निकल गया यानी इनकी कैप जिसके कैपिटल से माइनस हुआ वो डेबिट जिसके कैपिटल में प्लस हुआ वो क्रेडिट आई बात समझ क्लास तो ये थे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर गारंटी जितने की दी है ज्यादा मिल रहा है तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है अगर कम मिल रहा है गारंटी से तो जो डेफिशिएंसी आएगी ये प्लस कर देना डेफिशिएंसी चाहिए था इसको तीस मिल गया कम से कम और जो दस हजार की भरपाई है वो ए और सी से कर लेंगे किसी एक ने दिया होता तो उसी से करते कोई और रेशियो होती तो हम उस रेशियो में करते जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हम कर लेंगे ठीक है ओके सर कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए ठीक है अब एक लास्ट पैटर्न के क्वेश्चन में मैं और चेंज करूँगा और उसका देखते हैं क्लास किस तरीके से आप लोग आंसर दे बहुत बढ़िया पैटर्न है मैं खत्म ही कर रहा हूँ गारंटी को पूरा फिर हम बस सवाल सवाल बनाएंगे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा ठीक है अच्छा अगर मैं बोलूँ नेट प्रॉफिट साठ हज़ार की जगह नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस है साठ हज़ार का अब प्रॉफिट नहीं है लॉस है साठ हज़ार तो लॉस तो ब्रैकेट में आएगा भाई लॉस तो माइनस है भाई मैं मैं बोलूँगी

माइनस दो मंजिल नीचे चला गया आप बेस बेसमेंट में दो मंजिल नीचे आपको जाना था तीन मंजिल तक तो आपको पांच मंजिल चढ़ना पड़ेगा दो मंजिल ग्राउंड पे आने के लिए और तीन मंजिल ऊपर यानी टोटल फाइव फिफ्टी थाउजेंड यानी कि आप मुझे माइनस ट्वेंटी में अगर ये जीरो होता तो मैं प्लस थर्टी करता थर्टी आ जाता ये माइनस है मुझे प्लस करना पड़ेगा फिफ्टी ताकि क्लास थर्टी थाउजेंड मेरा आंसर आ जाए यानी कि थर्टी थाउजेंड गारंटी मिली थी वो इसको मिल जाए यानी इस सिचुएशन में जो डेफिशिएंसी है वो कितने की है फिफ्टी थाउजेंड के एमसीक्यू में पूछा सकता है डेफिशिएंसी कितने की है क्लास पचास हजार की इस केस में जो डेफिशिएंसी निकल के आ रही है विच इज फिफ्टी थाउजेंड यानी कि पचास हजार की डेफिशिएंसी ठीक है फिफ्टी okay. थाउजेंड की डेफिशिएंसी आ गई यहां तक मुझे लगता है आप सबको अच्छे से क्लियर है ये हो गया फिफ्टी थाउज अब इस फिफ्टी थाउजेंड को ये बियर करेंगे थ्री रेशियो वन में यानी कि थ्री बाई फोर और वन बाई फोर तो क्लास अब कैसे होगा जरा ध्यान से देखो और एंट्री क्या होगी तो ये जो फिफ्टी थाउजेंड है इसको फोर से डिवाइड दो बारह हज़ार पाँच सौ इंटू तीन थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये नुकसान हो गया तो कुल मिला के जो नुकसान इसका हुआ है वो हुआ सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लॉस ठीक है यानी इसको लॉस पहले तीस का था बट तो गारंटी दिया लॉस और बढ़ गया सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है यह आएगा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड लॉस तो ये आंसर आएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये लॉस है इसको मिला प्रॉफिट इन दोनों को मिला लॉस और एंट्री क्या बताई थी मैंने जिसको प्रॉफिट मिल रहा है उसका क्रेडिट कर दो लाइक टू बी कितना फिफ्टी थाउजेंड और जो दे रहे हैं गारंटी उनसे माइनस कर दो ए से माइनस कर दो सैंतीस पाँच सौ और सी से माइनस कर दो बारह पाँच तो ये हो गया क्लास आपका डन ठीक है कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी आई होप आप क्लास समझ गए इसको कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी आपको अब नहीं होगी ठीक है चलिए तो इस तरीके से क्लास हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपका अच्छे से कवर हो गया अब हम चलते हैं क्लास इसके कुछ क्वेश्चंस पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर के और एक एक करके क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं अच्छे से इसको बनाते हैं ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ए तीन पार्टनर्स है इनकी रेशियो है फोर टू वन फोर बाई सेवन टू बाई सेवन और वन बाई सेवन ठीक है इट वॉज़ प्रोवाइडेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट ट बी लेस देन सेवेंटी फाइव थाउजेंड सी का हिस्सा भैया पिचहत्तर हजार नहीं होना चाहिए किसी भी साल किसी भी ईयर उसका हिस्सा सेवेंटी फाइव थाउजेंड से कम नहीं होना चाहिए प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड थ्री लाख फिफ्टीन थाउजेंड यू आर रिक्वायर्ड टू शो दूप्रियशन द पार्टनर प्रॉफिट लॉस इज नॉट रिक्वायर्ड आपको जरूरत नहीं है छोटी सी चीज है इसमें प्रॉफिट लॉस की जरूरत नहीं है तो हम क्लास कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन तीन लाख पंद्रह हजार है पहले नॉर्मल रेशियो में बांट दो पहले तीनों में बंटवारा कर दो ठीक है तीनों में बंटवारा कर दो तो ये आएगा एक लाख अस्सी हजार नब्बे हजार और पैतालीस हजार ठीक है ओके अब ये हो गया ये है क्लास ए का ये है बी का ये है सी का अब गारंटी किसको मिली थी सी को कितने की फाइव थाउजेंड की तो जो डेफिशिएंसी है वो कितने की है डेफिशिएंसी वो है थर्टी थाउजेंड की तभी तो सेवेंटी फाइव होगा तो ये आगे क्लास कितना सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो ये थर्टी थाउजेंड की डेफिशिएंसी है जो कमी है थर्टी थाउजेंड की वो कौन बियर करेगा क्लास में किसने गारंटी दी है किसी का नाम नहीं लिखा किसने गारंटी दी है ठीक है तो ए और बी ने ही दी है और फोर रेशियो टू क्लास रेशियो है तो यहाँ से कर दो क्लास माइनस इसमें प्लस कर दिया यहाँ से कर दो माइनस तो तीस हज़ार का फोर रेशियो टू को हम कार्या लिख सकते हैं क्लास टू रेशियो वन तो ट्वेंटी थाउजेंड टेन थाउजेंड यह ट्वेंटी थाउजेंड यह टेन थाउजेंड इसका क्लास आ गया एट्टी थाउजेंड और इसका आ गया वन एट्टी माइनस ट्वेंटी कितना आएगा सिक्सटी वन लैख सिक्सटी थाउजेंड न एट्टी माइनस कर दोगे दोवेंटी आ जाएगा क्लास वन लाख सिक्सटी थाउजेंड तो ये हो गया क्लास एक लाख साठ हजार ये हो गया अस्सी हजार और ये हो गया क्लास आपका सेवेंटी फाइव ये इसको सेवेंटी फाइव गारंटी मिली थी मिल गया सेवेंटी फाइव और इन दोनों ने गारंटी दी थी तो इनका हिस्सा क्लास जो है वो कम हो गया ओके okay? तो यही है इसमें अप्रोप्रिएशन बनाना नहीं था अगर बनाना होता तो ये तीनों चीजें डेबिट साइड जहाँ पे प्रॉफिट बांटते हैं ना टू डिविजिबल प्रॉफिट्स वहां पर कर देते बस और कुछ नहीं इतना ही क्लास आपको करना होता है ठीक है नेक्स्ट अभी सेकंड क्वेश्चन है जरा इसको भी बनाते हैं अच्छे से ध्यान समझना पी क्यू पार्टनर से फाइव रेशियो थ्री है एक अप्रैल को आर को एडमिट किया न्यू पार्टनर वन एट शेयर के लिए विद गारंटीड प्रॉफिट सेवेंटी फाइव थाउजेंड बेस को भी सेवेंटी फाइव थाउजेंड गारंटी दे दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्लास रिमेन सेम है बट दे अग्री टू बियर एनी डेफिशियंसी ऑन अकाउंट्स थ्री रेशियो टू कहते हैं अगर कुछ कम पड़ता है गारंटी दे दी भाई किसको गारंटी दे दी आर को पिछत्तर हजार की कुछ कम पड़ता है तो हम झेलेंगे थ्री रेशियो टू में ये भाई तीन रुपए देगा मैं दो रुपए दूंगा और जो भी तेरी कमी पड़ती है वो हम तेरी भरपाई कर देंगे कॉम्पनसेट कर देंगे और फॉर्म के एंड प्रॉफिट है चार लाख रुपया प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रियशन अकाउंट तो यहीं भी मैं बना देता हूँ कि बहुत ही सिंपल है और कुछ तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में अप्रोप्रिएशन अकाउंट अब हम सीख चुके हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं लिखो बाई

चार लाख टोटलिंग कर दो चार लाख टोटलिंग कर देंगे चार लाख ठीक है आई क्लास बात समझ अब जो चार लाख का अमाउंट है इसको आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसका वन बाई एट है तो चार लाख को एट से डिवाइड दो ये आगे क्लास फिफ्टी थाउजेंड आर को दे दिया वन बाई एट मेरी बात ध्यान समझना इस डिस्ट्रीब्यूशन में कई बच्चों को दिक्कत आती है तुम्हें नई रेशियो कुछ नहीं निकालना चार लाख है वन बाई एट दे दिया पचास तो चार लाख में से पचास गया तो कितना बच्चा तीन लाख पचास हज़ार इसकी रेशियो क्या है क्लास फाइव रेशियो थ्री तो इसको एट से डिवाइड दो इनटू कर दो फाइव तो ये आ गया टू वन एट सेवन फाइव जीरो टू वन एट सेवन फाइव ज़ीरो तीन लाख पचास हज़ार था चार चार लाख में से फोर लाख में से फिफ्टी थाउजेंड दे दिया आपने आ गया थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी का फाइव बाई एट थ्री फिफ्टी का थ्री बाई एट यह आएगा वन थ्री वन टू ठीक है, तो ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब सुनो गारंटी किसको मिली थी आर को मिली थी, कितने की 75,000 थाउजेंड मिला कितना पचास तो डेफिशिएंसी कितने की है ट्वेंटी फाइव ताकि इसको कितना मिल जाए इसको मिल जाए सेवेंटी फाइव तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी हमारे पास निकल कर आ गई है वो है क्लास ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ये जो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है यहाँ से आप माइनस करोगे इन दोनों से माइनस करोगे इसमें आपने जोड़ देना है, और इस डेफिशिएंसी को वो थ्री रेशियो टू में बियर करेंगे पाँच से डिवाइड दोगे तो पंद्रह हज़ार और दस हज़ार फिफ्टीन थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड तो टू वन एट सेवन फाइव ज़ीरो माइनस कर दोगे फिफ्टीन थाउजेंड आएगा टू ज़ीरो थ्री सेवन फाइव ज़ीरो आएगा वन थ्री वन टू फाइव ज़ीरो माइनस टेन थाउजेंड या आएगा वन टू वन टू फाइव ज़ीरो तो आप इस तरीके से प्रॉफिट्स का बंटवारा करोगे जो भी डिविजुअल प्रॉफिट है उसको क्लास आपने इन तीनों रेशियो में तीनों पार्टनर में पी में, की क्लास जो बनती है उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है राइट तो ये है क्लास क्वेश्चन जहां पे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रियशन बनाकर आप गारंटी का काम करते हो यही काम हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट में किया था और यही काम अब हमने क्या किया है क्लास अकाउंट बना के कर लिया बात बराबर है आप सबसे पहले प्रॉफिट को नॉर्मल रेशियो में बांटो फिर देखो जिसका कम पड़ रहा है वो कितना कम पड़ रहा है जिन्होंने गारंटी दी उनसे माइनस कर दो जिनको मिला उनमें प्लस कर दो खत्म इतना ही आपको करना है नाउ अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे इसको बनाते हैं अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं और इन्होंने एक अक्टूबर को कमेंस किया बिजनेस यानी कि इन्होंने इस साल सिर्फ छह महीने ही काम किया है शेयर द प्रॉफिट रेशियो फोर थ्री थ्री फोर बाई टेन थ्री बाई टेन और थ्री बाई टेन ठीक है आगे लिखा है एक्स पर्सनली गारंटीड एक्स भाई ने पर्सनली गारंटी दे दी भाई मैं देखूंगा जो भी घाटा होगा मैं झेलूंगा एक्स ने पर्सनली गारंटी दे दी दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैप्लाट टेन परसेंट वुड नॉट बी लेस देन एट्टी थाउजेंड इन अयर भैया साल भर का अस्सी है बट अभी तो साल भर नहीं हुआ है सिर्फ छह महीने हुए हैं ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है थ्री मार्क्स का एग्जामिनेशन में हाईली एंटिसिपेटेड है भैया कोई भी डेट हो सकता है यहाँ पे तो चालीस हजार ही होगा अभी इस साल तो छह महीने काम किया ना साल भर का अस्सी है छह महीने का चालीस कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तीनों को देखा है प्रॉफिट देखा है एक लाख साठ आपको आपका अकाउंट बनाना है तो बना लेते हैं प्लस पी एनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट और ये डेबिट सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और, और यह है नेट प्रॉफिट कितने का नेट प्रॉफिट है दे रखा है ना एक लाख साठ हजार सामने ही है एक लाख साठ हजार टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई और जेड और कितनी कैपिटल है क्लास इनकी एक्स की कैपिटल है दो लाख तो दो लाख का दस परसेंट इतने का बीस हज़ार छः महीने का आएगा दस हज़ार बिकॉज एक अक्टूबर शुरू किया हुआ है और इसका है क्लास यहाँ पे तीन लाख एक सेंड एक सेंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है तीन लाख है ना तीस हजार पंद्रह हजार आएगा इसका दस नहीं दस तो नीचे वाले का आएगा इसका आएगा पंद्रह हजार इसका आएगा दस हज़ार और ये डेढ़ लाख है इसका दस पंद्रह हज़ार सात हजार, हजार पाँच सौ तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखूं तो आएगा क्लस बत्तीस थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अब हम टोटलिंग करेंगे इसकी आगे एक लाख साठ हजार साठ हजार माइनस करेंगे थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक लाख सत्ताईस हजार पांच सौ ठीक है इसमें कोई गलती नहीं है यहां तक तो गारंटी का कोई काम ही नहीं किया यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन देखो हमने सॉल्व किया है अब हम करेंगे गारंटी का काम टू डिविजिबल प्रॉफिट्स टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स वाई और जेड ठीक है तो अब एक लाख सत्ताईस हज़ार पाँच सौ है और रेशियो कितनी है फोर थ्री थ्री टेन से डिवाइड दो बारह सात सौ पचास वन टू सेवन फाइव ज़ीरो इन टू फोर फिफ्टी वन थाउजेंड वन टू सेवन फाइव ज़ीरो इंटू थ्री थ्री एट टू फाइव ज़ीरो थ्री एट टू फाइव ज़ीरो भाई गारंटी मिली थी कितने की चालीस हजार की तो जो डेफिशिएंसी आ रही है वो सिर्फ आ रही है वन सेवन फाइव जीरो की अगर आपको दिख रहा हो डेफिशिएंसी वन सेवन फाइव जीरो की इसमें प्लस कर दो और यहां से वन सेवन फाइव जीरो माइनस कर दो यानी कि एक्स से वन सेवन फाइव जीरो माइनस कर दो एक्स का आ जाएगा फोर नाइन टू फाइव जीरो वाई में कोई छेड़खानी नहीं, नहीं और वाई को चालीस चाहिए था जेड को चालीस चाहिए था जेड को चालीस मिल गया यानी एक्स का आएगा फोर नाइन सेवन फाइव जीरो वाई का थ्री एट टू फाइव जीरो और जेड का आएगा फोर्टी थाउजेंड वन सेवन फाइव जीरो की इस क्वेश्चन में डेफिशियसी थी तो ये है क्लास क्वेश्चन सब कुछ बिल्कुल सेम जैसा अभी तक किया था अब इस क्वेश्चन में अब इससे सैलरी भी हो सकता है कमीशन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो पार्टनर को जो ये मिलेगा ना फोर्टी नाइन टू फिफ्टी थर्टी एट टू फिफ्टी और फोर्टी थाउजेंड ये इंटरसन कैपिटल के अलावा है इंटरसन कपिटल मिल देखिए पार्टनर खड़े हैं ठीक है थीके? हमने तीनों को मान लो इंटरसन कैपिटल दे दिया ये लो भाई लो दे दिया अब जो प्रॉफिट बचा है उस प्रॉफिट में से जो गारंटी मिली है तीनों के हिसाब से जो ये बटा है वो दे देंगे मतलब पार्टनर को मिला के ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट और वाई को मिल रहा है थर्टी एट टू फिफ्टी प्लस टेंथ और जेड को मिला है चालीस हजार प्लस सात हजार प्र� पाँच सौ अलग अलग अमाउटी तो टोटल बनेगा क्लास यहाँ पे 160, ये तो कुल 127, है। उसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा तो पार्टनर को ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है ठीक है चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं क्लास यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है जो हमने अभी बनाया तो पढ़ते हैं अमे अनमोल और रोहन एग्जामिनेशन में आ चुका है पहले ठीक है ये सैंपल पेपर का सीबीएसई क्वेश्चन है एक जुलाई 2021 टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस थ्री टू वन अमे गटेड That, रोहन अब अब देखो पिछले क्वेश्चन में एक्स ने, ने गारंटी गारंटी दी दी थी अब ने खुद भैया का काम कितने महीने किया है क्लास? जुलाई, तो जुलाई से काम चालू हुआ एंटर किया है क्लास जुलाई, तो जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर मार्च नौ महीने बनते छत्तीस हजार है तो नौ महीने का बनेगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड तो गारंटी जो मिली है वो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड की और बियर कौन करेगा अमे अमे खुद झेलेगा और नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है एक लाख अड़तीस हजार तीनों कैपिले दो एक एक तो बना लेते हैं क्लास प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ध्यान से देखना क्लास यहां पे सबसे पहले बाई पी एंड एल अकाउंट और ये क्या है नेट प्रॉफिट वन लाख ये नेट प्रॉफिट तो पूरा है छह महीने का ये ये पूरा साल के एंड में जो कमाया वही है अब लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रोहन तो कितना कितना क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दो लाख तो कितना क्लास यहाँ पे फिक्स कैपिटल करेंट अकाउंट में लिख देना बस इतना ध्यान रखना और इंटरेस्ट कैपिटल है छह परसेंट दो लाख का छह परसेंट और नौ महीने का यह आएगा नाइन थाउजेंड एम का दूसरे का आएगा एक लाख का छ हजार नाइन मंथ्स का क्लास फोर्टी फाइव हंड्रेड आएगा अगले का है क्लास एक लाख का छः परसेंट छ हजार और नाइन बाई ट्वेल्व आएगा फोर्टी एक से ऐसा कैसे हो गया अच्छा दोनों का अच्छा ये एक लाख ही तो है दोनों का सॉरी दोबारा पता नहीं क्यों निकाल दिया ये टू वन वन ही तो है सेम आएगा इनका अठारह हजार का क्लास क्या आ गया आप तो अब एक काम करो अब जो तुम्हारे पास लास्ट में प्रॉफिट बचा हुआ है वन लाख थर्टी एट थाउजेंड का उसमें से आप माइनस कर दो अट्ठारह हजार वन थर्टी एट माइनस एटीन यह क्लास आ गया आपका वन लाख ट्वेंटी यहां तक गारंटी का कोई काम नहीं है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट करेंट अकाउंट ऑफ अमे अमे के बाद अनमोल और अनमोल के बाद है रोहन तो अब एक लाख बीस हजार है रेशियो कितनी है क्लास? थ्री टू वन तो छह से डिवाइड दो बीस इंटू तीन साठ हजार बीस इंटू दो चालीस हजार बीस इंटू एक ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी थाउजेंड अच्छा गारंटी कितने की थी ट्वेंटी सेवन थाउजेंड की अब यहाँ एक्चुअल मिल रहा है

तो वही ये गारंटी काम है जो लास्ट में कर रहे हैं यहाँ इतना पोर्शन जो है क्लास वो नया है प्लस माइनस वाला बाकी सारा अब बच्चा यहाँ छिटछाट गलत करेगा इस आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब अगर कोई बच्चा ये गलती करता है तो अभी उसके मान लो यहाँ इसके नंबर मिलेंगे इस पॉइंट के नंबर मिलेंगे इनकी कैलकुलेशन नंबर मिलेंगे इसकी कैलकुलेशन के नंबर मिलेंगे यही कटेंगे बस मतलब तीन नंबर का क्वेश्चन अगर है तो दो नंबर तो आपको मिलेंगे तो एक ही नंबर कटेगा अकाउंट्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है हर स्टेप आपको ध्यान रखना है जितने स्टेप सही होंगे उतने नंबर मिलेंगे जो गलत होंगे उसके नहीं मिलेंगे ठीक है एक क्वेश्चन है जो कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का है बहुत अच्छे समझना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है अंकुर भावना और दिशा तीन पार्टनर्स हैं और एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है एक अप्रैल 2022 को इनकी जो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो है फोर्टीन लाख सिक्स लाख और फोर लाख रेस्पेक्टिवली दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेवन थ्री टू मतलब सेवन बाई ट्वेल्व थ्री बाई ट्वेल्व और टू बाई ट्व रेस्पेक्टिवली पार्टनर्स आर एंटाइटल इंटरेस्ट कैपिटल छह परसेंट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छह परसेंट और लास्ट में लिखा है प्रॉफिट लॉस अप्रोपरेशन अकाउंट बनाना है तो हम बनाते हैं एक एक करके आप लोग थोड़ा सा हेल्प करना ठीक है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अंकुर भावना दिशा तो ये रहा क्लास फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है पर्टिकुलर्स डेबिट साइड अमाउंट पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड अमाउंट और यहां लिखोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक है तो सबसे पहले क्लास आप यहां लिखते हो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट ठीक है यहां लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकुर भावना और दिशा तो कितना कितना है क्लास यहाँ पे फोर्टीन लाख का सिक्स परसेंट सिक्स लाख का सिक्स परसेंट फोर लाख का सिक्स परसेंट तो so, 14 लाख ,00 का 6 परसेंट निकालो कितना आ रहा है 14 लाख ,00 का 6 परसेंट करो क्लास कैलकुलेट 14 लाख ,00 का 6 परसेंट इट्स 84,000 और छः और चार 84,000 6 लाख ,00 का 6 परसेंट थर्टी सिक्स थाउजेंड लाख का 6 परसेंट ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स और एटी फोर ये आ गया वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड ठीक है एक कैलकुलेशन आपने सही कर दी अगर आपका ये सही है तो इसके नंबर आपको मिलेंगे प्रॉपर भले ही पूरा क्वेश्चन गलत हो ये अगर आपने सही लिखा एक स्टेप उसके नंबर मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट है एंड सैलरी टू भावना पचास हजार पर एनम कमीशन थ्री थाउजेंड टू दिशा और पर मंथ का है थर्टी सिक्स तो भावना को पचास हजार है सैलरी टू सैलरीज भावना है पचास हजार साल का है तो मल्टीप्लाई मत करना कुछ भी टू कमीशन दिशा का थर्टी सिक्स थाउजेंड का ये आपने कर लिया यहाँ तक ये पूरा का पूरा ठीक है अब ये जो ये तीन लाइन लिखी है क्लास मैं इसको अभी यहाँ तक पेंडिंग कर लेता हूँ ठीक है ये जो लाइन है यहाँ से और द प्रॉफिट फॉर द फर्म वो है नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड वो मैं लिख लेता हूँ क्लास नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो ये हमने अपना नॉर्मल काम कर लिया एडजस्टमेंट का छोड़कर विदाउट एडजस्टमेंट हमने सारा का सारा काम कर लिया अब हम टोटलिंग कर लेते हैं इसकी आंसर निकालने के लिए कितना है नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड अब तक तो आपको काफ़ी चीज़ें आ गई होंगी अगर आप शुरू से देख रहे हो इस चीज़ को तो नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड नाइन फिफ्टी में से माइनस कर देंगे नाइन फिफ्टी माइनस वन लाख फोर्टी फोर माइनस फिफ्टी माइनस थर्टी सिक्स इट सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड आपका मेन आंसर आ गया सेवन ट्वेंटी थाउजेंड इसको टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अंकुर भावना और दिशा ठीक है अंकुर भावना दिशा और इनकी जो रेशियो दे रखी है आ, इस क्वेश्चन में अंकुर भावना दिशा पार्टनर्स एक एपल को इनकी बैलेंसेस दे रखे एंटाइटल इनमें रेशियो की क्लास कोई बात ही नहीं कही है है ना रेशियो की क्लास कोई बात नहीं कही गई है तो थ्री से डिवाइड दे दो टू फोर्टी टू फोर्टी टू फोर्टी टू लाख फोर्टी थाउजेंड टू लाख फोर्टी थाउजेंड टू लाखेंड तो ये क्लास रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली अब इस क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी गई है जो हमें पढ़ना है जो हमने अभी तक छोड़ दिया था जरा हम क्लास उस लाइन को पढ़ के देखते हैं जो हमने अभी स्किप कर दिया था ठीक है इसमें लिखा हुआ है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक लाख सत्तर हजार भावना का जो प्रॉफिट है वो एक लाख सत्तर हजार रुपए से यार भावना का तो बहुत ज्यादा है, है ना इनकी रेशियो आई थिंक इवन होनी चाहिए अंकुर भावना कैपिटल रेस्पेक्टली देश अच्छा ये रहना क्लास सेवन थ्री टू पता नहीं क्या सोच के इक्वल कर दिया सेवन थ्री टू है वही मैं कहूँ मुझे याद आ रहा है हमने कर रखा है कुछ नहीं सेवन थ्री टू है तो सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड सात तीन दस दो बारह बारह ठीक है इंटू सेवन ये आएगा चार लाख बीस हजार ठीक है और यह आएगा एक लाख अस्सी हजार तो सेवन थ्री टू एक लाख बीस हजार ठीक है ये हो गया सेवन ट्वेंटी ठीक है अच्छा इसमें क्या लिखा है क्लास की जो भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट है इस गारंटीड नॉट लेस देन वन सेवेंटी तो यहाँ देखो भावना का जो शेयर है वो वन एट्टी है गारंटी वन सेवेंटी की मिली थी तो ये वन एट्टी है ज़्यादा है अगर प्रॉफिट इनका ज़्यादा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है गारंटी की जरूरत कब पड़ती है जब प्रॉफिट्स कम हो लेकिन इनका ज्यादा है तो अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो ये आगे क्लास वन एट्टी ठीक है इसका छोड़ देना कुछ नहीं करना आगे दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन दिशा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है दिशा का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला दिया जाए दिशा के शेयर प्रॉफिट में तो डेढ़ लाख होना चाहिए तो आप देखो यहां पे दिशा का प्रॉफिट कितना है क्लास एक लाख बीस हजार ठीक है इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है क्लास ट्वेंटी ठीक है तो ये तो वन आ रहा है क्वेश्चन कह रहा है डेढ़ लाख होना चाहिए

अंकुर तो जो भी कम पड़ रहा है वो अंकुर बीर करेगा अंकुर से हटा दो छः हजार दिशा में जोड़ दो छः हजार क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया इसका आ गया फोर लाख फोर्टीन थाउजेंड इसका सिंपल है कोई चेंज नहीं है इसमें भावना का और इसका आ गया वन ट्वेंटी फोर अब अगर आप वन ट्वेंटी फोर में इंटरेस्ट एक से वन होगा ना वन अगर आप इस 126 में अगर आप इस वन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड में मिला दोगे क्लास ट्वेंटी फोर कैपिटल टोटल क्लास वन लाख फिफ्टी थाउजेंड बनेगा जो कि हमारा बिल्कुल ठीक है तो ये था वो क्वेश्चन क्लास पेंडल अप्रोपरेशन उपर अकाउंट का जहां पे गारंटी का बड़ा क्वेश्चन है और ये पहले भी एग्जामिनेशन में आ चुका है ठीक है अप्रोक्सिमेटली सिक्स मार्क्स का तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाना अगर बोल रहे जो चीज मिला के तो मिला के देख लो भाई इसका वन था ट्वेंटी फोर तो वन फोर्टी फोर हुआ गारंटी डेढ़ लाख की मिली थी कम पड़ गया छः हजार ऐड कर दो तो जिसने दिया उससे माइनस कर दो तो, ठीक है तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन नंबर फाइव एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां पे हम पार्टनर मैनेजर को पार्टनर में कन्वर्ट कर रहे हैं एक बार जरूर क्लास आप इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा रीड करो चेक करो क्लास क्या होगा इसका आंसर देखो क्या है क्लास इसका चेक एक बार पूरा का पूरा इसमें लिखा है क्लास ए बी पार्टनर ऑफ प्रॉफिट सी मैनेजर ध्यान रखना क्लास एक मैनेजर को हम लोग पार्टनर में कन्वर्ट कर रहे सी वाइल मैनेजर जब सी एक मैनेजर था तो उसको सैलरी मिलती थी सत्ताईस पर एन की तो सी एज अ मैनेजर सैलरी लेता था कितनी क्लास ट्वेंटी सेवन थाउजेंड और कमीशन भी लेता था कितना कमीशन लेता था सी टेन परसेंट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सर सैलरी एंड कमीशन तो नेट प्रॉफिट कितने क्लास टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का है टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आफ्टर सैलरी एंड कमीशन ये रहा ना नेट प्रॉफिट टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आफ्टर सैलरी एंड कमीशन सैलरी घटा दो कमीशन तो घटा नहीं सकते वो तो निकाल ही रहे हैं तो उसका क्या करेंगे टन अपॉन वन टेन तो देखो क्लास कितना कमीशन आ रहा है एक बार चेक करो कैलकुलेट करो कितना कमीशन आ रहा है देखो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड और इन टू टेन अपॉन वन हंड्रेड टेन इट्स एटीन थाउजेंड तो ये टोटल क्लास बनता है फोर्टी फाइव तो एज अ मैनेजर उसको फोर्टी फाइव थाउजेंड मिल रहा था जब वो एक मैनेजर था राइट right? उसे इतना अभी तक मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड मैनेजर अगर वो पार्टनर बनता है एज ए मैनेजर तो उतना मिल रहा था उसको अगर वो एक पार्टनर बनेगा तो उसको प्रॉफिट का वन फोर्थ मिलेगा राइट प्रॉफिट कितना मिलेगा अगर वो पार्टनर बनता है तो प्रॉफिट का वन फोर्थ मिलेगा तो नेट प्रॉफिट कितने का है दो लाख पच्चीस हजार अगर वो पार्टनर बनता है तो उसे प्रॉफिट का वन फोर्थ मिलेगा दो लाख पच्चीस हजार वन फोर्थ यह आएगा फाइव सिक्स टू फाइव जीरो अगर वो पार्टनर बनता है उसको मिलेगा 56,250 अगर वो मैनेजर है उसको मिलेगा 45,000 यानी कि अगर वो पार्टनर बनता है तो ग्यारह हज़ार इलेवन का लॉस होगा और ये जो लॉस है इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी और इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा विल बी बोर्न बाय ए तो अगर वो पार्टनर बनता है तो जब वो मैनेजर बनता था उससे जो भी ज़्यादा हिस्सा आएगा उसको ए बॉर्न करेगा ए उसको बॉर्न करेगा आपको प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट बनाना तो ये है क्लास पूरी की पूरी कहानी सिंपल सी बात है पहले वो मैनेजर था उसको इतना मिलता था वो पार्टनर बनेगा उसको इतना मिलेगा तो जो भी डिफरेंस है वो ए बियर करेगा ऐसा ए ने बोला है तो ये काम करते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट ये है डेबिट पर्टिकुलर्स बनाओ अपनी कॉपी में क्लास अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस अब काफ़ी सालों से आया नहीं है बट हाँ आ सकता है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये भी पर्टिकुलर्स है क्रेडिट और ये तो इस साइड क्लास बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट है दो लाख पच्चीस हजार का ठीक है टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का नेट प्रॉफिट है सबसे पहले सी को दे दो टू सी फोर्टी फाइव थाउजेंड आप सी को दे दो ठीक है अब मेरी बात समझना क्योंकि सी एक मैनेजर की तरह है अब वो पार्टनर बन रहा है इसे इधर नहीं लिख के मैं यहां लिख रहा हूं तो फोर्टी फाइव थाउजेंड आप पूरा का पूरा सी को दे दो तो टू ट्वेंटी फाइव में से फोर्टी फाइव घटा दोगे तो वन एटी बचेगा एक लाख अस्सी हज़ार बचेगा अब इस एक लाख अस्सी हज़ार को आपने ए में और बी में बांट देना है ठीक है किस रेशियो में एक लाख अस्सी हजार को बांटोगे थ्री रेशियो टू में तो एक लाख अस्सी हजार है थ्री रेशियो टू में बांटोगे तो आएगा एक लाख आठ हजार और सेवेंटी टू थाउजेंड तो इस तरीके से आप अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा दो लाख पच्चीस हज़ार और ये दो लाख पच्चीस हज़ार पूरा का पूरा आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरा हिसाब किताब ख़त्म लेकिन अभी आपने उसे एक मैनेजर वाली पेमेंट दी है सी को एक पार्टनर की पेमेंट नहीं दी डेफिशिएंसी कितने की थी ग्यारह हज़ार दो सौ पचास की तो ये आ गया एज ए पार्टनर छप्पन दो सौ पचास और घटा दो किससे गारंटी ए ने दी है तो ग्यारह दो सौ पचास माइनस कर दो ठीक है तो इसका आ जाएगा नाइन सिक्स सेवन फाइव जीरो इसका सेवेंटी टू इसका फाइव सिक्स टू फाइव जीरो आई है क्लास बात समझ तो ये है क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया तो जो भी प्रॉफिट था आपने क्लास तीनों पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी रेशियो में ठीक है उसको मिल गया जितना चाहिए था और इन दोनों को भी क्लास ए ने गारंटी दी थी तो ए से कम हो गया वेरी सिंपल तो किसी भी पार्टनर किसी भी मैनेजर को अगर आप पार्टनर में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले आपको एक कैलकुलेशन करनी है कि भैया कितना पैसा किसको देना है एज अ मैनेजर कितना मिलना था एज अ पार्टनर कितना मिलना था फिर यहां पे जो पेमेंट सीधा 5, 6, 2, 5, का मत करना पहले आप फोर्टी फाइव देना जो नॉर्मल उसको मिलना था कम वाला ताकि ऐड कर सको और फिर अगर मैं पूरा लिख देता हूं टू फाइव जीरो एड ही नहीं कर पाता फिर मैं तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिफरेंट तो काइंड ऑफ क्वेश्चन है हाँ बट अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इसका द पार्टनर्स ऑफ अ फॉर्म आलिया भानु चंद बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्लास ये एग्जामिनेशन में आ चुका है आलिया भानु और चंद तीन पार्टनर्स हैं क्लास और उनकी जो रेशियो है यहाँ पे रेशियोज है थ्री थ्री टू थ्री बाई एट थ्री बाई एट टू बाई एट और इनकी कैपिटल है क्लास ईयर एंडेड इकतीस मार्च प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड ये प्रॉफिट है क्लास एटी थाउजेंड विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट याद देखो तुमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना इन चीजों को प्रोवाइड करे हुए कह रहा है कि आपने 80,000 का प्रॉफिट तीनों में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो इतना विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग आइटम आलिया भानुचंद सैलरी 1500 पर मंथ अगर एक महीने की 1500 है

तो ये जो 80,000 थाउजेंड का प्रॉफिट बांट दिया है थ्री थ्री टू में बिना प्रॉफिट का ध्यान रखे हुए तो क्लास हमें इसको uh, तो प्रोवाइडिंग प्रॉफिट को हम प्रॉफिट को रिवर्स कर देंगे इन चीजों को प्रोवाइड कर देंगे एंड दैट्स इट खत्म हमारा यही काम है तो बनाते हैं क्लास आलिया भानु और चंद स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट पर्टिकुलर्स आलिया भानु चंद कुल मिला के ए बी सी है और यह है फॉर्म यानी कि पी एंडल अप्रोप्रेशन क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट आप क्या बनाओगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ठीक है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट अब इसके बाद आगे लिखोगे यहां पे प्रॉफिट्स रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड प्रॉफिट आपने गलती से बांट दिया था अब आप रिवर्स करोगे सारे बच्चे मुझे बताओ जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है वह अप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड आता है डेबिट साइड बट आपने गलत कर दिया था रिवर्स कर रहे हो तो यहां लिखो क्लास क्रेडिट साइड अस्सी हजार तो ये क्रेडिट है तो यहां आएगा डेबिट 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 कितना रेशियो है क्लास थ्री थ्री टू ठीक है अस्सी हजार को थ्री थ्री टू में बाटोगे थर्टी थाउजेंड थर्टी था एजेंड को क्लास आपने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया राइट अच्छा अगला अब तुम्हें ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है सैलरी आलिया और चंद को सैलरी इज प्रोवाइडेड आप सैलरी दो सैलरी तुमने रिवर्स नहीं करना प्रोवाइड करना है तो किधर आता था अप्रोपरेशन में डेबिट तो डेबिट ही लिखो सैलरी आता था डेबिट तो डेबिट ही लिखो टोटल तो कितनी सैलरी है थर्टी सिक्स थाउजेंड आलिया में ये डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट आएगा एटीन थाउजेंड इसके भी क्रेडिट आएगा आलिया और भानु में एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड ठीक है अच्छा आलिया और चंद है सॉरी भानु नहीं है चंद है आलिया और चंद में एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड ठीक है अच्छा सैलरी के बाद है क्लास यहाँ पे भानु को कमीशन मिलता है चार हजार कमीशन प्रोवाइडेड कमीशन प्रोवाइडेड भानु को मिलता है क्लास कमीशन ठीक है चार हजार डेबिट भानु में क्लास आएगा कमीशन चार हजार क्रेडिट ठीक है अच्छा नेक्स्ट है क्लास यहां पे और आगे लिखा है क्लास भानु और चंद ने गारंटी दी है कि 35,000 पर एन क्लास आलिया आ, मतलब गारंटी दी है आलिया को 35,000 की चलो काम काम करो, करो इसकी और तो कुछ है नहीं देखो ये तुम्हारा को तुम क्लास गलत थे, उसको रिवर्स कर दिया ये दो चीजें आपने प्रोवाइड कर दी अब लास्ट काम है गारंटी का तो कैसे करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट प्लस गारंटी जरा देखो आप तो एटी थाउजेंड है एटी थाउजेंड में से माइनस करोगे थर्टी सिक्स थाउजेंड और फोर थाउजेंड इट मीन बचेगा फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड को ये डेबिट है तो यहां पे क्लास आएगा क्रेडिट 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 और लिखोगे तो, तो कुछ क्वेश्चन में रेशियो है ही नहीं रेशियो कहीं गिवन ही नहीं है तो जो भी रेशियो है क्लास में वही रेशियो है थ्री थ्री टू तो अब एक काम करते हैं क्लास ये जो फोर्टी थाउजेंड का प्रोफिट है इसको बांटते हैं ये वर्किंग नोट आएगा ये वर्किंग नोट तो देखो जरा यहां पर वर्किंग नोट में तो ये जो चालीस हजार है ये तीनों में बांटो आप ठीक है आलिया भानु और चंद ठीक है और फोर्टी थाउजेंड है आठ से डिवाइड तो है पाँच सौ तो पंद्रह हज़ार पाँच सौ इंटू तीन पाँच सौ इंटू तीन पंद्रह हजार पाँच सौ इंटू दो मतलब दस हज़ार तो अगर आप देखोगे पंद्रह दूनी तीस चालीस ये पूरा का पूरा सॉरी फोर्टी थाउजेंड देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये फोर्टी थाउजेंड था तीनों में आपने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अब गारंटी किसको मिली थी भानु और चंद ने दी थी पैंतीस हजार की आलिया को तो आलिया का यहाँ क्लास पंद्रह तो कितना हो गया यहाँ पे पंद्रह हजार रुपए क्लास अगर आ रहा है तो बीस हजार की डेफिशियंसी है तभी तो बनेगा पैंतीस तो इसको तो पैंतीस चाहिए चाहिए बीस हजार डेफिशियंसी दोनों इक्वली बियर करेंगे तो दस और दस दोनों इक्वली बियर इसका जीरो आ गया और क्लास था उजेंड आ गया तो आप इस तरीके से प्रॉफिट को बांटोगे यानी कि आलिया को मिलेगा पैतीस बहानु को मिलेगा पांच तो आलिया में लिखो पैंतीस चंद को मिल रहा है जीरो तो इस से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसको पैंतीस मिलना था इसको पैंतीस मिल गया अब आप कर लो टोटलिंग क्लास ये है थर्टी थाउजेंड यह बनेगा थर्टी फाइव प्लस एटीन फिफ्टी थ्री थाउजेंड क्रेडिट साइड बड़ी है किससे क्लास बड़ी है क्रेडिट साइड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड से बड़ी है ये हो गया क्लास आपका थर्टी थाउजेंड ये हो गया नाइन थाउजेंड तो इसकी डेबिट साइड बड़ी है कितने से बड़ी है क्लास थर्टी माइनस नाइन ट्वेंटी वन थाउजेंड से डेबिट साइड बड़ी है अगर आप इनका देखो तो ये है बीस हज़ार और ये अट्ठारह हज़ार तो इसकी भी डेबिट साइड बड़ी है कितने से क्लास दो हज़ार से ठीक है बीस अट्ठारह डेबिट साइड कितने से बड़ी है दो हज़ार से तो आप एंट्री क्या पास करोगे ये दोनों डेबिट करोगे और ये क्रेडिट कर दोगे तो डेबिट क्या क्या करोगे चंद डेबिट भानु डेबिट ठीक है आप एंट्री पास करो जो, जो जनल एंट्री पास करोगे आप यहाँ पे ये तो हो गया क्लास इसको मिटा दो चंद्र डेबिट भानु डेबिट चंद्र डेबिट अच्छा कैपिटल और करेंट के लिए पढ़ना बढ़िया क्वेश्चन कहीं फिक्स मैथड दे रखा है क्या हाँ फिक्स मैथड कुछ दे ही नहीं रखा चंद्र डेबिट एक ऐसी एंट्री से सारी गलती ठीक हो जाएगी चंद कैपिटल अकाउंट डेबिट दो हजार भानु इक्कीस भानु इक्कीस है दो हजार भानु इक्कीस हजार भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट तो देख रहे हो गारंटी भी कवर हो गया इसमें और पास्ट एडजस्टमेंट भी ये आ गया ट्वेंटी थ्री थाउजेंड ठीक है तो ये हो गया क्लास आपकी जनरल एंट्री जो आपको करना है अच्छे से एंड दैट्स इट खत्म ये हो गया क्लास हमारा क्वेश्चन Finish. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था पास असेसमेंट भी था गारंटी भी था तो जरूर आप लोगों को अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाना है प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल टाइम एक और क्वेश्चन है क्लास आखिरी क्वेश्चन आज ही क्लास का और यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी गारंटी फर्म ने पार्टनर को नहीं दी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी क्या है देखते हैं क्लास थ्री चार्ट अकाउंटेंट्स अभिजीत बलजीत और चरणजीत पार्टनर्स पार्टनर क्लास इनकी रेशियो है थ्री बाई सिक्स चरणजीत का जो प्रॉफिट है गारंटीड नॉट लेस देन को मिल गया भैया तेरे को मिलना ही मिलना है चरणजीत को गारंटी मिली है कि तेरे को पंद्रह हजार मिलना ही मिलना है ठीक है और कोई डेफिशियंसी आई कुछ लिखा नहीं है तो थ्री रेशियो टू में दोनों बियर करेंगे अभिजीत और बलजीत बलजीत गिफ्ट गारंटी बलजीत ने दी है गारंटी

तब मैं पच्चीस हजार फीस ले लेता था मेरी कमाई पच्चीस हजार की हो जाती थी साल भर में तो अब मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में कर रहा हूं तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा पच्चीस हजार जैसे होता है ना कोई भाई मैं मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर दूंगा चलो तो इसने बोला भाई मैं फर्म के प्रॉफिट में पच्चीस हजार मेरा योगदान होगा फर्म का जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसके अंदर मैं पच्चीस डाल दूंगा मैं गारंटी दे रहा हूँ पार्टनर ने गारंटी दे दी तो अगर ये पच्चीस नहीं डाल पाएगा कल को तो अपने जेब से देगा ठीक है या बिजनेस से कम लेके जाएगा जो भी है द दर्म फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट सेवेंटी फाइव थाउजेंड का है और ग्रॉस फी जो बिचारी की सिर्फ सोलह हजार आ गई भाई सोचा था पच्चीस का आया सोलह का नौ हजार रुपए कम पड़ गए इसने गारंटी दी थी पच्चीस की बट हुआ कितना प्रॉफिट के अंदर सिर्फ सोलह तो भैया नौ हजार रुपए डेफिशियंसी आपको प्रॉफिट लॉस अप्रोपरेशन अकाउंट बनाना है तो आओ जरा क्लास प्रॉफिट लॉस अप्रोपरिएशन बनाते हैं ये है डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट कैसे होगा देखना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हो गया पर्टिकुलर्स क्रेडिट अमाउंट ठीक है तो सबसे पहले क्लास आप लिखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट कितने का है सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस बी ने गारंटी दी थी ना तो बी अपनी जेब से भरेगा आप भाई बी ने कहा था कि प्रॉफिट के अंदर बी ने कहा था कि जो प्रॉफिट है प्रॉफिट के अंदर जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट के अंदर जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना होगा प्रॉफिट के अंदर बी ने कहा था बी ने कहा था प्रॉफिट के अंदर 84,000 का थाउजेंड का सॉरी मतलब नौ पच्चीस हजार का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सो सोलह हजार कुल डाल पाया तो नौ हजार की डेफिशिय थी तो प्रॉफिट कुल मिला के 84 आएगा सेवेंटी फाइव कमाया बट गारंटी दी थी बी ने तो भैया जो कम पड़ेगा बी झेलेगा तो उसने सोलह हजार कमाया वो हो, तो होगा ही प्रॉफिट के अंदर लेकिन जो बाकी नौ हजार कम पड़ रहा है भैया वो बियर करेगा भानु तो यहाँ पे क्लास आएगा नौ हजार आ गया टोटल एट्टी फोर थाउजेंड अब हम इसमें से एटी फोर में से किसी पार्टनर को कुछ देना है इसमें सैलरी कमीशन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है अब ये पूरा एट्टी फोर थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू डिविजिबल प्रॉफिट्स टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अभिजीत कौन कौन है क्लास अभिजीत बलजीत और चरनजीत अभिजीत बलजीत चरनजीत ठीक है तो 84,000 है और रेशियो क्या है थ्री टू वन एटी को सिक्स से डिवाइड दोगे आएगा 14,000। थाउजेंड थ्री टू वन आएगा ट्वेंटी एट प्लस फोर्टीन थाउजेंड आएगा फोर्टी टू थाउजेंड ठीक है ये आ गया अब गारंटी किसको मिली थी इस क्वेश्चन में क्लास थी? तो क्वेश्चन खत्म हो गया बिल्कुल हमारा बी ने गारंटी दी थी उसका काम यहाँ पे हो चुका है भानु नहीं था बलजीत था बलजीत था क्लास ठीक है गलती से पिछले क्वेश्चन का याद आ गया भानु ने बलजीत है अब इसमें चरणजीत को पंद्रह हजार की गारंटी मिली थी और चरणजीत को मिल रहा है चौदह हजार तो डेफिशिएंसी एक हजार चरणजीत का हो गया पंद्रह हजार अब इस डेफिशिएंसी को ये दोनों बियर करेंगे तो एक हजार है और रेशियो सत्ताइस पंद्रह हजार इकतालीस हजार चार सौ टोटल क्लास कितना एटी फोर थाउजेंड ये हो गया क्लास आपका कम्प्लीट क्वेश्चन ठीक है तो इस तरीके से बनाना है और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो अभिजीत बलजीत और चरनजीत की अगर हम बात करूं अभिजीत बलजीत और चरनजीत तो अभिजीत को जो मिल रहा है यहां पे देखो कितना मिल रहा है फोर्टी वन फोर हंड्रेड फोर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड बलजीत को कितना मिल रहा है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड चरनजीत को मिल रहा है क्लास पंद्रह हजार नौ हजार इसमें से माइनस कर दो क्योंकि बलजीत ने नौ हजार रुपए यहां भरा था तो इधर क्रेडिट है ट्वेंटी सेवन डेबिट है नौ हजारेड सत्ताइस छ सौ में से नौ हजार घटा दोगे तो आएगा एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और ये आएगा पंद्रह हजार तो इस तरीके से क्लास आप तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे तो ये है क्लास हमारा आखिरी क्वेश्चन एंड फाइनली क्लास हम लोगों ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया ये मैंडेटरी नहीं है लिखना बट मैंने आपको बता दिया कि बुक से आंसर से मैच करो आपका मैच ना हो तो ये इसीलिए माइनस करके अट्ठारह छह सौ आ रहा है बाकी सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट है और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया उम्मीद है क्लास आपको पूरा का पूरा चैप्टर फंडल और पार्टनरशिप समझ आया होगा हमने कंप्लीटली इस पूरे के पूरे चैप्टर को शुरू से लेकर एंड तक खत्म कर दिया हर टॉपिक हर कॉन्सेप्ट सब कुछ कर लिया योद्धा बैच में मेंबर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने दोस्तों को शेयर करो क्लास ताकि क्लास सारे बच्चे क्लास यहाँ ज्वाइन कर सके और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पूरी ट्वेल्थ की प्रिपरेशन कर सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक बाय गॉड ब्लेस यू